हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस लेक्चर में हम लोग मई 2019 के पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऑफिशियल मैगजीन से हम लोग न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, और आप लोगों में से जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड गाइज, यहाँ पर हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक वाइज न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको कहीं से भी मई 2019 के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। और गाइज, अक्टूबर 2018 से लेकर अभी तक हम लोगों ने मई 2019 तक के पूरे मंथली करंट अफेयर्स को जो है वो बना दिया है। उसके वीडियोज आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इसके अलावा हमारा एक दूसरा चैनल भी है स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स के लिए, जिसका नाम है ओनली करंट अफेयर्स। उस चैनल पे आप जाएंगे तो आपको वीकली न्यूज एनालिसिस जो है वो मिलेगी, यानी कि हर सप्ताह जो है वो आपको न्यूज एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। तो देखिए गाइस, मई 2019 के करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो सेक्शन ए में हम लोग प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद सेक्शन बी को कवर करेंगे मेंस करंट अफेयर्स के लिए। यहां पर हम लोग जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3 को टॉपिक टू टॉपिक वाइज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं फिर सेक्शन ए के प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स से। तो हमारा पहला पिलर आता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का। पहली न्यूज में बात हो रही है ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट के बारे में। तो गाइज, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है सेव द चिल्ड्रन, इनके द्वारा ये ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट जो है वो रिलीज की जाती है। और ये जो एनजीओ है गाइज, ये चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के ऊपर और बच्चों के एजुकेशन के ऊपर काम करता है। और गाइज, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो आज की डेट में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिनका बर्थ हो रहा है, उनके पास बेटर चांस है हेल्दी, एजुकेटेड और प्रोटेक्टेड रहने का। क्योंकि आज की डेट में अगर हम लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बात करें, तो मेडिकल साइंस की बात करें, तो वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है, उसके लिए बच्चे हेल्दी रहते हैं। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो वेरियस इंस्टीट्यूशंस आज की डेट में बिल्डअप हो चुके हैं, ओपन अप हो चुके हैं। सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है अलग अलग देशों की, वो एक्टिव हो गई है और वो अपने यहाँ के बच्चों को बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने का हर एक ऑप्शन जो है वो लेकर आ रही है। राइट, और तीसरी बात प्रोटेक्टेड की बात हो रही है। कई सारी गवर्नमेंट्स जो है वो भी आज की डेट में अवेयर हो गई हैं। कई सारी कंट्रीज के अंदर बेटर रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर। तो इसीलिए ये कहा गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि आज की डेट में जो बच्चे बर्थ लेते हैं उनके पास बेटर चांस होता है हेल्दी, एजुकेटेड और प्रोटेक्टेड रहने का। समझ में आई आपको बात? अब देखिए, 2000 में एस्टिमेशन लगाया गया था कि 970 मिलियन बच्चे जो है गाइस, उनका चाइल्डहुड जो है वो खत्म हो गया था ड्यू टू इल हेल्थ, चाइल्ड लेबर, अर्ली प्रेगनेंसी और वॉयलेंट डेथ के कारण। राइट, और ये जो नंबर है ये काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया है, 970 मिलियन से 690 मिलियन आज की डेट में हो गया है। राइट, उसकी वजह यह है कि आज की डेट में वेरियस अवेयरनेस कैंपेनिंग्स वगैरह हम लोग को इंटरनेशनल लेवल पर और डोमेस्टिक कंट्री वाइज लेवल पर देखने को मिल जाती है। तो ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग को कुछ चीज़ें देखने को मिली है जो कि इंपॉर्टेंट है, और आप मेंस एग्जामिनेशन में भी इसके बारे में कुछ उपयोग कर सकते हैं। अब बात हो रही है ग्रुप सेल के बारे में। तो यहाँ पर INS होगा गाइस, INS शिप जो है, इंडियन नेवल शिप, हम लोग को कोलकाता और शक्ति की देखने को मिल रही है अभी रिसेंटली। और ये यहाँ पर एक ग्रुप सेल जो है वो हुई है जो जापान की नेवी है, फिलीपींस की नेवी है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी है। तो इन तीनों ने मिलकर और प्लस हमारी इंडियन नेवी, इन चारों ने मिलकर जो है साउथ चाइना सी में एक नेवल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करी है। इसको ग्रुप सेल एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ कंट्रीज के नाम जो है वो थोड़ा सा याद रखिएगा। इंडो म्यांमार कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल की यहाँ पर बात हो रही है। तो 2019 का इंडो म्यांमार कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का 8वां एडिशन हम लोग को देखने को मिला है। और ये जो पेट्रोल है, या फिर इन जनरल मैं बोलूँ ये जो एक्सरसाइज है, ये इंडिया और म्यांमार के बीच में होती है, याद रखिएगा। IMCOR से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि इंडिया और म्यांमार के बीच में ये बायलेटरल एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिलती है। और इसमें फोकस किया गया है टेररिज्म को खत्म करने के ऊपर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पोचिंग, इलीगल फिशिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और दूसरी जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं इंडिया और म्यांमार के बीच में, उसको खत्म करने के लिए ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई थी। और पहली ये कॉर्पोरेट सीरीज की एक्सरसाइज हम लोग को मार्च 2013 में देखने को मिली थी। जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड की यहां पर बात हो रही है। तो फॉर्मर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी है श्याम सरन जी,
इनको सेलेक्ट किया गया है जापान के सेकेंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड के लिए, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। ये इंडिया के जो फॉर्मर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं श्याम सरन जी, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। थोड़ा सा इस अवार्ड के बारे में बात करें तो जापानीज गवर्नमेंट का ये सेकेंड हाईएस्ट नेशनल ऑनर है, जो कि मैंने भी आपको बताया था। इसको एस्टैब्लिश किया गया था जापानीज एम्परर मीजी के द्वारा 1875 में, और ये सिविल और मिलिट्री मेरिट के लिए जो है वो दिया जाता है ये पर्टिकुलर अवार्ड। अब मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की बात हो रही है, जोखा अलहर्ती ये गाइज ऑथर हैं ओमान की, इनको मिल रहा है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, और इनकी अरबिक नॉवल है सेलेस्टियल बॉडीज, इसके लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और गाइज ये पहली अरबिक लैंग्वेज राइटर बन गई हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, राइट। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है जो कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा होस्ट किया जाता है, और इसका जो काउंटर पार्ट है यानी कि एक और इसी प्रकार का अवार्ड है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज नोवेल के लिए दिया जाता है, जिसका नाम है मैन बुकर प्राइज। आपने इसका मैन बुकर प्राइज का नाम तो सुना होगा, बट ये इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए प्राइज जो है गाइज ये सभी लैंग्वेजेस के लिए ओपन होता है, राइट। और जो नॉवल ब्रिटेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है और जिस नॉवल को ट्रांसलेट किया जा सकता है तो उनके लिए ये यानी कि अवार्ड जो है वो नॉवल के लिए दिया जाता है। और पहले 2005 से लेकर 2015 के पीरियड के बीच में सिर्फ जो भी नॉवल इंग्लिश में पब्लिश होती थी उसी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता था, बट अब ये बोला गया है कि ये अब इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी जो नॉवल अवेलेबल होंगी उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, राइट। उन नॉवल के ऑथर को यानी जिसने उस नॉवल को लिखा है, और 2016 के बाद यही चीज हो गई। और इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि 50,000 पाउंड्स का प्राइज मनी जो है वो दिया जाता है राइटर को और ट्रांसलेटर को, और यानी कि आप कह सकते हो कि 25,000 पाउंड राइटर को मिलता है और 25,000 पाउंड ट्रांसलेटर को मिलता है जिस भी इंडिविजुअल ने इस नॉवल को वेरियस लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया होगा। वयोश्रेष्ठ सम्मान की यहां पर बात हो रही है, नेशनल अवार्ड फॉर सीनियर सिटीजन 2019 हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये हर साल दिया जाता है ये अवार्ड। 13 कैटेगरी में ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है, और गाइज ये किसी सीनियर सिटीजन को या इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है जो लोग एल्डरली पर्सन ओल्ड पर्सन के कॉज के लिए बेनिफिट के लिए जो है वो काम करते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 2005 में इस अवार्ड को जो है वो इंस्टीट्यूट किया था, और 2013 में ये अवार्ड जो है वो एज अ नेशनल अवार्ड की तरह हम लोग को देखने को मिला। और जनरली ये अवार्ड जो है गाइज हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है 1 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर का दिन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन हम लोग को दिन देखने को मिलता है 1 अक्टूबर का। और गाइज ये अवार्ड जो है वो अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं आपको, अभी 2019 आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो ये अक्टूबर का मंथ ही चल रहा है, तो अभी रिसेंटली इस अवार्ड को जो है वो दिया है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। अब सिम्बेक्स 2019 की यहां पर बात हो रही है, सिम्बेक्स जो है ये मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है, जो कि अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई थी, राइट। तो ये अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल जो है वहां पर ये एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई थी, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में देखने को मिला था। अब बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के बारे में, तो गाइज इसको यूनेस्को या फिर गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी बोला जाता है, हर साल ये प्राइज दिया जाता है डायरेक्टर जनरल जो होते हैं यूनेस्को के उनके द्वारा ये दिया जाता है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जिस दिन होता है यानी कि May 3 को ये ऑब्जर्व किया जाता है, उस अवसर पर इस अवार्ड को जो है वो दिया जाता है। और ये अवार्ड जो है गाइज ये 1997 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी, तो कुछ बेसिक चीज़ें आप इस अवार्ड के बारे में थोड़ी सी याद रखिएगा। सासाकावा अवार्ड 2019 के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन गाइज इन्होंने सासाकावा अवार्ड 2019 जो है वो दिया है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को, जो कि एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हम लोग को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा। इस यूनाइटेड नेशन सासाकावा अवार्ड के बारे में बात करें तो ये मोस्ट प्रेस्टीजियस इंटरनेशनल अवार्ड है डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की फील्ड में। इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है UNDRR के द्वारा और निप्पन फाउंडेशन के द्वारा। 2019 की थीम है बिल्डिंग इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट सोसाइटीज। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज की यहां पर बात हो रही है गाइस, तो ये जो ग्रास रूट एनवायरमेंटल हीरोज जो होते हैं, राइट, जो वर्ल्ड के 6 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंटल रीजन है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, आइलैंड्स एंड आइलैंड नेशंस,
नॉर्थ अमेरिका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका. तो यहाँ पर जो लोग होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट वगैरह होती है जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है, या फिर जो एक्टिविस्ट होते हैं जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है. राइट, तो ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा इस अवार्ड के बारे में. और ये इस साल जो है 2019, इसकी 30वीं एनिवर्सरी है और इस प्राइज का फाउंडेशन किया गया था 1989 में यूनाइटेड स्टेट्स के फिलेंट्रोफिस्ट रोडा और रिचर्ड गोल्डमैन के द्वारा. तो इसीलिए इसका नाम जो है वो गोल्डमैन के नाम से जो है वो रखा गया, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज. वरुण 19.1 बायलेटरल एक्सरसाइज की बात हो रही है, इंडो फ्रेंच जॉइंट नेवल एक्सरसाइज ये होती है. तो याद रखिएगा, अगर वरुण की बात हो रही है, वरुण बायलेटरल एक्सरसाइज, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी है. ठीक है, ऑस्ट्रिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे हम लोग, ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं जो कि एक यूरोपियन कंट्री है. ऑस्ट्रिया ने बैन किया है हेड स्कार्फ को प्राइमरी स्कूल्स में. तो ये नया लॉ आया हुआ है जहाँ पर हेड स्कार्फ को जो है वो प्राइमरी स्कूल में बैन किया जा रहा है. और गाइज, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो जैसे कि मुस्लिम धर्म के अंदर अगर हम लोग बात करें, तो आप जानते हैं कि इस्लामिक जो रिलीजन है, इस्लाम रिलीजन जो है, उनको बेसिकली यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम के अंदर ही हेड स्कार्फ जो है वो बांधे जाते हैं. राइट, तो ये वाली चीज़ याद रखिएगा. बट गवर्नमेंट ने एक चीज़ क्लैरिफाई करी है कि जो सिख जो बॉयज़ हैं और ज्यूइश किप्पा जो है, जो कि अपने हेड पर टर्बन जो है वो पहनते हैं, तो ये बोला गया है कि उनको ये लॉ जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा. तो ये सिर्फ यहाँ पर बोला गया है इस्लामिक धर्म के लोगों को ही ये लॉ अफेक्ट कर रहा है ऑस्ट्रिया के अंदर. तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि कोई भी जो गारमेंट है फेस में पहनने वाला, वो नहीं पहना जाएगा ऑस्ट्रिया के अंदर. सेम विद, जैसे अभी हम लोग ने कुछ समय पहले देखा था कि श्रीलंका के अंदर भी इसी प्रकार का लॉ अभी पास हुआ था, जहाँ पर बोला गया था कि कोई भी हेड के ऊपर गारमेंट जो है वो नहीं पहनेगा. और श्रीलंका ने स्पेसिफिकली किसी धर्म को पॉइंट आउट नहीं किया, बट यहाँ पर ऑस्ट्रिया के अंदर स्पेसिफिकली इस्लाम को पॉइंट आउट किया गया है. अब बताया जा रहा है कि DRDO ने सक्सेसफुली अभ्यास का फ्लाइट टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर दिया है. अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हम लोग को देखने को मिलती है. तो देखो, आप ये इमेज देख सकते हो, ये अभ्यास की इमेज है. ये बेसिकली एक ड्रोन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा बनाया गया है. और ADE जो है, ये DRDO की ही एक विंग आप कह सकते हो या यूनिट कह सकते हो, ये हम लोग को देखने को मिलती है. और पहला इसका एक्सपेरिमेंटल लॉन्च हुआ था 2012 में, और अब फाइनली जो है वो सक्सेसफुली इसका टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर दिया गया है. एयर टू एयर मिसाइल और सरफेस टू एयर मिसाइल को लॉन्च करने के लिए ये ड्रोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा असिस्ट करेगा. देखो आप इस ड्रोन में पीछे साइड देखो, आप थोड़ा सा ग्रे कलर का जो है वो कुछ दिख रहा है आपको, तो वो मिसाइल हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि ऊपर जाकर जो है वो एयर टू एयर मिसाइल को लॉन्च करने के लिए ये ड्रोन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा. राइट, तो ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा. अब आर्मी स्काउट्स मास्टर्स कंपटीशन की बात हो रही है. इंडिया ने पहली बार होस्ट किया है आर्मी स्काउट्स मास्टर कंपटीशन को. ये एक इंटरनेशनल आर्मी गेम्स स्टीड बाय रशिया का एक पार्ट है, यानी कि एक रशिया कंडक्ट करती है इंटरनेशनल आर्मी गेम्स, तो उसी का ही एक पार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसको इंडिया ने होस्ट किया है जैसलमेर सिटी राजस्थान के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है. राइट, अब गाइस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. डैनिस ओवंस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. तो देखो, जैसे ही आप नाम सुनो डैनिस ओवंस, आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि ये एक स्पीसीज है ह्यूमन की, जो कि लुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं एक तरह की स्पीसीज. राइट, और ये 1,60,000 साल पहले जो है वो रहा करती थी, यानी कि इनका जो जो लिविंग टेन्योर जो था वो 1,60,000 पहले का था. तो ये एक प्रकार की स्पीसीज है, ये चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जो 1,60,000 साल पहले रहा करती थी. और जो होमो सेपियंस हैं, जो जीनस होमो जो है, यानी ह्यूमन का एक जीनस है होमो, और आज की डेट में मॉडर्न ह्यूमन जिसको हम लोग जनरली होमो सेपियंस बोलते हैं. राइट, तो ये जो मॉडर्न ह्यूमंस है, उन्हीं का ही एक जीनस पहले के टाइम पे हुआ करता था डैनिस ओवंस के नाम का. जैसे कि अलग अलग ह्यूमंस को अलग अलग कैटेगराइज में जो है वो डिवाइड किया हुआ है, आप जानती हो, जैसे ह्यूमन जो है वो एप्स से बने हैं. तो समय समय पर ह्यूमंस के अंदर जो जो एवोल्यूशन आया, उसके अकॉर्डिंग रिसर्चर्स वगैरह ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने इनको जो है वो कैटेगराइज कर दिया गया है. राइट, ईजी तरीके से समझने के लिए. तो वैसे ही एक डैनिस ओवंस जो है, उनके कुछ फॉसिल जॉ बोन्स जो है वो मिले हैं चाइना की एक गुफा के अंदर. और चाइना के जियाहे गानसू नाम का एक एरिया है, यहाँ पर एक गुफा है जिसका नाम है बैशिया कार्स्ट. तो देखो, क्वेश्चन माइट ऑल्सो कम कि बैशिया कार्स्ट क्या है. तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि चाइना के अंदर एक गुफा है जहाँ पर ये जो डैनिस ओवंस के कुछ फॉसिल्स वगैरह जो है वो मिले हैं. बेसिकली इनके दांत, जो जबड़ा जो होता है ना, जॉ, वो मिला है यहाँ पर.
तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। और डेनिस ओवंस का पहला एविडेंस डिस्कवर हुआ था 2008 में साइबेरिया की एक गुफा में जिसका नाम है अल्टाई माउंटेन्स। तो दिस क्वेश्चन माइट ऑल्सो कम की अल्टाई माउंटेन्स कहां पर है, तो ये साइबेरिया में एक गुफा हम लोग को देखने को मिलती है। अब इंटरनेशनल वर्कर डे की बात हो रही है, तो मई 1st 2019 को भी रिसेंटली सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल वर्कर्स डे। और गाइज इस दिन को इंटरनेशनल वर्कर्स डे या फिर मे डे के नाम से भी जाना जाता है या फिर लेबर डे के नाम से भी जाना जाता है। और ये डे जो है गाइज वो वर्किंग क्लासेस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल लेबर मूवमेंट, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो है वो इस डे को सेलिब्रेट करते हैं और प्रमोट करते हैं। और इंडिया के अंदर पहली बार लेबर डे को सेलिब्रेट किया गया था मद्रास के अंदर, यानी कि अभी आज की डेट में जो चेन्नई है वहां पर सेलिब्रेट किया गया था लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा मई 1st 1923 को, राइट। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी इसके बारे में ध्यान में रखनी है। श्रीलंका ने सभी प्रकार के फेस कवर जो है वो बैन कर दिए, इसके बारे में आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। सेम चीज हम लोग को देखने को मिली थी, रिपीटेड न्यूज है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कवर करवा दी है ऑलरेडी। अब नेक्स्ट हमारा जो पिलर आता है वो है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का। इंडिया का बिगेस्ट स्टूको स्कल्पचर हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखो ये स्टूको स्कल्पचर है इंडिया का सबसे बड़ा, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं तेलंगाना में इन्होंने निकाला है रेयर लाइफ साइज स्टूको स्कल्पचर। और ये एक बुद्धिस्ट साइट से निकला है जिस बुद्धिस्ट साइट का नाम है पहानीगिरी, राइट। तो ये सूर्य पेट में हम लोग को देखने को मिलती है। तो अब देखो क्वेश्चन में ऑल्सो कम की पहानीगिरी कहां पर है, तो ये तेलंगाना में है और ये एक बुद्धिस्ट साइट है, ये इस प्रकार से भी आपको पता होना चाहिए। और स्टूको स्कल्पचर जो है गाइस ये बिगेस्ट अभी तक के पाया गया है, यानी कि अभी तक इतना बड़ा स्कल्पचर जो है स्टूको स्कल्पचर ये अभी तक नहीं मिला था, राइट। पहली बार ये स्कल्पचर जो है वो मिला है। तो आर्ट एंड कल्चर में इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं गाइस प्रीलिम्स में। तो आर्कियोलॉजिस्ट का मानना यह है कि ये लाइफ साइज फिगरीन जो है ये बोधिसत्वा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जटाका चक्र जो है गाइस यहाँ पर बोधिसत्वा जो हम लोग को देखने को मिलता है तो उसको ये रिप्रेजेंट कर रही है। और बोधिसत्वा बेसिकली बुद्धिस्ट देवता हैं, राइट, जिन्होंने हाईएस्ट लेवल ऑफ एनलाइटमेंट जो है वो अटेन किया हुआ है, राइट। तो ये वाली चीज़ भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। और ये बताया जा रहा है कि 1700 साल पहले जो है ये क्रिएट किया गया था, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको जो फोटो इमेज जो दिखाई दे रही है ये मूर्ति टाइप की, तो ये 1700 साल पहले जो है वो बनी थी। और ये बता रहे हैं कि ये उस समय जो इशावाकु डायनेस्टी का राज जो चल रहा था तो उस समय इसको बनाया गया था। तो इशावाकु डायनेस्टी के बारे में कुछ और चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि गाइस ये डायनेस्टी जो है ये पुरानिक लिटरेचर में इसका जो है वो मेंशनड है। और इशावाकु नाम का एक राजा हुआ करता था और ये सोलर डायनेस्टी के नाम से भी जाने जाते हैं या सूर्य वंशा के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि जैसे भगवान राम जो है उन्हीं के टेन्योर या फिर मैं बोलूँ उन्हीं का जो पीरियड जो चल रहा था तो उसी समय की ये डायनेस्टी है, राइट, भगवान राम की। और जो 22 जो है 24 में से 22 जैन तीर्थंकारा है तो वो यहाँ पर थे इस समय। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो प्रिंस सिद्धार्थ हैं वो भी इसी डायनेस्टी के बिलोंग करते हैं, सोलार डायनेस्टी, इशावाकु डायनेस्टी या सूर्यवंशा, राइट। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 4000 साल पुराने बरियल साइट जो है गाइस उसको निकाला है उत्तर प्रदेश के अंदर, 4000 पुराना बरियल साइट, तो उत्तर प्रदेश की सनौली में ये निकला है। और यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें निकली हैं, सेक्रेट चैम्बर्स निकले हैं, डेकोरेटेड लेग्ड कॉफिन्स निकले हैं, राइट, साथ ही साथ राइस और दाल के पॉट्स निकले हैं, एनिमल बोन्स जो हैं वो बॉडीज के साथ बरी की गई थी वो भी निकले हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ याद रखिएगा, स्पेसिफिकली ये लोकेशन सनौली, ये आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। और बताया जा रहा है कि ये जो भी चीज़ें निकली हैं अभी 4000 साल पुरानी तो ये लेटर मैच्योर हरप्पन कल्चर के लास्ट फेज से निकली है। तो देखो गाइस एंशिएंट हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है ना तो आर एस शर्मा नाम की एक बुक है एंशिएंट हिस्ट्री की, वो डेफिनेटली पूरी पढ़िएगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से मैक्सिमम के 100% उसी से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर एक बार आपने उस बुक को रट ली तो आपको कहीं और से एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, 433 कुछ पेज की है, तो आप पढ़ लीजिएगा, उसके नोट्स वगैरह बनाइएगा। और ये बताया जा रहा है कि ये अपर गंगा यमुना दाब जो है गाइस उसको स्टडी करने के लिए वो बेसिकली जो कल्चरल पैटर्न है उस समय का तो उसको स्टडी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो है वो पाई गई हैं। किंग राम टेन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, किंग राम टेन या रामा टेन आप बोल सकते हो, तो थाईलैंड के जो किंग है महा वाजीरा लॉन्ग्रॉन, तो ये इनको फॉर्मल टाइटल जो है वो मिला था किंग राम टेन का और ये 10वें किंग थे चक्री डायनेस्टी के, तो ये वाली चीज़ याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पिलर आता है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो माउंट आगुंग के बारे में बात हो रही है। देखो कई बार हम लोग इस माउंट को पिछले 2-3 महीने में भी डिस्कस कर चुके हैं मंथली न्यूज़ एनालिसिस में, तो ये डेफिनेटली आ सकता है क्योंकि रिपीटेड ये माउंट आगुंग है, राइट, आगुंग या जो भी आप इसको बोलो, तो ये इंडोनेशिया के का जो एक हॉलीडे हाईलैंड है बाली नाम का,
तो ये वहां पर लोकेटेड है माउंट आंगोंग, और ये कंटिन्यूअसली, ये बेसिकली एक तरह का वॉल्केनो है जो कि कंटिन्यूअसली इरप्ट हो रहा है काफी समय से, राइट. इसको गुलुंग आगोंग के नाम से भी जाना जाता है, राइट. बाली में है ये वाली, बस चीज आप याद रखिएगा इस वॉल्केनो का नाम. और माउंट मकाऊ ये भी रिपीटेड है, काफी बार पूछ लिया गया है, तो इस प्रकार के ज्योग्राफी में मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं क्वेश्चन. तो माउंट मकाऊ कहां पर है गाइस? तो ये नेपाल के अंदर फोर्थ टॉलेस्ट माउंटेन हम लोग को देखने को मिलता है नेपाल के अंदर, और फिफ्थ हाईएस्ट पीक है धरती की, यानी कि पूरे वर्ल्ड की पांचवी हाईएस्ट पीक हम लोग को यहां पर माउंट मकाऊ में देखने को मिलती है, यानी कि ये माउंटेन जो है वो पांचवा सबसे ऊंचा माउंटेन हम लोग को, या सबसे टॉलेस्ट माउंटेन हम लोग को देखने को मिल रहा है. माउंट मकाऊ जो है गाइस ये नेचुरल वंडर में आता है, द बारुन वैली इसको, इसका नाम भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है नेचुरल वंडर के मामले में, यानी कि जो सात अजूबे हैं ना दुनिया में ऐसा बोलते हैं, तो उसमें भी एक अजूबा ये भी है. चिलिका लेक की यहाँ पर बात हो रही है, तो रिसेंटली साइक्लोन फानी आई थी गाइस, तो इसने चिलिका लेक के नए माउथ जो है वो ओपन कर दिए, नए माउथ ओपन कर दिए, यानी कि माउथ जो लेक का होता है या रिवर का होता है वो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग माउथ को, कि वो एरिया जो कि समुद्र के साथ मिक्स होता है. तो चिलिका लेक के काफ़ी सारे माउथ जो है वो ओपन हो गए हैं यहाँ पर बताया जा रहा है, और पहले के समय पे दो ही माउथ हुआ करते थे, बट अब जो है वो काफ़ी सारे इसके बता रहे हैं कि टोटल छः हो चुके हैं, चार नए माउथ जो है वो ओपन हो गए हैं, राइट, साइक्लोन के आने से. अब इससे क्या होगा गाइस कि इससे चिलिका लेक के अंदर सैलिनिटी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. सैलिनिटी लेवल इंक्रीज कैसे होगा? क्योंकि समुद्र का पानी भी यहाँ पर मिक्स होगा, राइट. और चिलिका लेक जो है गाइस वो एक ब्रैकिश वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं, और चिलिका लेक को ब्रैकिश वाटर है यहाँ पर, और ब्रैकिश का मतलब होता है कि फ्रेश वाटर और सलीन वाटर का मिक्सचर. बट अब इसके ज़्यादा माउथ ओपन होने के कारण बहुत ज़्यादा समुद्री पानी जो है वो चिलिका लेक में एंटर होगा, और लार्जेस्ट कोस्टल लगून है ये हमारे इंडिया का. तो ये वाले क्वेश्चन भी डायरेक्टली आ गए हैं चिलिका लेक से रिलेटेड वेरियस स्टेट सिविल सर्विसेज में, और यूपीएससी भी इवन पूछ चुकी है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान में रखिएगा. और इसको रामसर कन्वेंशन भी डेजिग्नेट किया गया है, और इसी यानी कि वेटलैंड के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिलता है रामसर कन्वेंशन के अंडर, तो ये वाली चीज़ भी आप थोड़ी ध्यान में रखना. अब बात हो रही है मॉम लूह केव या फिर थैरी घाट के बारे में यहाँ पर बात करें, तो मेघालय के अंदर ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है गाइस, इन्होंने दो जियोलॉजिकल डिस्प्ले बोर्ड जो है दो इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल साइट पर जो है वो इंस्टॉल किए हैं, जिसकी मदद से टूरिस्ट को पता लगेगा और स्टूडेंट्स को और जनरल पब्लिक को पता लगेगा इस लोकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में. तो देखो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा आ सकता है कि मॉमलुह केव जो है वो कहाँ पर है, या थेरिया घाट कहाँ पर है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये मेघालय के अंदर है, क्योंकि ये चीज़ आपसे डेफिनेटली पूछी है. क्योंकि यहाँ पर देखो न्यूज़ तो ये है कि वहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ इंस्टॉलेशन करवा दिया गया है, यानी कि बोर्ड वगैरह लगवा दिए गए, लोग इस जगह के बारे में और अच्छे से जाने उसके लिए, बट मेन चीज़ आपसे डायरेक्ट लोकेशन पूछ ली जाएगी. अब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पिलर आता है जीरो पेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट बाय दिल्ली हाईकोर्ट, यहाँ पर बोला जा रहा है. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने गाइस एक इनिशिएटिव लिया है जिसके थ्रू ये दिल्ली हाईकोर्ट फोकस कर रही है कि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उसको सॉल्व कर दिया जाए, राइट, जल्द से जल्द, और केसेस की स्टडी की जाए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि केसेस जो है वो डिले होते आ रहे हैं. तो उस पर दिल्ली हाईकोर्ट आज की डेट में काम कर रही है, और कोर्ट पेंडेंसी जो है वो एक बहुत ही बड़ा इशू है. और अगर आप कुछ आंकड़े लिखना चाहो तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ आंकड़े हैं, यानी कि राउंड फिगर में आप लिख सकते हो, जैसे कि बताया गया है कि हमारी कंट्री के अंदर 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सबऑर्डिनेट लेवल की कोर्ट्स पर, 3 करोड़ से ज्यादा केसेस. इसके अलावा पूरे अगर हमारे कंट्री के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं सबको मिला दिया जाए तो 50 लाख से ज्यादा हाई कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं कि करीब 50,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है. तो ये वाला कुछ आंकड़े आप मेंशन कर सकते हो, राउंड फिगर में मेंशन करना, एग्जैक्टली आंकड़े याद रखना भी मुश्किल होता है, तो इसलिए राउंड फिगर में ही या फिर उसके आगे अराउंड वगैरह लिख दिया करें मेंस वगैरह में, तो उससे क्या होगा कि एग्जैक्ट, क्योंकि एग्जैक्ट अगर आप फिगर लिखोगे तो आपको फिर एग्जैक्ट फिगर रटा होना चाहिए, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि एग्जैक्ट फिगर किसी को रटा हो, राइट, एग्जामिनेशन डे में. तो इसीलिए हमेशा चीज़ें कोशिश किया करो कि राउंड फिगर में लिखो आप, राइट, स्पेशली मेंस आंसर राइटिंग के लिए. अब देखिए लोकसभा का डिसॉल्यूशन हो गया था. अब देखो लोकसभा जो है वो 5 ईयर का टेन्योर होता है लोकसभा का, आप सभी जानते हो इंडिया में, और ये 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, राइट. बट अभी रिसेंटली लोकसभा का टेन्योर कंप्लीट हो गया था, तो लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई थी, तो इसी से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक था, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए. लक्ष्मीकांत पॉलिटी आप पढ़ोगे तो और आपको इसके बारे में डिटेल में अच्छे से क्लियर होगा. नेक्स्ट पिलर आता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का, एलिफेंट बॉन्ड्स की यहाँ पर बात हो रही है. तो हाई लेवल गवर्नमेंट
अपॉइंटेड कमिटी, यानी कि गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमिटी जो है वो अपॉइंट करी थी, ट्रेड और इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड ये कमिटी हम लोग को देखने को मिली थी. तो इन्होंने सजेस्ट किया था कि एलिफेंट बॉन्ड्स जो है वो इशू किए जाएं, राइट. और यहाँ पर ये बोला गया है कि जो लोग अपने अनडिस्क्लोज्ड इनकम को डिक्लेयर करते हैं तो उनके लिए मैंडेटरी किया गया था कि वो 50% इन्वेस्टमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में या वेरियस प्रोजेक्ट्स में जो है वो कर सकते हैं. तो ये वाली बात यहाँ पर बताई गई है. अब 25 साल का सॉवरेन बॉन्ड है गाइस, ये एक तरह का, आप देखो कहीं पर भी एक चीज़ बस मेरी बात याद रखना, कहीं पर भी आप बॉन्ड सुनो ना तो बॉन्ड से कंफ्यूज मत होना. आप देखो एलिफेंट बॉन्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एलिफेंट की सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी के लिए कुछ लाया गया, ये कुछ नहीं है सर. जहाँ पर भी आप बॉन्ड सुनो नाम, आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि बॉन्ड कब इशू किए जाते हैं, जब गवर्नमेंट को या फिर किसी कंपनी एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन को पैसों की जरूरत होती, कैपिटल की जरूरत होती है. देखो एक तो पैसा मिलता है कंपनी को बैंक से लोन के तौर पर, दूसरा मिलता है पब्लिक से, राइट, जब ये अपने बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हैं. वैसे ही सरकार भी सॉवरेन बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है. और अच्छा हाँ, सॉवरेन बॉन्ड यहां पर आ जाए लिखा हुआ तो वो याद रखना कि वो स्पेसिफिकली सरकार का ही बॉन्ड है, राइट. तो देखो ये एलिफेंट बॉन्ड जो है, इसका नाम एलिफेंट इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट, जैसे कि जो लोग होते हैं इनके पास काला पैसा होता है, तो सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया कि जिन लोगों के पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, जो अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास मौका है कि वो अपनी इनकम डिस्क्लोज कर दें और उसका 50% एलिफेंट बॉन्ड पर जो है वो इन्वेस्ट करवा दें, राइट. तो मार्केट में पैसा फ्लो करवाने के लिए सरकार ये इनिशिएटिव लेकर आ रही है और इस प्रकार के सजेशन जो है वो गवर्नमेंट की हाई, यानी कि जो हाई लेवल कमिटी जो है ट्रेड ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री की, तो उसने ये सजेशन जो है वो दिया है अभी एट प्रेजेंट. तो ये सजेशन है अभी, राइट. तो ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा, ये एलिफेंट बॉन्ड जो है वो एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें जो भी लोग जिनके पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, यानी कि जिनके पास बड़ा पैसा है, काला पैसा है, जिसको वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो मौका दिया कि आप डिस्क्लोज कर दो, उनमें से 50% आप इन्वेस्ट कर दो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ में. तो अभी के लिए बोला गया है कि ये जो बॉन्ड है ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ही उपयोग में लिया जाएगा. बट अभी देखो, अभी ये सजेशन है, बट इसको और भी कई सारे आर्टिकल्स में ये भी मेंशन था कि इसको वेरियस और प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि एजुकेशन हो गया, और भी अलग अलग जगह पर इसका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, राइट, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए और वेरियस चीज़ों के लिए. तो अब देखो एलिफेंट बॉन्ड का क्या होता है, बट अभी के लिए बस ये सजेशन था जो कि आपको थोड़ा ध्यान में रखना है. TN मनोहरन टास्क फोर्स की यहाँ पर बात हो रही है. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये टास्क फोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया है, और ये टास्क फोर्स क्या करेगा, तो सेकेंडरी मार्केट जो है गाइस उसमें कॉर्पोरेट लोन्स के डेवलपमेंट के लिए जो है वो कुछ सजेशंस वगैरह प्रोवाइड कराएगा, सजेशंस और जो रिकमेंडेशंस जो है ये प्रोवाइड कराएगा. इसमें लोकल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म जो है गाइस, ये स्ट्रेस एसेट के लिए भी इंक्लूड करने की बात की जा रही है कॉर्पोरेट लोन के लिए. तो एक सेकेंडरी मार्केट डेवलप करने की यहाँ पर बात हो रही है टोटली. तो देखो आज की डेट में स्लो डाउन चल रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इशू ये है कि मार्केट में पैसे का फ्लो नहीं है, और पैसे के फ्लो को बढ़ाने के लिए वेरियस कमिटीज़ बैठी हुई हैं कि कैसे पैसे का फ्लो बढ़ाया जाए. पैसे का फ्लो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग को देखने को मिलेगा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो रिवाइव होगी, और अभी काफ़ी बुरी कंडीशन आप सभी जानते हो इकोनॉमी की, राइट. हालांकि तो ये तो मई मंथ की रिपोर्ट थी, अब अभी जो चल रहा है वो अक्टूबर चल रहा है, और अक्टूबर में भी आप देख रहे हो कि कितने इश्यूज आ रहे हैं. इसके अगले महीने में कि जब हम लोग लेक्चर डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में कि इंडस्ट्रीज जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें कितना ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है. मार्केट में पैसा ही नहीं, मतलब एक तरह से पैसे का फ्लो ही नहीं है. तो पैसे के फ्लो को बढ़ाने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कभी कभी एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं मेंस वगैरह में कि क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है स्लो डाउन से निकालने के लिए, मार्केट को रिवाइव करने के लिए, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, राइट. अब देखिए हर्षवर्धन कमेटी की यहाँ पर बात हो रही है टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मॉर्गेज सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया. तो ये हर्षवर्धन कमेटी बनाई गई है, ये क्या करेगी गाइस कि जो मॉर्गेज सिक्योरिटाइजेशन है, आप देखो आज की रेट में क्या हो रहा है कि लोग बाग लोन लेकर जो है वो भागते जा रहे हैं. जैसे नीरव मोदी के केस देखे हमने, विजय माल्या का केस देखा हमने, तो ये बड़े केसेस हैं. ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें जो बैंक्स वगैरह हैं वो NPA हो गई हैं. तो उसी को लेकर कुछ ये कमेटी जो है वो हर्षवर्धन कमेटी बनाई गई थी कि ये कुछ रिव्यू वगैरह करेगी कैसे जो है वो पूरी चीज़ों को बेटर तरीके से सेटअप किया जाए जिससे कि मॉर्गेज सिक्योरिटाइजेशन जो है वो बेटर हो सके, राइट. तो इस पर जो है वो फोकस किया गया है. अब नेक्स्ट पिलर आता है एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज का. तो अब बात हो रही है रुद्राक्ष ट्री के बारे में. तो देखो गाइस आपने रुद्राक्ष देखा होगा, रुद्राक्ष की माला वगैरह होती हैं. तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने एक MOU साइन किया है HCL फाउंडेशन और इंटैक के साथ, और बता रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर अलग अलग जगहों पर रुद्राक्ष ट्री का प्लांटेशन किया जाएगा, राइट. रुद्राक्ष ट्री को लगाया जाएगा उत्तराखंड में, याद रखिएगा. और ये एक प्रकार का CSR इनिशिएटिव है, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल
रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव, और ये नमामि गंगे प्रोग्राम के अंडर हम लोग को देखने को मिलेगा। और एम ये है कि 10,000 रुद्राक्ष के पेड़ जो है वो गंगा बेसिन एरिया में लगाए जाएंगे उत्तराखंड में, राइट, और लोकल कम्युनिटी के एसोसिएशन के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा बताया जा रहा है। रुद्राक्ष ट्री की बात करेंगे तो इसका देखो आप, ये साइंटिफिक नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, आप रीड कर लीजिए साइंटिफिक नेम को। और इसको रुद्राक्ष ट्री, एक बहुत ही बड़ा एवरग्रीन पेड़ हम लोग को देखने को मिलता है, और ये अक्सर प्रेयर्स वगैरह में उपयोग में लिया जाता है, और स्पेशली हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में रुद्राक्ष का बहुत ही बड़ा रोल हम लोग को देखने को मिलता है। और इसका सीड जो होता है उसको रुद्राक्ष बोलते हैं। वाइट थ्रोटेड रेल की यहाँ पर बात हो रही है, आप देखो ये इस स्पीसीज को देखो आप, ये वाइट थ्रोटेड रेल है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, क्योंकि अब आप एक इंपॉर्टेंट टर्म को पढ़ोगे और वो टर्म आपको याद रखना है, ये टर्म का नाम है इटरेटिव इवोल्यूशन। इटरेटिव इवोल्यूशन क्या होता है गाइस, कि कोई स्पीसीज जब लुप्त हो जाता है, कोई स्पीसीज लुप्त होने का मतलब वो स्पीसीज मर गया है, अब दोबारा उस स्पीसीज का इवोल्यूशन शायद नहीं हो सकता है, बट कई कुछ पीढ़ियों के बाद वो स्पीसीज का जब दोबारा इवोल्यूशन हो जाता है, यानी कि मर कर जीवित होने वाली स्पीसीज, यानी कि वाली स्टेज यही है कि डेथ होने के बाद जो है वो फिर से राइज हो गई वो स्पीसीज। अब देखो जैसे मान के चलो कि कहीं पर कोई सिर्फ दो ही स्पीसीज बची हैं, ठीक है, और आज की डेट में बहुत कॉमन हो चुका है ये, हम लोगों ने भी बीच में एक टर्टल वगैरह के बारे में बात किया था और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया कि जिनके नंबर्स काफ़ी कम है आज की डेट में। जैसे आप सपोज करो कि कोई एक जीवित जानवर है जो कि सिर्फ दो ही बचे हुए हैं और दोनों की डेथ हो जाती है, राइट, मेल और फीमेल दोनों की डेथ हो जाती है, तो फिर आगे जानवर कैसे आएंगे, नहीं आएंगे, पॉसिबल नहीं है। बट यस गाइज इट इज पॉसिबल, ये इटरेटिव इवोल्यूशन के थ्रू पॉसिबल होता है। जैसे कि ये जो स्पीसीज बनती हैं वो कैसे बनती हैं, इनके पेरेंट्स से, जैसे कि एक ह्यूमन है, ह्यूमन कैसे बना, एप से बना है, राइट, एप का इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे करके और ह्यूमन बन गया, राइट। अगर ह्यूमन लुप्त हो जाते हैं पूरी तरह से, ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट अगर हो जाते हैं इन फ्यूचर तो क्या होगा गाइज, मे बी इट माइट ऑल्सो मे ऑल्सो पॉसिबल कि एप से दोबारा से और कुछ सालों के बाद जो है वो ह्यूमन का इवोल्यूशन फिर से हो जाए, राइट, इट मे बी पॉसिबल। तो ये जो चीज़ होती है पॉसिबल कराने की, कि एक बार पूरी तरह से जो स्पीसीज लुप्त हो गई है बट देन टू उनका इन फ्यूचर फिर से इवोल्यूशन हो जाता है, तो ये टर्म जो होता है वो इवोल्यूशन का, वो इटरेटिव इवोल्यूशन होता है। रोज फ्रॉम द डेड थैंक्स टू रेयर प्रोसेस, तो ये एक प्रकार की रेयर प्रोसेस है जहां पर एक स्पीसीज पूरी तरह से एक्सटेंट हो जाती है, लुप्त हो जाती है और फिर से वो आ जाती है। तो वैसे ही एक वाइट थ्रोटेड रेल नाम की स्पीसीज है, इसका नाम वाइट थ्रोटेड रेल है, तो ये दोबारा से लुप्त हो गई थी और दोबारा से ये आ गई, और ये एक लौती फ्लाइटलेस बर्ड है इंडियन ओशन एरिया में, तो फ्लाइटलेस बर्ड है, राइट। इटरेटिव इवोल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप चाहें तो ये रीड कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, और जो समझाने वाली बात थी वो मैंने आपको समझा दी। और ये जो बर्ड की स्पीसीज है गाइज, ये मडागास्कर में पाई जाती है और फिर ये अल्डाब्रा में गई थी और भी काफ़ी सारी लोकेशंस पे गई थी, बट ये कुछ सालों पहले जो है ये पूरी तरह से लुप्त हो गई थी, फिर दोबारा से इसका इवोल्यूशन हो गया। अब बात हो रही है लिकेनोर्चिस ताइवानियाना के बारे में। अब देखो गाइज, ये एक प्रकार की ऑर्चिड है, आप देखो ये ऑर्चिड प्यारा सा फूल होता है ऑर्चिड का, तो ये एक प्रकार की ऑर्चिड है और ये रिसेंटली डिस्कवर हुई है आसाम में, और पहली बार इंडिया के अंदर ये ऑर्चिड डिस्कवर हुई है, और जापानीज ऑर्चिड का ही एक ये वेरिएंट हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि जापान में ये ऑर्चिड्स मिलते हैं और ये पहली बार एक ऑर्चिड हम लोग को इंडिया में देखने को मिली। और दो टाइप के पैरासिटिक प्लांट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि ऑर्चिड्स का ये एक प्रकार का पैरासिटिक प्लांट है। और पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं गाइस, जो कि दूसरी बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे अब ये जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ऊपर के थ्रू जो है, यानी कि सनलाइट के थ्रू जो है वो अपना फूड नहीं बनाती है, ये दूसरी बॉडी से अपना फूड बनाती है। अब ये फंगस को खाकर जो है वो अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट उससे फंगस से लेती है, राइट। तो ये एक पैरासिटिक प्लांट हम लोग को ऑर्चिड देखने को मिल रहा है, और ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्चिड है इन टर्म्स ऑफ साइज एंड ड्यूरेशन ऑफ ब्लूम, यानी कि जो साइज के मामले में भी और ड्यूरेशन ऑफ ब्लूम यानी कि फूल आने के मामले में भी, तो ये काफ़ी छोटा ऑर्चिड हम लोग को देखने को मिलता है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्चिड। ऑरेंगुटन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ऑरेंगुटन बेसिकली एक बंदर की स्पीसी होती है, काफ़ी प्यारा होता है ये ऑरेंगुटन, ऑरेंज कलर का जनरली हम लोग को देखने को मिलता है और काफ़ी स्मार्ट होता है ये। इसके काफ़ी सारे यूट्यूब में वीडियोज़ वगैरह भी आपने देखे होंगे कि ये जो है वो मैजिक देखता हुआ जो है वो थोड़ा कन्फ्यूज आता है, हंसता है और एक्टिविटी करता है, तो ये इसका ब्रेन काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि बड़ा होता है ये। तो देखो गाइस, नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क, तो क्वेश्चन में ऑल्सो कम कि ये नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, तो आपको बिल्कुल इसके बारे में भी क्लियर होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर ये जो मेंबर हुआ करते थे 41 साल की एक ऑरेंगुटन थी जिसका नाम था बिनी, तो ये ऑरेंगुटन जो है गाइज ये ख़त्म हो गई है। अब आप कह सकते हो कि हमारे इंडिया में ऑरेंगुटन जो है वो नहीं है,
राइट. और एप्स जो है गाइज ये ह्यूमैनिटी क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव है एप्स, क्योंकि ह्यूमन जो है वो एप से ही बना है. बट ये बोला जाता है कि ह्यूमन के डीएनए को अगर हम लोग चिंपांजी के साथ, एप के साथ, चिंपांजी के साथ जो अगर उसको वो करें, टेस्ट करें उसको, राइट, तो इसमें 98% जो डीएनए होते हैं चिंपांजीज के, ये एप्स और ह्यूमन के साथ जो है वो शेयर हो जाते हैं, राइट. तो ये वाली चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है. और ये नॉन ह्यूमन टाइप एप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, दो ग्रुप्स में ये डिवाइडेड हैं. ग्रेट एप्स होते हैं गोरिलास, बोनोबोस, चिंपांजीज वगैरह, ओरंगउटंस भी उसी में आते हैं. और लेसर एप्स जो होते हैं गिब्बन्स और सियामंग्स हम लोग को देखने को मिलते हैं. और एप्स मंकी नहीं होते, एप्स को आप बंदर नहीं बोल सकते क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में अलग होते हैं. एप्स की पूछ नहीं देखी होगी आपने, पूछ नहीं होती एप्स की. और एप्स जनरली बंदरों से बड़े होते हैं साइज में, तो आपने एप्स को देखा होगा, उसका चेहरा भी बिल्कुल मतलब अलग टाइप का थोड़ा सा होता है. चिंपांजी से उसका चेहरा जो है वो थोड़ा मिलता है अगर आप देखोगे, बट हाँ वो थोड़ा ब्राउनिश टाइप के होते हैं, ऑरेंज टाइप के होते हैं. अब एप्स जो है गाइस इनका बंदर से ज़्यादा बड़ा दिमाग होता है, इसलिए आप देखते होंगे कि एप्स जो होते हैं वो काफ़ी क्लेवर होते हैं. और इवन ह्यूमन, इवन यार ये तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कैलकुलेशन करने की, मैथ्स के कुछ कैलकुलेशन करने की, सीखने की कैपेबिलिटी इनके पास होती है. ऐसे वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं यूट्यूब में कि एक एप है जिसने पता नहीं कितनी 80 कुछ लैंग्वेज जो है वो सीख ली थी, 80 लैंग्वेज के टाइप्स या अल्फाबेट्स वगैरह कुछ ऐसे कुछ सीख लिए थे उसने, तो ऐसा भी वीडियो एक अवेलेबल है. अब न्यू स्पीसीज हैं वाप्स की. वाप्स बेसिकली एक प्रकार का इंसेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, ये जनरली पेड़ों में पाया जाता है और पेड़ों को ये प्रोटेक्ट करके रखता है वेरियस दूसरे इंसेक्ट से, राइट. तो आप कह सकते हो कि पेड़ों के लिए अच्छा होता है वाप्स. तो नई स्पीसीज मिली है वाप्स की गाइस, तो ये कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम याद रखिएगा, कहाँ पर है ये चीज़ याद रखिएगा, गोवा में. तो ये नई स्पीसीज मिली है गोवा से, नई वाप्स की स्पीसीज. और ये स्पीसीज का नाम जो है वो रखा गया है कुडा कुर्मिया रंगेकारी, राइट. तो ये कुडा कुर्मिया रंगेकारी, ये बेसिकली कुडा कुर्मिया एक बेसिकली एरिया है, उसी के नाम पर जो है ये वाप्स का नाम जो है वो रख दिया गया है. तो ये वाली चीज़ भी आप याद रखिएगा. और ये एक प्रकार का इंसेक्ट है जो कि पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और क्रॉप्स वगैरह को प्रोटेक्ट करता है. बार्न आउल की यहाँ पर बात हो रही है, देखो ये उल्लू, देखो आप उल्लू. अब ये उल्लू जो है गाइस उसको हायर किया है लक्षद्वीप ने, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी ने, क्योंकि लक्षद्वीप के अंदर काफ़ी सारे चूहे हो गए थे और उल्लू जो है वो चूहों को अटैक करता है. और लक्षद्वीप के अंदर कोकोनट की ईल्ड है और कोकोनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप के लिए, तो इसीलिए वहाँ पे क्या हो रहा था कि ये चूहे वगैरह जो थे वो कोकोनट को ख़राब कर रहे थे. तो जो आउल्स हैं ये उल्लू जो है उनको जो लक्षद्वीप ने जो है वो हायर किया है, यानी कि उनको कुछ समय के लिए किराए पर लिया है कि वो ये उल्लू जो है वो राइट्स वगैरह को अटैक करें और यूनियन टेरिटरी जो लक्षद्वीप है उसको प्रोटेक्ट करें इन राइट्स की पॉपुलेशन से, राइट. तो इसीलिए उल्लू को जो है वो लाया गया है. तो ये वाली चीज़ भी थोड़ी सी याद रखिएगा आप, ये चूहे वगैरह को मार सकते हैं, राइट. तो नेक्स्ट आता है इंडिया की नई स्पीसीज पिट वाइपर की, अरुणाचल प्रदेश में मिली है. पिट वाइपर बेसिकली एक सांप की स्पीसीज है और ये वेनमस है, यानी कि ये जहरीली है काफ़ी ज़्यादा. और ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ पर पाई गई है. और नई स्पीसी जो है रेडिश ब्राउन कलर की है पिट वाइपर की. और हीट सेंसिंग सिस्टम इसके अंदर काफ़ी यूनिक हम लोग को देखने को मिलता है इस स्पीसीज में, राइट, कि हीट को ये सेंस कर लेती है क्या गर्म है क्या नहीं है. और साइंटिफिकली इसका नाम जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, पढ़ सकते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है. और इंडिया जो है गाइस इसके पास अभी एट प्रेजेंट 5 पिट वाइपर्स की स्पीसीज, यानी कि हमारे यहाँ 5 अलग अलग प्रकार के पिट वाइपर ये सांप है. और ये मालबार, हॉर्स शू, हम्प नोज्ड, हिमालयन, तो ये 4 स्पीसीज हैं और ये 5वीं स्पीसीज हम लोग को एक नई पिट वाइपर की देखने को मिल गई अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है. और गिजल्ड जाइंट स्क्विरल की यहाँ पर बात हो रही है, आप देखो ये स्क्विरल फोटो, स्क्विरल गिलहरी. और पहली बार रिसर्चर्स ने गई एक नेस्ट जो है वो रिसर्चर्स को मिला है ग्रिजल्ड जाइंट स्क्विरल का. ये कहाँ पर मिला है, तो ये ईस्टर्न घाट्स में पक्कामलाई रिजर्व फॉरेस्ट है गिंगे के पास, तो यहाँ पर ये मिला है, राइट, ग्रिजल्ड जाइंट स्क्विरल. और इसको इसके जो नेस्ट वगैरह जो होते हैं वो जनरली वेस्टर्न घाट्स में होते हैं, बट ये पहली बार हम लोग को ये ईस्टर्न घाट्स में पाया गया है इसके नेस्ट वगैरह, राइट. और ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम भी याद रखिएगा, जैसे चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है, अन्नमलाई टाइगर रिजर्व और पलानी हिल्स जो कि तमिलनाडु में है. पलानी हिल्स से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ज्योग्राफी में, राइट. और इस जो गैलरी है इसको IUCN की रेड लिस्ट में जो है नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में रखा है और ये CITES के शेड्यूल 2 में आती है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंडर इसको प्रोटेक्ट किया गया है. अब देखो ये वाइट टाइगर,
ये बाजीराव इस वाइट टाइगर का नाम है गाइस। अब अनफॉर्चुनेटली हम लोग देख रहे हैं कि ये बाजीराव जो है इसकी मृत्यु हो गई है 18 साल की उम्र में, ये जो है वो ख़त्म हो गया है ये वाइट टाइगर, राइट। और ये संजय गांधी नेशनल पार्क जो कि बोरीवाली मुंबई में हम लोग को देखने को मिलता है, वहाँ पर ये था और अब ये इसकी जो है वो मृत्यु हो गई है। और इसका जन्म हुआ था 2001 में और 18 साल का था ये। और वाइट टाइगर गाइस एक टाइम पे मध्य प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार में पाए जाते हैं, बट अभी कोई भी वाइट टाइगर जो है वो कहीं पर भी नहीं पाया जाता। और आखिरी वाइट टाइगर जो है जो कि मध्य प्रदेश के रीवा फॉरेस्ट में था, तो रीवा फॉरेस्ट भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर था ये, राइट। और संजय गांधी नेशनल पार्क जिसको पहले बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और ये मुंबई में है। पर्पल फ्रॉक की बात करें गाइस तो इसको केरला का स्टेट एम्फीबियन रिसेंटली बनाया गया है, तो ये देखो आप, ये आप याद रखिएगा पर्पल फ्रॉक किसका स्टेट एम्फीबियन है, तो ये पूछ लिया जा सकता है, तो ये केरला का है। और इसको मावेली फ्रॉक के नाम से भी जाना जाता है और पिगनोस फ्रॉक के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसकी पूरी लाइफ जो होती है वो या तो अंडरग्राउंड टनल के अंदर होती है या फिर ये कभी कभी पानी के सरफेस वगैरह में दिखाई दे जाता है, राइट, कभी कभी। और ब्रीडिंग के समय ही ये ज़्यादातर बाहर निकलता है, बाकी अंडरग्राउंड ही रहता है। और ये जो साउथ है, साउथ रीजन जो है गाइज, ये पालघाट गैप का हम लोग को देखने को मिलता है। पालघाट गैप बेसिकली नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई के बीच का एक गैप हम लोग को देखने को मिलता है, तो वहीं पर ही जो है वो ज़्यादातर ये पाया जाता है, राइट। और अभी आज की डेट में बताया जा रहा है कि वेस्टर्न घाट्स में भी ये अलग अलग जगह पर वेस्टर्न घाट्स के पाए जा रहे हैं, और इनको लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये डायनासोर की एज से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि एक फ्रॉग जो है, एक मेंढक जो है, एक ऐसा मेंढक जो कि जिसका नाम है पर्पल फ्रॉग, वो डायनासोर जब हुआ करते थे उस समय से आज तक ये सर्वाइव कर रहा है 70 मिलियन साल पहले से, और IUCN की रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ये कश्मीर स्टैग के बारे में, तो कश्मीर का आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है ये गाइस, जिसको हंगुल के नाम से भी जाना जाता है, इसका साइंटिफिक नेम आप पढ़ सकते हैं, और इसको कश्मीर स्टैग बोला जाता है, राइट। तो इस प्रकार का दिखता है ये, देखो ये कश्मीर स्टैग है ये हंगुल। और गाइस ये बताया जा रहा है कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से गिरती जा रही है। 1900 के समय पे ये 5000 कुछ इनकी पॉपुलेशन हुआ करती थी, आज की रेट में बताया जा रहा है कि मात्र 141 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पर ही ये सीमित है आज की रेट में। और दचिंगम नेशनल पार्क जो है गाइस, वहाँ पर ये बेसिकली हम लोग को देखने को मिलते हैं। और एक शिकारगह ट्राल और ओवरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है साउथ कश्मीर में, वहाँ पर भी ये थोड़े बहुत पाए जाते हैं। देखो ये नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की थोड़ा नाम याद रख लेना। और IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ पाए जाते हैं। और ये स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम का जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर एक स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है उसका भी ये हिस्सा है, तो इनको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। और जम्मू एंड कश्मीर के ये जो कश्मीर स्टैग जो है जिसको हंगुल बोला जाता है, तो ये स्टेट एनिमल है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर भी इनको प्रोटेक्शन दिया गया है, और जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 के अंदर भी ये शामिल है। ओंगोल कैटल की यहाँ पर बात हो रही है, ओंगोल कैटल, तो हमारे जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी, तो इन्होंने ओंगोल कैटल ब्रीड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो कहा है। और ओंगोल कैटल की बात करें तो ये इंडिजीनियस कैटल ब्रीड है, यानी कि इंडिया में ही पाई जाने वाली एक गाय की ब्रीड हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और इसका इस ब्रीड का ओरिजिनेशन हुआ था प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, वहाँ पर, यानी कि वहीं पर ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और ओंगोल जो है ये वन ऑफ द हैवीएस्ट ब्रीड हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये। और ये बुल फाइट्स जो होती हैं मैक्सिको में, वहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है, और इनकी स्ट्रेंथ और एग्रेसिवनेस के नाम से ये जानी जाती हैं। और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो ट्रेडिशनल बुल फाइट के जो इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, जल्लीकाट्टू जैसे, तो ऐसे फेस्टिवल्स में इन बुल्स का उपयोग किया जाता है। और इंडियन कैटल ब्रीड्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे इंडिया में 37 प्योर कैटल ब्रीड्स हैं, और 5 के नाम आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सहीवाल, गिर, रेड सिंधी, तरपारकर और राठी, तो ये 5 स्पीसीज हैं जो कि मिल्क के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यानी कि इनका मिल्क जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इनसे निकलता है और उसी के लिए फेमस होती हैं, राइट। और कंकरेज की बात करें, ओंगोल की बात करें, हरियाणा की बात करें, हरियाणा बेसिकली स्टेट नहीं, एक ये कैटल ब्रीड का भी नाम है, तो ये भी ब्रीड जो है गाइस इनकी ड्यूअल क्वालिटी है, तो ये उसके लिए पावर के लिए जानी जाती हैं और मिल्क के लिए भी जानी जाती है, और ज़्यादातर इनको एग्रीकल्चर फील्ड्स वगैरह में इनका उपयोग किया जाता है।
इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की यहाँ पर बात हो रही है, तो यूनाइटेड नेशन ने May 22 को अडॉप्ट किया गया है, किया हुआ है एज अ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस दिन अवेयरनेस क्रिएट की जाती है बायोडाइवर्सिटी इश्यूज के बारे में, राइट, और लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है कि कैसे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स, फ्लोरा और फौना की स्पीसीज हमारे एनवायरनमेंट में जो मौजूद हैं, जो कि आज की रेट में एक्सटेंट होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं, तो उस पर ख्याल रखा जाए, राइट। तो इस पर ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और 2019 की थीम है अवर बायोडाइवर्सिटी, अवर फूड, अवर हेल्थ। अब बात हो रही है कप्पा पिकस अल वर्रेजी के बारे में। तो ये क्या है गाइस? तो ये कोरल रीफ हम लोग को देखने को मिलती है, कोरल रीफ इसका नाम है, कप्पा पिकस अल वर्रेजी। तो थोड़े नाम वगैरह प्रोनाउंसिएशन में थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बट यू शुड नो कि ये सब कुछ जो है वो अब रिलेट कर पाओ एटलीस्ट कि ये क्या है, बस उतना ही चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए। तो ये एक प्रकार की कोरल रीफ की स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती है, और ये बताया जा रहा है जो गल्फ ऑफ मन्नार जो है गाइस, वहां पर एक वलाई आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है, तो वहां पर ये नई प्रकार की कोरल कॉलोनीज की स्पीसीज जो है वो अभी रिसेंटली पाई गई हैं, राइट। तो यार ये चीज आप थोड़ी ध्यान में रखना। कोरल ब्लीचिंग की बात हो रही है, हम देखो कोरल स्पीसीज की बात हो रही है, तो कोरल ब्लीचिंग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो गाइज इनका कोरल ब्लीचिंग जो है गाइज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पहले भी यूपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो गल्फ ऑफ मन्नार के रीजन में वेरियस कोरल स्पीसीज जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो वहां पर काफी समय से ब्लीचिंग का इशू जो है वो आ रहा है। तो देखो सी सरफेस टेम्परेचर जो है जो कि बढ़ गया है 28.7 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है, ये अगस्त 2018 से लेकर फरवरी 2019 के पीरियड के बीच में। बट यहाँ पर साइंटिस्ट ने पाया है कि यहाँ पर कोई भी कोरल में ब्लीचिंग नहीं हुई थी, बट जब टेम्परेचर बढ़ा था मार्च और मई के महीने में 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, तो उस समय ब्लीचिंग जो है वो ऑब्जर्व की गई। बट ये ब्लीचिंग का थोड़ा सा अलग प्रकार की ब्लीचिंग हम लोग को देखने को, यानी कि अलग अलग लेयर्स में ये ब्लीचिंग हो रही थी। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर साइंटिस्ट की पाई गई। तो देखो कोरल ब्लीचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आप थोड़ी सी और स्टडी कीजिएगा स्टैटिक पोर्शन में, तो साइंस वगैरह में, तो उसके बारे में आपको और डिटेल में चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा आपको कि इसके बारे में एक बार पढ़िएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की यहाँ पर बात हो रही है गाइस, तो 6 मैमल्स, बर्ड्स और फिश स्पीसीज जो हैं ये एक्सटेंशन फेस कर रही हैं रशिया के अंदर, एक्सटेंशन यानी कि लुप्त होने वाली हैं, और ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की एक रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पर सामने आया है। और इन स्पीसीज में इंक्लूडेड है साइगा एंटीलोप, गायर फैल्कन और पर्शियन लेपॉर्ड, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, सखालिन स्टर्जियन और कलुगा, और अलग अलग जो कि एक स्टर्जियन के अलग अलग टाइप के टाइप्स हम लोग को स्पीसीज के देखने को मिलते हैं, वही हैं ये, राइट। तो ये सब स्पीसीज यहाँ पर इंक्लूडेड है जो कि एक्सटेंट होने वाली हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में बात करें तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1961 में, ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर ग्लांड स्विट्जरलैंड में हम लोग को देखने को मिलता है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वर्ल्ड की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना, प्लांट को प्रोटेक्ट करना, इंश्योर करना कि रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, राइट, और प्रमोट करती है ये कि पॉल्यूशन और वेस्टफुल कंजम्पशन जो है उसको रिड्यूस करें, इस पर ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करती है, यानी कि पॉल्यूशन को रोकने पर भी इसका एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल हम लोग को देखने को मिलता है। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो मैंने भी आपको बताया था, और ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती है, तो ये वाली चीज़ भी आप थोड़ी सी याद रखिएगा। और ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो 1998 से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है वो हर दो सालों में एक बार ये रिपोर्ट पब्लिश करती है, और इसमें लिविंग प्लैनेट इंडेक्स हम लोग को देखने को मिलता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी रिपोर्ट होती है। तो अलग अलग स्पीसीज कितनी हैं, कौन सी प्रकार की हैं, तो वो पूरी इस रिपोर्ट में मेंशन होता है, कौन सी स्पीसीज को किन किन चीज़ों से खतरा है वो सब मेंशन होता है, और एनवायरनमेंट में कितना पोल्यूशन रिलीज हो रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन हम लोग को देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हमारा पिलर है जनरल साइंस का, और यहाँ पर सल्फ्यूरी बैक्टीरियम के बारे में बात हो रही है। तो नासा की एक स्टडी में पाया गया है कि जो मार्स के सरफेस में रॉक्स हैं, राइट, तो ये बेसिकली एक पास्ता की लेयर की तरह दिख रहे हैं, पास्ता आपने खाया ना, उसी की लेयर की तरह दिख रहे हैं, राइट, ये वाले रॉक्स, तो इसमें कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि ये जो रॉक्स हैं उनको स्टडी करके ये पाया गया है कि मार्स में कहीं ना कहीं लाइफ के साइंस हैं, जीवन के साइन हैं।
तो ये चीज एक बड़ी स्टडी सामने आई है, क्योंकि यहां पर एक बैक्टीरियम, या फिर मैं बोलूँ इजी तौर पे कि एक बैक्टीरिया मिला है जिसका नाम है सुल्फूरी, और उसका साइंटिफिक नेम आप देख सकते हो इस प्रकार से, इस बैक्टीरियम का कुछ नाम जो है वो रखा गया है सुल्फूरी हाइड्रोजेनी बाई यूमेल येल्लो स्टोनसेंस। तो ये जो स्टोन है गाइज, उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह पाया गया है सुल्फूरी नाम का। तो उसी को देखते, उसी को स्टडी करते ये साइंटिस्ट ने डिक्लेयर किया है कि मार्स में लाइफ होने की संभावना है, क्योंकि ये बैक्टीरिया उसी समय का है जब धरती पर ऑक्सीजनाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी, यानी कि ऑक्सीजन जब आने वाला था तो उससे पहले ये बैक्टीरिया आए थे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि मार्स में लाइफ जो है वो संभव हो सकती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया यहाँ पर पाया गया, सुल्फूरी बैक्टीरियम याद रखिएगा, थोड़ा सा ये पूछ लिया जा सकता है। अब बात हो रही है बिस्फेनॉल ए के बारे में, जिसको बीपीए के नाम से जनरली जानते हैं। तो बिस्फेनॉल ए, तो देखो गाइस, ये जो है वो प्रोहिबिट कर दिया गया है यहाँ पर हम लोग को काफ़ी समय से, यानी कि इसके ऊपर जो है वो प्रोहिबिशन लगाया हुआ है, बैन लगाया हुआ है, राइट, कि जो बच्चों की जो बॉटल होती है उसके ऊपर इस केमिकल का, इस यानी कि बच्चों की प्लास्टिक की जो बॉटल नहीं होती जिसमें छोटे बच्चे दूध पीते हैं या पानी पीते हैं, तो उस प्लास्टिक की बॉटल पर इस केमिकल का उपयोग ना किया जाए, तो इस पर बैन कर दिया गया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल है। इस केमिकल के कंजम्पशन के कारण कैंसर होने की संभावना हो सकती है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका डेवलपमेंट रुक सकता है, उसको हार्म हो सकता है, हार्ट डिजीज, लिवर टॉक्सिसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी वगैरह, तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, राइट। तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा बिस्फेनॉल ए के बारे में, बीपीए के बारे में। अब देखो गाइस, बताया जा रहा है कि साइंटिस्ट जो हैं ये माइक्रोबियल प्रेजेंस की मदद से प्रेडिक्ट करेंगे कि डिजीज़ जो है वो किस इंडिविजुअल को कौन सी हो सकती है। तो ईजी तौर पर कि साइंटिस्ट जो है वो बैक्टीरिया, फंगाए, वायरसेस, इसको स्टडी करके ये पता लगाएंगे कि ये बैक्टीरिया वायरसेस जो है वो ह्यूमन को या एनिमल्स को कौन सी डिजीज़ जो है वो दे सकता है, राइट, या फिर ह्यूमन में कौन से बैक्टीरिया के कारण कौन सी डिजीज़ इन फ्यूचर हो सकती है। तो इस पर स्टडी जो है वो अभी कंडक्ट की जा रही है इस प्रकार की, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 11 मई को, और 1999 से जो है ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, और ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है, जहाँ पर इंडिया ने क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए हैं तो उसको जो है वो डिस्प्ले किया जाता है, उस पर बातचीत होती है और फोकस किया जाता है कि इंडिया इन फ्यूचर और भी काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करें। 2019 की थीम है साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस, और इस दिन के सिग्निफिकेंस की बात करें तो 11 मई 1998, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। इस समय इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक ही दिन यानी कि 11 मई को ही डिस्कवर करी थी, जैसे कि अब्दुल कलाम जी की बात करें, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, तो इन्होंने जो इंडियन आर्मी ने जो पोखराम टेस्ट किया था तो उसमें ये जो थे वो हेड हम लोग को देखने को मिले थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, राइट। पोखराम, आपने मूवी देखी हो ना, पोखराम जॉन एब्राहिम की एक मूवी थी, तो उसी के ऊपर बेस्ड थी है। तो जो हम लोग ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट का नाम हम लोग का एक है, ये वाली चीज़ भी आप थोड़ी याद रखिएगा, राइट। और यहाँ पर शक्ति वन नाम का न्यूक्लियर मिसाइल जो है राजस्थान के पोखराम टेस्ट रेंज में जो है वो टेस्ट की गई थी, राइट। तो ये वाली चीज़ भी याद रखिएगा। हंसा थ्री की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की पहली इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है ये, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर जो है वो किया था 1998 में, सेम डे में, बेंगलुरु में। और एक त्रिशूल है गाइस, ये त्रिशूल बेसिकली एक प्रकार की शॉर्ट रेंज मिसाइल हम लोग को इंडिया की देखने को मिल रही है, तो उसका भी सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था इसी दिन। तो 11 मई को शक्ति वन जो कि न्यूक्लियर मिसाइल थी उसका टेस्ट कंडक्ट किया गया था। हंसा थ्री जो कि बेसिकली एक एयरक्राफ्ट है इंडिया का खुद का इंडिजीनियसली बनाया गया, तो इस दिन उसकी टेस्टिंग हुई थी। और त्रिशूल जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल है तो इसकी भी टेस्टिंग हुई थी इसी दिन। तो ये तीन प्रकार के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व हुई थी हमारे इंडिया में, डेवलप किया गया था इसको और उसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था, तो इसीलिए ये दिन जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी दिन इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है और इंडिया ने क्या क्या अभी तक जो है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें डेवलप वगैरह करी है, तो उसके बारे में डिस्प्ले होता है, डिस्कशन होता है और फ्यूचर इनोवेशन के लिए जो है वो प्रमोट किया जाता है। और भी कुछ मिसलिनियस पिलर के बारे में बात करें, और भी कुछ अलग अलग प्रकार की न्यूज़ जो देखने को मिली हैं अपार्ट फ्रॉम आवर सिलेबस ऑफ सिविल सर्विसेज। तो देखो माउंट टेंचेकंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो ये सिक्किम के अंदर एक माउंटेन है, तो ये वाली चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है एनसीसी गर्ल्स माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन हम लोग को देखने को मिला, यानी कि एनसीसी की जो गर्ल्स हैं तो उन्होंने इस माउंटेन की चढ़ाई जो है वो चढ़ने के लिए अपनी जर्नी जो है वो शुरू करी थी, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में था। तो ये मेनली आपको माउंटेन का नाम याद रखना है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये माउंटेन जो है वो कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में है। 6010 मीटर की इसकी हाइट हम लोग को माउंटेन की देखने को मिलती है।
ऑपरेशन सफेद सागर, तो ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये ऑपरेशन जो है वो अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया था। अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो अपाचे हेलीकॉप्टर कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट्स का, यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी है बोइंग नाम की, तो उसके द्वारा ये हेलीकॉप्टर बनाया जाता है। और इंडिया को 22 अपाचे गार्जियन अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो दिए जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स की इस कंपनी बोइंग के द्वारा। तो हम लोग जो है वो बोइंग से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो परचेज कर रहे हैं। AH-64E अपाचे के नाम से ये जाना जाता है, या जनरली इसको AH-64 अपाचे भी बोलते हैं। वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये। ब्रह्मोस मिसाइल की बात की जा रही है यहाँ पर, तो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है ये। ये साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा तेज की स्पीड से जो है ये चल सकती है, राइट। और 290 किलोमीटर का इसकी रेंज हम लोग को देखने को मिलती है, और इसकी रेंज एक्सटेंड हो सकती है 400 किलोमीटर तक। इस ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है इंडिया और रशिया ने, और ब्रह्मोस जो है वो 2 नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है, एक है ब्रह्मपुत्र और दूसरी मॉस्क्वा। ब्रह्मपुत्र नदी आप जानते ही हो, और मॉस्क्वा जो है वो एक नदी हम लोग को रशिया की देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आकाश MK-1S मिसाइल के बारे में बात करें तो DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर की है इस मिसाइल को ओडिशा चंदीपुर से, और ये आकाश मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन हम लोग को देखने को मिल रहा है इंडिया में, इंडिया के अंदर ही बनाई गई है ये, किसी भी एक्सटर्नल कंट्री या कंपनी की टेक्नोलॉजी की मदद नहीं ली है हमने, ना ही इसको बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ना ही इसके डिज़ाइन के लिए। आकाश MK-1S की बात करें तो सरफेस टू एयर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है ये। इसकी स्ट्राइक रेंज 25 किलोमीटर की है, 60 किलोग्राम तक का वॉरहेड ये कैरी कर सकती है, और 18 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर तक ये पहुंच सकती है, यानी ऊंचाई तक। और कंट्रोल रडार सिस्टम भी इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको नाम दिया गया है राजेंद्र करके, राइट। और ये बैटरी लेवल रडार हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि ट्रैक कर सकता है आसपास के एरिया को, राइट, ये रडार। और आकाश MK-1S जो है गाइस ये केपेबल है एनिमी फाइटर जेट्स को और ड्रोन्स को स्ट्राइक डाउन करने के लिए, यानी कि जेट्स और जो ड्रोन्स वगैरह हैं उनको ये फायर कर सकती है। INS रंजीत की बात करें तो ये INS रंजीत है, इंडियन नेवी फ्रंट लाइन मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS रंजीत हम लोग को देखने को मिल रही है, जो जिसको डी कमीशन कर दिया गया, यानी कि इसको अब निरस्त कर दिया गया है, राइट। अब हमारी इंडियन नेवी इस INS रंजीत को उपयोग नहीं करेगी, 36 सालों तक हम लोगों ने इसको उपयोग किया है, अब इसको उपयोग नहीं किया जाएगा, राइट। तो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये, मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकती है ये, और इसको 15 सितंबर 1983 में जो है वो कमीशन किया गया था, राइट। और इसको बिल्डअप किसने किया था, रशिया ने, USSR ने, अर्सवाइल USSR, यानी ये रशिया। INS वेला की बात करें तो इंडियन नेवी की 4th स्टेल्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ये हम लोग को देखने को मिलती है, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन, कलवेरी क्लास की है ये, राइट। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, INS वेला क्या है पूछ लिया जा सकता है, सबमरीन है। ICGS विघारा की यहाँ पर बात हो रही है, विग्रह की बात हो रही है, सॉरी, तो इसको भी डीकमीशन कर दिया हमने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और ये फ्रंट लाइन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है ये, तो पेट्रोलिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है ये, और अब जो है ये यूज़ नहीं की जाएगी। तो ये होगा गाइस हमारे प्रीलिम्स के पूरे टॉपिक्स, बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक हर एक न्यूज़ को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया। अब हम लोग न्यूज़ जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट देखने को मिली है उसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अब सेक्शन भी आ गया है मेंस के करंट अफेयर्स का, तो देखो पहला हमारा जो टॉपिक है वो जनरल स्टडीज पेपर 1 का है, और पहला पिलर आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का। वीर सावरकर की यहाँ पर बात हो रही है, वीर सावरकर, तो 28 मई 2019 को बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर जी की। वीर सावरकर जी के बारे में बात करें तो उनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 को, और ये एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, लॉयर, राइटर और हिंदुत्व फिलोसफी के फॉर्मुलेटर भी थे ये, और इन्होंने हिंदुत्व नाम का जो टर्म है उसको पॉपुलराइज किया था। जब इन्होंने हिंदू महासभा को ज्वाइन किया था उसके बाद इन्होंने बहुत प्रमोट किया हिंदुत्व को, बट हिंदुत्व नाम जो है वो किसने रखा है, तो उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए कि हिंदू नाम जो है, ये टर्म जो है हिंदुत्व ये टर्म रखा है चंद्रनाथ बासु ने, राइट। हिंदुत्व आइडियोलॉजी इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये हिंदुत्व जो टर्म आया है ये चंद्रनाथ बासु जी से आया है, और हिंदुत्व को प्रमोट किया है विनायक सावरकर या वीर सावरकर जी ने, ठीक है। और इन्होंने स्टूडेंट सोसाइटीज जो है उसका फाउंडेशन किया, अभिनव भारत सोसाइटी का फाउंडेशन किया और फ्री इंडिया सोसाइटी का, और इन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को पब्लिश किया, राइट। तो ये बेसिकली इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक बुक थी जिसको इन्होंने पब्लिश किया, और ये बुक जो थी वो 1857 रिवोल्ट के ऊपर थी, और जिसको ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने इस बुक को जो है बैन तक कर दिया था, तो ये बुक का नाम भी थोड़ा सा याद रखिएगा,
राइट, और इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में आप पढ़िएगा कि इनका क्या रोल था इंडिपेंडेंस वगैरह में, तो ये आपको हिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको भी रीड कर सकते हैं, राइट। तो इसके अलावा ओरछा टाउन जो मध्य प्रदेश के अंदर है, काफ़ी फेमस टाउन है ये ओरछा का, तो इसको इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को की उसकी टेंटेटिव लिस्ट में। ओरछा टाउन जो है मध्य प्रदेश का उसको लिस्ट किया है। ओरछा टाउन के बारे में बात करेंगे इस, तो जो बेतवा नदी है राइट, तो उसी के बैंक्स पर ये ओरछा टाउन लोकेटेड है, और निवारी डिस्ट्रिक्ट जो है बुंदेलखंड रीजन की मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पर ये लोकेटेड है। और यहाँ पर रिच और एंशियंट आर्किटेक्चर है, छत्रभुज टेम्पल भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, छत्रभुज टेम्पल और ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा, राजा महल भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये कुछ फेमस प्लेसेस हैं यहाँ पर ओरछा की। और दो एलिवेटेड मिनारेट्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, एक है सावन और दूसरा है भाडौन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी डायरेक्टली आ सकते हैं। और चार प्लेसेस जहांगीर पैलेस, राय प्रवीण महल, राजा महल, शीश महल, तो ये भी यहाँ पर ओरछा में है राइट। और ये ओरछा काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, कभी मौका मिले आपको तो जाइएगा। हालांकि भारत जब आप आईएएस बनेंगे, जब ट्रेनिंग में जाएंगे, तो भारत दर्शन में आपको ओरछा भी ले जाया जाएगा। और साइट हाउस जो है श्री राम राजा मंदिर का। अच्छा हाँ, अब देखना एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, पूरे इंडिया में या श्रीलंका में तो हालांकि आप जानते हो कि सीता माता के काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, तो जो रामायण का जो सर्किट है वो हम लोग को इंडिया और यहाँ पर देखने को मिलता है, ये श्रीलंका में, इवन इंडोनेशिया में भी वेरियस राम के टेम्पल आपको दिख जाएंगे। बट गाइज, भगवान राम को भगवान की तरह हर जगह पूजा जाता है, बट ओरछा में भगवान राम जो है उनको भगवान की तरह नहीं बल्कि एक राजा की तरह पूजा जाता है। तो यहाँ पर भगवान राम की पूजा जो होती है, या फिर लॉर्ड राम जी की पूजा, ये भगवान को इनको भगवान मानते हुए नहीं की जाती, यहाँ पर इनको राजा मानते हुए की जाती। तो यहाँ पर भगवान राम जो है उनको राजा की तरह संबोधित किया जाता है, समझ रहे बातों को। तो यहाँ पर एक श्री राम राजा मंदिर भी है, तो श्री राम राजा मंदिर, राजा याद रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर भगवान को राजा की तरह पूजा जाता है ओरछा में। और बुंदेला और मुगल डायनेस्टी को कनेक्ट करती है ये ओरछा, यानी कि यहाँ पर काफ़ी सारे आपको चीज़ें मिल जाएंगी बुंदेला डायनेस्टी की या मुगल डायनेस्टी की राइट। तो बुंदेला डायनेस्टी ने किंग रुद्र प्रताप सिंह जी जो है इनके बुंदेला डायनेस्टी के, तो उन्होंने 16वीं सेंचुरी में ओरछा टाउन जो है उसको बनाया था। और बुंदेला का बुंदेला के अंदर मुगली आर्किटेक्चर भी आपको दिखाई देगा, यानी कि कुछ मुगल्स के आर्किटेक्चर्स भी देखने को मिल जाएंगे, शीश महल वगैरह इस प्रकार के राइट। तो ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब बात हो रही है वेदांता देसी कान के बारे में, तो पोस्टेज स्टैम्प जो है गाइस, ये वेदांता देसी कान का जो है वो रिलीज़ किया गया है, वेदांता देसी कान को सम्मानित करते हुए, कमेमोरेट करते हुए। और इनकी 750th बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को श्री वेदांता देसी कान जी की देखने को मिली है, और ये ग्रेट फिलोसोफर ऑफ लाइफ हम लोग को देख के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि लाइफ की फिलोसफी इन्होंने बहुत ज़्यादा करी है राइट, लाइफ के ऊपर। तो श्री वेदांता देसी कान जी के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़िएगा इनके बारे में। बासवन्ना के बारे में बात करें गाइस, तो बासवा जयंती जो है गाइस ये ऑब्जर्व की जाती है, बासवन्ना जी के बर्थडे के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है। ये हिंदू कन्नड़ पोएट हैं ये 12वीं सेंचुरी के, थोड़ा सा इनके बारे में भी आप पढ़िएगा डिटेल में राइट। तो ये सब स्टैटिक पोर्शन है राइट, और सब कुछ इसमें यहाँ पर आपको मेंशन, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर अलग से भी इनके बारे में थोड़ी डिटेल में रीड कर सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वेसक की यहाँ पर बात हो रही है, तो नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने कोलंबो में अभी रिसेंटली विजिट किया था। इंटरनेशनल डे ऑफ वेसक फेस्टिवल जो कोलंबो में हम लोग को देखने को मिला था, तो वहाँ पर इन्होंने जाकर विजिट किया था। और बुद्धा पूर्णिमा जिसको वेसक के नाम से भी जाना जाता है, और ये फुल मून डे के दिन ऑब्जर्व किया जाता है पूरे दुनिया भर में, 10 मई 2017 को ये ऑब्जर्व किया गया था राइट। और 12 से लेकर 14 मई के बीच में ये वेसक फेस्टिवल अभी कोलंबो में हुआ था राइट। और इसी दिन बुद्धा जो है उनको बोला जाता है कि एनलाइटमेंट मिली थी महाबोधि ट्री के नीचे राइट, बोध गया के अंदर, तो इसीलिए इस दिन को वेसक डे के नाम से जो है वो जाना जाता है। करतारपुर साहिब पिलग्रिम कॉरिडोर की यहाँ पर बात हो रही है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 4 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बनाया गया है राइट। और देखो कहीं पर 4 किलोमीटर लिखा है, कहीं पर 6 किलोमीटर लिखा है, बट आप याद रखिएगा 4 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है जिसको बनाया हुआ है, और पहले प्रपोजल रखा था बट अब जो है ये बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा गाइस कि बिना वीज़ा के जो हमारे जो इंडियन पिलग्रिम्स हैं, स्पेशली सिख जो हैं इंडियन, वो करतारपुर साहिब जो गुरुद्वारा है वहाँ पर जाकर विजिट कर पाएंगे। तो देखो पंजाब में गुरदासपुर नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा है। यहाँ से आप अगर देखोगे खड़े होके पाकिस्तान की तरफ, तो आपको बाकायदा करतारपुर साहिब गुरुद्वारा दिखाई देगा,
बट वहां पर जा नहीं सकते क्योंकि वो बॉर्डर के उस पार है, और वहां पर जाने के लिए वीजा वगैरह लेना पड़ता था, तो वो 120 किलोमीटर की कुछ जर्नी थी। बट अब इस 120 किलोमीटर की जर्नी को मात्र 4 किलोमीटर की जर्नी में जो है वो बना दिया गया है। अब यहाँ पर एक कॉरिडोर बन गया है जहाँ पर जो पिलग्रिम्स जो हैं वो बिना किसी वीज़ा के वहाँ पर जा पाएंगे। तो पहले पाकिस्तान ने बोला था कि यहाँ पर जाने के लिए कोई पैसा नहीं लेगा पाकिस्तान, बट अब कुछ बोल रहा है कि कुछ पैसा ये चार्ज करेगा, राइट? तो ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और करतारपुर साहिब गुरुद्वारा इतना ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसका रीज़न ये है गाइस कि यहाँ पर बोला जाता है कि जो गुरु नानक जी जो हैं गाइस, इन्होंने यहाँ पर 18 साल बिताए थे इनकी मृत्यु तक, तो 1539 तक जो है, यानी जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी तब तक ये यहाँ पर ये जो करतारपुर गुरुद्वारा है यहाँ पर ही ये थे, राइट? तो इसीलिए ये जो प्लेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिख लोगों के लिए। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर की यहाँ पर बात हो रही है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में डिटेल में काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा, याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। तो बताया जा रहा है कि कोलकाता के अंदर कुछ पॉलिटिकल गुंडों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के स्टैचू को गिरा दिया था, खराब कर दिया था, तोड़ दिया था, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में था। बट आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में डिटेल में पूरी चीज़ अच्छे से जो है वो पढ़नी है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है गाइस इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो अब देखिए पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है गाइस, ये वन ऑफ द वेटिएस्ट प्लेस है धरती पर, यानी कि सबसे गीला एरिया ये धरती पर, बट पिछले 30 सालों से यहाँ पर बहुत जल्दी जो है वो ड्राइनेस देखने को मिल रही है, यानी कि ये जो एरिया है जो कि वेट माना जाता है, पूरी धरती का सबसे वेटेस्ट एरिया जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया माना जाता है, ये सूखता जा रहा है। उसकी वजह क्या है, तो लॉजिक लगाओ, उसकी वजह है क्लाइमेट चेंज। आप देख रहे हो कि आज की रेट में टेम्परेचर लेवल कितना ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, राइट? अनयूजुअल रेनफॉल हम लोग को देखने को मिल रही है, जो मॉनसून रेनफॉल है वो डिक्रीज हो रही है, बट हालांकि अभी एट प्रेजेंट हमने देखा कि इस साल कुछ ज़्यादा ही हम लोग को मॉनसून देखने को मिला है, राइट? पिछले सालों के मुकाबले 10% मॉनसून जो है वो इस साल का बढ़ गया है। बट देन टू ओवरऑल ऑन एन एवरेज की अगर हम लोग बात करें, तो धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर लेवल तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, और इस टेम्परेचर लेवल के इंक्रीज होने के चलते जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, जिसको धरती का, नहीं सिर्फ इंडिया का, धरती का वन ऑफ द वेटेस्ट एरिया माना जाता है, और ये ड्राई होता जा रहा है, तो ये एक इशू था, इसलिए ये टॉपिक जो है वो सामने आया था। पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन की बात करेंगे इस, तो ये लॉन्ग लिफ्ट एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जिसको जनरली हम लोग बोलते हैं, तो उसी पैटर्न का ये होता है, राइट? तो ये वाली चीज़ भी आप थोड़ी सी इसके बारे में ध्यान में रखिएगा, राइट? और याद रखिएगा कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस है पूरी धरती का, राइट? जो कि ड्राई होता जा रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंथ्रोपोसीन जो है एक नया चैप्टर हमारी अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में आ गया है। टीम ऑफ साइंटिस्ट जो है गाइज, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि एंथ्रोपोसीन जो है अब ये धरती की जियोलॉजिकल हिस्ट्री का नया चैप्टर देखने को मिलेगा। देखो गाइज, धरती है, धरती का हमने काफ़ी सारे धरती के एरा जो है वो पढ़े हुए हैं, राइट? तो जो कोल्ड जो एरा हुआ करता था, जो जिस समय पूरा का पूरा जो धरती जो हुआ करती थी वो पूरी बर्फ में समाई हुई थी, राइट? उसके बाद नए नए एराज आते गए, तो वैसे ही एक एंथ्रोपोसिन एरा जो है वो यहाँ पर एक नया चैप्टर अब देखने को मिलेगा, राइट? तो इसका जो फॉर्मल प्रपोजल जो है वो 2021 से रखा जाएगा इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटिग्राफी में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो अब ये यानी कि एक डिसाइड हो गया है, डिक्लेयर हो गया है कि एक नया एक चैप्टर हम लोग को धरती की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में देखने को मिलेगा एंथ्रोपोसिन नाम का, राइट? बट इसका उसको प्रॉपर तरीके से ऑफिशियल तरीके से 2021 के बाद से लागू किया जाएगा, और ये ह्यूमैनिटी लार्ज इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करेगा कि ह्यूमंस ने एनवायरनमेंट को कैसे इंपैक्ट किया है, क्योंकि ह्यूमन ने ही पूरा डिस्ट्रक्शन किया एनवायरनमेंट का। आज की डेट में जो क्लाइमेट चेंज हम लोग देख रहे हैं उसकी वजह ह्यूमंस है, राइट? तो ये वाली बातें हम बताई जा रही है, और इवन एक स्टडी के थ्रू आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक स्टडी के थ्रू ये तक पाया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जितना वॉल्केनो से नहीं होता, उससे कई परसेंट ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, कि वॉल्केनो जो जिससे गैसेस वगैरह निकलती हैं, धुआं वगैरह निकलता है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण कई ज़्यादा कई भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, राइट? तो ये आपको न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी, यानी कि आप जब आप अक्टूबर मंथ की न्यूज़ एनालिसिस पढ़ोगे या फिर मेरे वीकली न्यूज़ एनालिसिस को देखोगे, तब आपको उसके बारे में क्लियर होगा।
नेक्स्ट पिलर आता है सोशल इश्यूज का, तो वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में बात की जा रही है। तो 31 मई 2019 को ये ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हर साल ये 31 मई को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो इस दिन अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि टोबैको वगैरह नहीं लिया जाए और टोबैको कितना हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स वगैरह के लिए, राइट, एनवायरमेंट के लिए। तो इस पर जो है वो अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2019 अभी रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है, May 6th से लेकर 12th तक के बीच में हम लोग को देखने को मिला था। इस साल की थीम थी लीडरशिप फॉर रोड सेफ्टी। यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया था एक एक्शन गाइस, यानी कि जो कैंपेन जो चल रहा है अभी, सेव लाइव्स #स्पीकअप। तो ये कैंपेन है गाइस जो कि रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है। तो ये यूनाइटेड नेशंस ने इसके ऊपर काफ़ी सारे एक्शंस जो है वो लिए हैं इस कैंपेन के ऊपर, यानी कि एक्शंस यानी कि पॉजिटिव एक्शंस कि रोड एक्सीडेंट्स को जो है वो रिड्यूस करें। और इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के थ्रू भी ये पाया गया है, और इस रिपोर्ट ने ये हाईलाइट किया है कि रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो 5 से लेकर 29 साल के लोगों के बीच में का होता है, यानी कि इतने लोग जो है 5 to 29 years के जो लाइफ स्पैन जो होता है लोगों का, तो उतने एज वाले लोग जो है उनकी मृत्यु काफ़ी ज़्यादा हुई और सबसे ज़्यादा हुई है। और रिपोर्ट ने इंडिकेट किया है कि 1.35 मिलियन आप कह सकते हो कि 13.5 लाख लोग जो है वो हर साल मरते हैं पूरी दुनिया भर में रोड एक्सीडेंट के कारण। और मेजर हाईलाइट ये आया है कि मोटरसाइकिलिस्ट जो होते हैं, मोटरसाइकिल जो लोग चलाते हैं, उनकी मृत्यु होती है 28% मोटरसाइकिल्स, यानी मृत्यु दर की बात करें और ऑल ओवर रोड एक्सीडेंट्स में, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बताया जा रहा है कि 28% मोटरसाइकिलिस्ट की होती है। और पैदल चलने वाले और साइकिलिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये 26% है। तो सबसे ज़्यादा खतरे में है मोटरसाइकिल, फिर है पैदल चलने वाले और साइकिलिस्ट। तो ये वाली यहाँ पर बात बताई गई है रोड एक्सीडेंट के डेथ के मामले में यहाँ पर बोला गया है। और लो इनकम कंट्रीज़ जो है गई ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल की कैटेगरी में आ जाती है रोड एक्सीडेंट्स के मामले में, यानी कि सबसे ज़्यादा रिस्क लो इनकम कंट्रीज़ को है। अफ्रीका के अंदर 1 लाख लोगों में से 26% लोग, आप कह सकते हो कि 1 लाख लोगों में से 27,000 या 26,500 लोग जो है अफ्रीका के अंदर, इनकी मृत्यु हो जाती है रोड एक्सीडेंट्स के कारण। 1 लाख लोगों में से 26,000 लोग मर रहे हैं अफ्रीका में रोड एक्सीडेंट के चलते। यूरोप के अंदर 1 लाख लोगों में से मात्र 9,300 लोग जो है वो मर रहे हैं इसमें एक्सीडेंट्स के कारण। तो फिर भी एक, हालांकि यूरोप जो है उसको लोएस्ट बोला जा रहा है डेथ रेट के मामले में, बट देन टू काफ़ी ज़्यादा रेट है ये, राइट। और इंडिया के अंदर हर साल 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है रोड एक्सीडेंट्स के कारण, हर साल लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु। और स्पीकअप #स्पीकअप कैंपेन की बात करें गाइस, तो ये रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है कैंपेन की कम, और रोड सेफ्टी पर ध्यान देने के लिए बनाया गया है। इस पर अवेयरनेस वगैरह क्रिएट की जाती है, फोकस किया जाता है कि रोड एक्सीडेंट्स में गिरावट हम लोग को देखने को मिले। तो ये टारगेट करते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स में गिरावट 2020 तक का इनका टारगेट है कि रोड एक्सीडेंट्स में इनको गिरावट जो है वो लेकर आनी है। 5 पिलर हैं इनकी एक्टिविटीज़ के, रोड सेफ्टी मैनेजमेंट, सेफर रोड्स एंड मोबिलिटी, सेफर व्हीकल, सेफर रोड्स यूज़र, पोस्ट क्रैश रिस्पॉन्स, तो इस पर ये टारगेट करते हैं। दोस्तों बात हो रही है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम 2019 की रिपोर्ट के बारे में। तो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की जाती है इंटरनेशनल जो रिलीजियस फ्रीडम की, ये रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिलती है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट है ये बेसिकली इसका नाम। तो इस हर साल ये रिपोर्ट जो है वो अपनी रिलीज़ करती है, इसमें फोकस करती है कि कौन सी कंट्रीज़ जो है वहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम कितना है। तो इंडिया के लिए बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम जो है गाइस वो घटता हुआ जा रहा है, और इसकी बड़ी वजह पॉलिटिसाइजेशन बताई जा रही है, यानी कि पॉलिटिक्स इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो रिलीजियस फ्रीडम डिक्लाइन हो रही है उसका कारण ही ये है कि पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है रिलीजन में। और ये रिपोर्ट बताती है कि किस किस कंट्री के अंदर रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में क्लैशेस कितने होते हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में ये डिस्कस करती है। तो इसमें इंडिया को लेकर एक नेगेटिव चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 तक ट्रांस फैट्स को, इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट, जो ट्रांस फैट इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए जो है वो टारगेट किया है। और इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाथ मिलाया है इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेजेस अलायंस के साथ, और टारगेट किया है कि 2023 तक पूरी तरह से इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स को जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाए, राइट, ख़त्म कर दिया जाए। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रेस किया है रेगुलेटरी एक्शंस के ऊपर कि कंट्रीज़ के अंदर ट्रांस फैट को लेकर रेगुलेटरी एक्शंस जो है वो होने की आवश्यकता है, राइट। और IFBA ने
कमिट किया है कि जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स हैं उनको 2023 तक जो है वो हर 100 ग्राम जो फैट या फिर ऑयल जो है वो प्रोड्यूस होता है उसको 2 ग्राम से भी कम जो है वो लेकर आ जाया जाएगा। तो 100 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स में 2 ग्राम से नीचे ट्रांस फैट जो है वो लिमिट करने की यहां पर बात करी है IFBA ने। और 5 लाख से ज्यादा मृत्यु पूरी दुनिया भर में होती है इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट के कारण, तो ये भी इस रिपोर्ट में आया है। और इसके ट्रांस फैट के चलते जो लोगों को जो जो हार्ट डिजीज हो जाती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल जो उनका बढ़ जाता है उसके कारण, जो वेरियस कार्डियोवास्कुलर डिजीज उनको हो जाती है जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आंकड़ा 5 लाख से भी ज्यादा का है मृत्यु दर का आंकड़ा पूरी दुनिया भर में, तो ये काफी बड़ी बात है। और ट्रांस फैट से रिलेटेड जो है वो डायरेक्टली कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और गाइज यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोग बाग जो है वो 1% से भी कम अपनी एनर्जी का ट्रांस फैट से जो है वो कंज्यूम करते हैं, 1% से भी कम, राइट। तो इस ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और उस और ट्रांस फैट जो है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं लोग, कंज्यूम करते हैं, और वही ट्रांस फैट जो है वो हमारे हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, राइट। और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी एक गोल हम लोग को देखने को मिलता है कि प्री मेच्योर डेथ को रिड्यूस करना, राइट। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल है जिनको 2030 तक अचीव करना है, राइट। तो इसमें भी एक गोल है, एक टारगेट है कि 2030 तक जो डेथ होती हैं प्री मेच्योर डेथ होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से, तो उसको 1/3 तक रिड्यूस कर देना है। तो और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण ही डेथ हो रही है। ट्रांसफैट जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो इंडस्ट्री में जो ट्रांसफैट प्रोड्यूस होता है जिसके कारण से लोग मर रहे हैं, 5 लाख से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो रही है, तो उसको 1/3 रिड्यूस करना है। तो इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यही सब टारगेट कर रही है कि इसको जो है वो ट्रांसफैट के कंज्यूम करने के कारण जो डेथ होती है तो उसको रिड्यूस करना है, या फिर ट्रांसफैट को जो है वो एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए वेरियस टारगेट्स लेकर आए। और रिप्लेस जो है गाइस ये 6 स्ट्रेटेजिक एक्शन है, राइट। एक यानी कि स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं, गाइडलाइंस बताई गई हैं कि कैसे आपको रिड्यूस करना है। तो 6 स्ट्रेटेजिक एक्शन के तौर पर इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांसफैट को जो है वो एलिमिनेट किया जा सकता है। तो ये रिप्लेस इसका नाम रखा गया है, रिप्लेस यानी कि आप देखते जाओ, RE से रिव्यू बन गया, राइट। P से प्रमोट, L से लेजिस्लेट, A से एक्सेस, C से क्रिएट और E से इन्फोर्स। तो ये 6 स्ट्रेटेजिक एक्शन है जिसकी मदद से ट्रांसफैट से जो है वो ट्रांसफैट को एलिमिनेट किया जा सकता है, ट्रांसफैट के कारण जो डेथ हो रही है उनको रिड्यूस किया जा सकता है, राइट। और ये ट्रांसफैट की बात करें जिसको ट्रांसफैटी एसिड भी बोलते हैं, ये मोस्ट हार्मफुल टाइप है फैट का गाइस। और ये बनता कैसे है, इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, जब हाइड्रोजन को ऑयल के साथ रिएक्ट किया जाता है तब उस समय फैट प्रोड्यूस होता है जो कि प्योर घी या बटर की तरह दिखता है, राइट। बट ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज जो है ये काफ़ी ज़्यादा हो सकती है एक इंडिविजुअल को, कैंसर तक होने की संभावना बताई जाती है, राइट। और मीजल्स की बात करें गाइस, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है गाइस यहाँ पर बहुत बुरी तरह से मीजल्स जो है वो उसका आउटब्रेक हम लोग को पिछले 25 सालों में देखने को मिला है, राइट। और एक पेपर पब्लिश हुआ है लैंसेट के द्वारा, इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो 7 कंट्रीज में आ गई है जहाँ पर मीजल्स आउटब्रेक बहुत तेज़ी से होता है, यानी कि मीजल्स का स्प्रेड बहुत तेज़ी से होता है। तो इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री जहाँ पर मीजल्स की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। और मीजल्स जो USA में बड़ा है गाइज, उसके जो रीजंस हैं वो दो बड़े रीज़न बताए जा रहे हैं। एक तो ये जो लोग हैं गाइज वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जब जाते हैं तब ये जो ट्रैवल करते हैं तो वो मीजल्स डिजीज़ जो है वो अपने साथ लेकर आ जाते हैं। और मीजल्स स्प्रेड होता है हवा से, राइट। एयरबॉर्न डिजीज़ है, हवा से स्प्रेड होती है, हवा से कम्युनिकेट करती है ये। तो इसके कारण जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है गाइज वो कैरी करके ले आता है मीजल्स को, और उसी के कारण ये फैलना शुरू हो जाती है, राइट। और लो वैक्सीनेशन रेट्स की, वैक्सीनेशन रेट्स काफ़ी ज़्यादा लो हैं मीजल्स के, राइट। वैक्सीनेशन प्रॉपर जगह पर प्रॉपर टाइम पे लोगों को नहीं दिया जाता, तो ये एक बड़ा दो बड़े ये इशू बताए गए हैं। और जो टॉप कंट्री है गाइस जहाँ पर मीजल्स फैलने का सबसे ज़्यादा रिस्क है वो है चाइना, इंडिया, चाइना, मैक्सिको, जापान, यूक्रेन, फिलीपींस और थाईलैंड। और रिकमेंडेशन यही दिया गया है कि जो भी लोग बाग हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ रहे हैं तो उनका प्रॉपर उनको सर्विलांस किया जाए, उनका मॉनिटरिंग किया जाए कि कहीं उनको मीजल्स वगैरह तो नहीं है। पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो बढ़ाई जाए, फंडिंग एलोकेट की जाए वैक्सीनेशन के लिए कि वेरियस कंपनीज वगैरह जो हैं वो वैक्सीन वगैरह बनाएं, राइट। और वैक्सीनेशन को प्रमोट किया जाए। मीजल्स गाइस ये हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन, बहुत तेज़ी से फैलता है ये, राइट। मीजल वायरस से ये फैलता है।
मीजल वायरस है नहीं, बेसिकली मीजल वायरस होता है जिसके जिसके जो अगर मीजल वायरस किसी इंडिविजुअल को इन्फेक्ट कर जाए तो उसको ये डिजीज हो जाती है। इसके सिम्टम्स डेवलप होते हैं 10 से 12 दिन में और ये एक इंडिविजुअल को 7 से 10 दिन के अंदर जो है वो इन्फेक्ट कर देता है, राइट। और मैक्सिमम 10 दिन तक जो है ये मीजल्स हम लोग को देखने को मिलता रहता ही है। एयरबॉर्न डिजीज है, हवा से फैलती है, ये स्नीजिंग के थ्रू, कफ के थ्रू ये फैलती है, छींकने से, खांसने से। और मीजल 20 मिलियन लोगों को हर साल अफेक्ट करता है। 1 मिलियन होता है 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन 1 करोड़, 20 मिलियन 2 करोड़ लोगों को हर साल ये इन्फेक्ट करता है। और ये जो डेवलपिंग एरियाज हैं अफ्रीका और एशिया के, यहाँ पर ज़्यादातर ये मीजल्स का आउटब्रेक बहुत होता है, राइट। और जो लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं गाइज और जिनकी मृत्यु होती है, उनकी उम्र 5 साल से कम की होती है, यानी कि छोटे बच्चों बच्चे जो होते हैं वो मीजल्स से बहुत बुरी तरह से इन्फेक्ट हो जाते हैं और बहुत रिस्क में भी होते हैं। अब इक्विप प्रोजेक्ट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने प्लान किया है कि ये लॉन्च करेंगे 1.5 लाख करोड़ रुपए का इक्विप प्रोजेक्ट। हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इस इक्विप प्रोजेक्ट को लाया गया है और टारगेट यही है कि अगले 5 सालों में इक्विप प्रोजेक्ट की मदद से हायर एजुकेशन की क्वालिटी को हम लोग इंप्रूव करेंगे। इक्विप का फुल फॉर्म है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। नाम से ही समझ में आ रहा है, एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन, एजुकेशन की क्वालिटी को अपग्रेड करना है, राइट। और यहाँ पर 10 कमिटीज जो हैं गाइस, इनके यानी इस कमिटी में जो एक्सपर्ट्स वगैरह थे उनके द्वारा ये इक्विप को बनाया गया है, राइट। और फोकस यही किया गया है कि कैसे हम लोग अपने हायर एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दें आने वाले 5 सालों में, तो उस पर ये काम करती है। पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन के का जो गैप है उसके बीच में एक ब्रिज बनाती है इक्विप। देखो गाइस, कई बार क्या होता है कि सरकार पॉलिसी तो बना देती है बट एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जाती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट जो बेटर पॉलिसीज एजुकेशन के लिए जो बनाएगी उसको इम्प्लीमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जाएगा इस इक्विप प्रोजेक्ट के थ्रू, राइट। तो इसका ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। अब गाइस बताया जा रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एंटी वेनम्स के ऊपर कुछ स्ट्रेटजी निकाली है। एंटी वेनम यानी कि एक तरह का एंटीडोट होता है, जब सांप काट लेता है तो उस एंटी वेनम की मदद से जो है वो इंसानों को बचाया जा सकता है, सांप के जहर जो है उसको निकाल लिया जा सकता है। तो ये एंटी वेनम जनरली लोकल हॉस्पिटल्स वगैरह में हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो WHO ने कुछ नई स्ट्रेटजी निकाली है कि कैसे स्नेक बाइट्स के कारण जो स्नेक बाइट्स के बाद यानी कि सांप जब काट लेता है तो उसके बाद जब लोगों की मृत्यु हो जाती है या फिर लोग बाग पैरालिसिस हो जाते हैं, उनको कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी, तो उसको रिड्यूस किया जाए, रोका जाए। और गाइज इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हर साल 30 लाख लोगों को सांप काटता है, पॉइजनस सांप, पॉइजनस स्नेक काटता है, यानी कि जहरीला सांप काटता है 30 लाख लोगों को हर साल, और इनमें से 81,000 से लेकर 1,38,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और 4 लाख जो बच जाते हैं उनको कुछ ना कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, जैसे कि पैरालिसिस हो गया। स्नेक काट लेता है तो इंडिविजुअल पैरालिसिस को पैरालिसिस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ हो जाती है, हैमरेज की प्रॉब्लम होती है, किडनी फेल हो जाती है, टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, राइट। परमानेंट लिम्ब लॉस हो जाता है, यानी कि बॉडी का एक पार्ट काम करना बंद हो जाता है परमानेंट तरीके से, तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ स्ट्रेटजीज निकाली हैं कि कैसे रिड्यूस किया जाए जो ये स्नेक बाइट होती है और उसके बाद जो डेथ होती है लोगों की, उसको कैसे रिड्यूस करना है, राइट। एंटी वेनम को कैसे प्रमोट करना है, तो उस पर कुछ स्ट्रेटजीज निकाली गई है, राइट। और टारगेट ये है कि 2030 तक जो डेथ हो रही है सांप के काटने से और जो डिसेबिलिटी हो रही है उसको आधा कर देना है, यानी कि रिड्यूस कर देना है। जो 81,000 से लेकर 1,38,000 लोगों की जो मृत्यु हो रही है उसको रिड्यूस कर देना है, उसको करीब 40,000-30,000 पर लेकर आ जाना है, राइट। तो उस पर ये टारगेट है कि 2030 तक ये करना है, और ये पॉसिबल हो पाएगा ग्रेटर रेगुलेटरी कंट्रोल से, यानी कि गवर्नमेंट वगैरह जो है वो इनिशिएटिव लें, एंटी वेनम्स को प्रमोट करें, एंटी वेनम के ऊपर रिसर्च करें, राइट, और बेटर तरीके से कि एंटी वेनम्स को और बेहतरीन बनाया जाए। क्योंकि द रीज़न बीइंग इज क्योंकि कई सारे ऐसे सांप भी हैं जो अगर काट लेता है, तो कई बार ऐसे भी सांप होते हैं जिनका जहर जो होता है वो एंटी वेनम काट नहीं पाता, तो इसलिए वो लगे कि और भी सांपों वगैरह में रिसर्च की जाए, उनके जहर पर रिसर्च की जाए, राइट। तो उस पर फोकस किया जा रहा है, और 25% इंक्रीज़ करना है एंटी वेनम मैन्युफैक्चरिंग को 2030 तक, कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो एंटी वेनम ड्रग्स वगैरह जो है वो निकालें। और कुछ ही कंट्री हम लोग को देखने को मिलती हैं गाइस जो कि स्नेक वेनम को प्रोड्यूस कर पाती हैं, जिससे कि एंटी वेनम मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो क्वालिटी मेडिसिन वगैरह जो है या एंटी वेनम एंटीडोट जो है वो बना सकें। तो ये बहुत ही कम कंट्री हैं, तो बोला जा रहा है कि और भी ज़्यादा कंट्री इस पर रिसर्च जो है वो करें।
मलेरिया फ्री स्टेटस की यहाँ पर बात हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है अल्जीरिया को, अर्जेंटीना को एज अ मलेरिया फ्री कंट्री, राइट। और 2013 के बाद और 2010 के बाद हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कोई भी ऐसे रिकॉर्ड नहीं पाए गए हैं इस डिजीज़ के यहाँ पर इन पर्टिकुलर कंट्री में। अब देखो कोई भी कंट्री है अगर उसको मतलब डिजीज़ फ्री बनाना है तो उसके लिए गाइस पिछले 3 सालों तक उस कंट्री के अंदर कोई भी एक यानी कि एक भी केस नहीं होना चाहिए उस डिजीज़ का, तब जाकर वो कंट्री जो होती है वो डिजीज़ फ्री बन जाती है, राइट। जैसे कि पोलियो फ्री राइट कंट्री कोई होती है, मलेरिया फ्री कंट्री होती है, तो ये ऐसी कंट्री होती है जो पिछले 3 सालों में जिनके पास एक भी नॉट इवन अ सिंगल रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज़ जो है वो डायग्नोस किया गया हो, तब जाकर उस कंट्री के अंदर जो स्टेटस फ्री का जो टैग जो है वो उसको मिल जाता है, राइट। तो अल्जीरिया जो है वो सेकेंड अफ्रीकन कंट्री है जिसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया गया है एज अ मलेरिया फ्री कंट्री, और पहली जो कंट्री थी उसको ऑफिशियली 1973 में रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ मलेरिया फ्री, और वो थी मॉरिशियस, राइट। और अर्जेंटीना जो है वो दूसरी कंट्री हम लोग को अमेरिका में देखने को मिल रही है जिसको 45 सालों के भीतर जो है यानी कि अगर पैराग्वे की बात करें हम लोग तो पैराग्वे जो है गाइस वो पहली कंट्री थी जिसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया था, साउथ अमेरिका की ये कंट्री थी, और अब दूसरी है जो है वो अर्जेंटीना बन गई है, राइट। और मैंने आपको बताई दिया कि लगातार 3 सालों तक अगर किसी कंट्री के अंदर कोई डिजीज़ नहीं आउटब्रेक होती है या किसी डिजीज़ का कोई भी एक भी केस डायग्नोस नहीं होता है तो उस कंट्री को या डिजीज़ फ्री का स्टेटस जो है वो मिल जाता है, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात हो रही है तो यूनाइटेड स्टेट्स की ये स्ट्रेटजी है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, इस पर फोकस किया जा रहा है कि जो डेडली आउटब्रेक्स होता है, जो बड़ी बड़ी डिजीज़ जो फैलती है, राइट, डेडली डिजीज़, तो उसको कैसे रोकना है उस पर ये स्ट्रेटजी बनाई गई है। और उसके 3 बेसिकली गोल्स हैं। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन एक चीज़ बताई जा रही है यानी कि मॉनिटरिंग पर्पस का एक गोल हम लोग को इसमें देखने को मिल रहा है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा और ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स, तो ये इस पर जो गोल यहाँ पर बताए गए हैं। फीचर यही है कि कैसे जो है वो ये डिजीज़ का जो आउटब्रेक है उसको फैलने से रोकना है, तो उसमें बोला गया है डिटेक्ट करो, प्रिवेंट करो, रिस्पॉन्ड करो थ्रेट वगैरह से वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ के, और ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और यूनाइटेड स्टेट जो है ये इन्वेस्टमेंट करेगा, फंडिंग प्रोवाइड कराएगा कि कैसे जो है वो टाइम लिमिट के अंदर किसी डिजीज़ के आउटब्रेक को जो है वो कैप्चर करके उसको रोक दिया जाए, उसको फैलने से रोक दिया जाए, क्योंकि उसके कारण क्या होता है एक जगह पर डिजीज़ जब आउटब्रेक होती है तो उससे भारी मात्रा में लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब मोहल्ला क्लिनिक इनिशिएटिव है, दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक इनिशिएटिव जो है गाइस ये और भी काफ़ी सारी स्टेट्स में एक्सटेंड करने की इसको बात की जा रही है। तेलंगाना, कर्नाटका, झारखंड और जम्मू एंड कश्मीर ने इंटरेस्ट लिया है कि ये दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक इनिशिएटिव जो चल रहा है उसको ये अडॉप्ट करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुआ था 2015 में और ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है न्यू दिल्ली के अंदर, जहाँ पर बेसिक जो एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज होती हैं जैसे कि मेडिसिंस की, किसी डिजीज़ को डायग्नोस करने की, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने की, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में की जाती है। और हर एक क्लिनिक के अंदर एक डॉक्टर होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं पेशेंट्स के आधार कार्ड डिटेल्स को अपलोड करने के लिए, और लैब असिस्टेंट होते हैं जो कि ब्लड सैंपल्स वगैरह और जो डिटेल्स वगैरह होती है पेशेंट्स की वो कलेक्ट कर सकें, राइट, और मेडिसिंस को डिस्बर्स कर सकें यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और हर एक क्लिनिक जो होती है गाइज ये बताया जा रहा है कि अलग अलग जो मोहल्लेज होते हैं उनके 5 किलोमीटर के रेडियस पे होगी, जहाँ पर 10,000 से लेकर 15,000 लोग रहते होंगे, तो इस बीच पर हर एक क्लिनिक जो है वो पाई जाएगी। तो ये दिल्ली ने के अंदर एक ऐसा इनिशिएटिव देखने को मिला था, तो वैसे ही सेम हेल्थ केयर को बेटर बनाने के लिए अलग अलग कंट्रीज को ये अलग अलग स्टेट्स को ये इनिशिएटिव पसंद आया और वो भी इस इनिशिएटिव को अडॉप्ट करेंगे। ग्लोबल ड्रग सर्वे रिपोर्ट ये अभी रिसेंटली रिलीज़ की गई है और इस रिपोर्ट में पाया गया है कि इंडियन जो है गाइस इनका ये हेल्प मांग रहे हैं अल्कोहल इंटेक को रिड्यूस करने के लिए, यानी इंडियंस जो है वो हेल्प बार बार जो हेल्पलाइन नंबर है मतलब अल्कोहल को छोड़ने की, तो उस पर कॉल करके वो हेल्प मांग रहे हैं कि उनको अल्कोहल जो है वो छोड़ना है। क्योंकि इंडिया की बात करें गाइस तो इंडिया में मोस्ट कॉमन तरीके से यानी कि कॉमनली इंडिया के अंदर जो यूज़ किया जाता है इस प्रकार के इंटॉक्सिकेंट्स तो वो है अल्कोहल, टोबैको और कैनबिस यानी कि गांजा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि सबसे भारी मात्रा में कॉमन तरीके से इंडिया में उपयोग में ली जाती है नशे करने के लिए। और 6% फीमेल इंडियंस जो हैं वो सर्वे किया गया था कि ये इनको मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, राइट, पिछले 12 महीनों में 6% इंडियन फीमेल्स को, तो ये भी सामने आया है। और ग्लोबल फीमेल का एवरेज जो था इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर ये 13% था,
कि यहाँ पर इंडिया के अंदर 6% फीमेल जो थी उन्होंने उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ी, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ी. तो ये वाली बात यहाँ पर बताइए, बिकॉज ऑफ सच इंटॉक्सिकेंट्स. अब इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की बात हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को 20 से बढ़ाकर 30 जो है वो करने की बात कर रहे हैं. अब देखो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस पहले समझो क्या है ये. तो ये एक स्कीम थी जिसके थ्रू हमारी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, उनको वर्ल्ड क्लास बनाने पर फोकस किया जा रहा है. ये एक टैग होता है गाइज, ये उस यूनिवर्सिटी को दिया जाता है जिस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग टॉप 500 ग्लोबल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के अंदर आ जाती है या फिर टॉप 50 के अंदर आती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर. तो ऐसी इंस्टीट्यूट जो होती हैं वो एलिजिबल होती है एमिनेंस टैग के लिए. और जिस भी इंस्टीट्यूट को ये टैग मिल जाता है वो इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस हो जाती है, यानी कि वो ऑटोनॉमी जो है वो इंजॉय करती है, चाहे वो एकेडमिक के मामले में हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में हो. यानी कि वो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से अपने कोर्सेज डिज़ाइन कर सकती है, राइट, इन ऑब्वियसली इन कंसल्टेशन विद UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बट उसके पास प्रॉपर ऑटोनॉमी होती है अपने कोर्सेज डिसाइड करने की, उसको क्या पढ़ाना है और कैसे उसको अपने जो क्राइटेरिया है एजुकेशन का उसको कैसे इम्प्रूव करना है. तो ये ऐसी यूनिवर्सिटी को पूरी ऑटोनॉमी दे दी जाती है जो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी टॉप 500 ग्लोबल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में हो और वो आगे और बढ़ने पर काम करना चाहती हो, राइट, कि हमारी यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने पर फोकस करना चाहती हो. और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी ये टैग मिलता है, बट उसके उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास 15 सालों का एक बेहतर प्लान होना चाहिए और ग्रीन फील्ड वेंचर्स को ही मिलेगा, यानी कि जो नए नए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट कर रहे हैं, नए नए इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, तो उन्हीं को ये दिया जाएगा. बट पहले चेक किया जाता है, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं यहाँ पर, एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमिटीज़ हम लोग को जो देखने को मिलती है जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जिनसे कंसल्ट किया जाता है और फिर वो उनके प्लान को देखते हैं, और अगर उनका प्लान सटीक बैठता है, सटीक होता है कि ये प्लान के थ्रू जो है वो किसी यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड क्लास बनाया जा सकता है, तब उस यूनिवर्सिटी को भी ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टैग दे दिया जाता है, राइट. तो जैसे देखो सिंपल तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जहाँ पर आप सुनो तो आपको यही दिमाग में आना चाहिए कि हमारे यहाँ की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको वर्ल्ड लेवल तक बनाने के लिए, यानी कि वर्ल्ड लेवल का बनाने के लिए ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम लाई गई थी. अभी तक सिर्फ 20 यूनिवर्सिटीज़ को ही ग्रांट करने की बात की गई थी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, बट अब इस 20 को 30 बनाने की बात की जा रही है कि 30 यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाएगा. WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि गेमिंग जो है, यानी कि गेम खेलना जो है, ये एक डिसऑर्डर है, राइट, एक डिसऑर्डर है गेम खेलना, और पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज़ के अंदर गेमिंग को एज अ डिसऑर्डर, राइट. तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा. और इंटरनेशनल इसकी बात हो रही है क्लासिफिकेशन डिजीज़ की, तो देखो नाम से समझ में आ रहा है कि डिजीज़ को क्लासिफाई किया जाता है, एक लिस्ट बनती है जहाँ पर काफ़ी सारी वेरियस डिजीज़ को जो है वो रखा जाता है कि ये पर्टिकुलर डिजीज़ है. तो ये ग्लोबल हेल्थ इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड हम लोग को देखने को मिलती है मॉर्टेलिटी और मॉर्बिलिटी स्टैटिस्टिक्स की, कि कौन सी डिजीज़ के कारण कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है या फिर डेथ हो सकती है, तो उसको इसमें रखा जाता है. और ये पहली इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन एडिशन हम लोग को देखने को मिली थी इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ कॉज ऑफ डिजीज़ के नाम से ये जानी जाती थी, राइट. और इसको इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने 1893 में अडॉप्ट कर लिया था. इस पर वेरियस डिजीज़ के नाम होते हैं जो डिजीज़ के कारण जो है वो डेथ हो सकती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, वो सब यहाँ पर मौजूद होता है. और ये 43 लैंग्वेजेस में इसकी रिपोर्ट जो है वो ट्रांसलेट की जाती है, 43 लैंग्वेजेस में, और 100 से ज़्यादा कंट्री जो होती हैं वो इस सिस्टम का उपयोग करती हैं, इस रिपोर्ट का उपयोग करती हैं एक बेहतर डेटा को बनाने के लिए या फिर एक बेहतर पॉलिसी को बनाने के लिए, राइट. और 55,000 से ज़्यादा यूनिक कोड्स हैं इंजरीज़ के, डिजीज़ के और कॉज ऑफ डेथ के इस पर्टिकुलर ICD-11 के अंदर. ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है. अब नेक्स्ट हमारा पिलर आ जाता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, पेपर टू का, जनरल स्टडीज पेपर टू का. तो होम मिनिस्ट्री ने टर्मिनेट कर दी है ब्लैक लिस्ट को इंडियन ओरिजिन पीपल के लिए. अब देखो गाइस, होम मिनिस्ट्री एक प्रकार की ब्लैक लिस्ट इसने स्टार्टिंग में बनाई थी. इस ब्लैक लिस्ट के अंदर सिख कम्युनिटी के नाम मौजूद थे, कई सारे ऐसे लोग थे सिख कम्युनिटी के, उनके नाम यहाँ पर मौजूद थे जिन लोगों ने इंडिया, यानी कि जो लोग इंडिया में जिनके खिलाफ वारंट निकला था और जो लोग दूसरी कंट्री में निकल गए और वहाँ पर उन्होंने पनाह ले ली, राइट. तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि होम मिनिस्ट्री जो है वो ब्लैक लिस्ट से इंडियन ओरिजिन पीपल का नाम हटा देगी. इससे क्या होगा कि हमारे जो इंडियन ओरिजिन पीपल हैं
जिनका नाम ब्लैकलिस्ट में था, जिस लिस्ट के चलते उनको वीज़ाज वगैरह नहीं मिल पाता था, तो अब उनको वीज़ा जो है वो मिल जाएगा, राइट। इवन ये भी बोला गया है कि जो OCI जो है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, OCI कार्ड, ये भी इनको दिए जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और ब्लैकलिस्ट जो है ये इंडियन मिशन एंड पोस्ट अब्रॉड के द्वारा जो है वो मेंटेन किया जाता है। और ये बताया जा रहा है कि इस लिस्ट के अंदर उन लोग के नाम मौजूद होते हैं जिन लोग का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है इंडिया के अंदर और जो फरार हो जाते हैं दूसरी कंट्री में, और उन लोगों को वीज़ा जो है वो नहीं मिल पाता आसानी से अगर उन लोग का नाम इस लिस्ट में होता है। तो ये वाली चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इनिशियली वो सिख लोगों का नाम रखा गया था, बट उसके बाद फिर कई सारे फॉरेनर्स का भी नाम इसमें रखा जाता है। और होम मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट और फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिसर्स, तो इनको कहा है कि ये परमिशन दे दें फॉरेनर्स को कि वो प्रोटेक्टेड एरियाज और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में हमारी कंट्री में विजिट कर सकते हैं, राइट। और स्टेट गवर्नमेंट और FRROs जो हैं गाइज, ये अब ग्रांट दे सकते हैं, यानी कि जो नॉन टूरिज्म पर्पस के लिए जो टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया को विजिट करने के लिए, तो उनको भी परमिशन दी जा सकती है किसी प्रोटेक्टेड एरिया को विजिट करने के लिए। और प्रोटेक्टेड एरिया हमारे यहाँ कौन से गाइज, तो कुछ एरियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, जम्मू एंड कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के, और कुछ आइलैंड्स हो गए जैसे कि अंडमान आइलैंड। अंडमान आइलैंड में आप जानते हो गाइज की एक ट्राइब हम लोग को देखने को मिलती है अंडमान आइलैंड में। अभी रिसेंटली एक अमेरिकन जो था वो उस ट्राइब के पास गया था, यानी कि उस आइलैंड में गया था, वो ट्राइबल आइलैंड है। यहाँ पर ऐसी ट्राइब्स रहती हैं जो कि आदमखोर ट्राइब्स हैं, उन लोगों को मार वार देती हैं, राइट। तो वहाँ पर वो गया था और उसकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो क्या नाम था उस ट्राइब का, जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, देखते हैं कि किन किन को उसके बारे में पता है, राइट। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि ये इस प्रकार के प्रोटेक्टेड एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब स्टेट गवर्नमेंट और FRROs भी प्रोटेक्टेड एरियाज पर जो है वो यानी कि परमिशन दे देंगे प्रोटेक्टेड एरियाज पर जाने की फॉरेनर्स वगैरह को, और ब्लैक लिस्ट से जो है वो काफ़ी सारे लोगों का नाम हटा दिया। तो ये दो बड़ी न्यूज़ सामने आई थी इससे रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए। अब वेकेशन बेंचेस की बात हो रही है। अब देखो गाइस, जो कोर्ट होती है हमारी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो यहाँ पर साल में दो बार मेजर छुट्टी होती है। एक समर वेकेशन होता है और एक विंटर वेकेशन होता है। बड़ी छुट्टी होती है, महीने महीने की छुट्टी हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि छुट्टी पर जो कोर्ट जो है वो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कई कहते तो हैं वेकेशन है, बट हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि कुछ वेकेशन बेंच भी बनाई जाती हैं। अगर कोई बड़ा मुद्दा होता है तब उस मुद्दे को सॉर्ट आउट करने के लिए बेंच जो है वो फिर काम करती है, राइट। तो लिटिगेंट्स जो होते हैं, यानी कि जो कोर्ट में जो अपील करते हैं, आपने नाम सुना होगा PIL वगैरह, तो जो लोग PIL वगैरह इसमें कोर्ट वगैरह में जो है वो अपील करते हैं, PIL वगैरह जो है फाइल करते हैं, तो अगर कोई अर्जेंट मैटर होता है तो उस अर्जेंट मैटर पर केस की जो है वो सुनवाई होती है। यानी कोई अर्जेंट मैटर हो गया, जैसे कि जनरली हम लोग देखते हैं कि कोई रिट्स हो गया या हीबियस कॉर्पस जैसी रिट और प्रोहिबिशन क्यू वारंटो जैसी रिट वगैरह हो गई, तो ऐसे जो मैटर होते हैं जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होते हैं, अर्जेंट मैटर्स होते हैं, तो उनकी यहाँ पर सिर्फ सुनवाई होती है। तो ये वेकेशन बेंच होता है, थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की अगर हम लोग बात करें, ये क्या है गाइस, तो देखो असम के अंदर एक प्रोसेस चल रही थी जिसमें कि असम के अंदर जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो कि इलीगल तरीके से बांग्लादेश में एंटर हुए हैं जो 1971 के बाद, 24 मार्च 1971 के बाद, तो उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है और आइडेंटिफाई करके उनको वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करने की एक प्रोसेस चल रही है, राइट। तो ये NRC की प्रोसेस हम लोग जिसको जनरली बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं, वो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स जहाँ पर जो भी जैसे जो लोग हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है, बट देन टू NRC की लिस्ट में उनका नाम मौजूद रहता है, तो जो लोग क्लेम करते हैं कि वो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं हैं, राइट, तो वो यहाँ पर इस फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जाकर अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फॉरेन ट्राइब्यूनल जो भी बोलेगी, जो भी अपना ऑर्डर पास करेगी, उनका ऑर्डर जो होगा वो बाइंडिंग होगा। यानी कि उनने अगर बोल दिया कि कोई इंडिविजुअल जो है ये इलीगल है, राइट, ये इलीगल माइग्रेंट है, इसको वापस जो बांग्लादेश जो है वो डिपोर्ट किया जाए, तो उस इंडिविजुअल को वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। ये फॉरेनर ट्राइब्यूनल का फाइनल डिसीजन होगा, बाइंडिंग होगा। वो फॉरेनर ट्राइब्यूनल के बाद सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जो है वो अपील नहीं किया जा सकता, तो ये इसका डिसीजन बाइंडिंग होगा। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी NRC के लिए, तो इसीलिए टॉपिक NRC का सामने आया था। अब बात हो रही है डिजिटल लेजिस्लेचर के बारे में। तो आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश जो कि पहली स्टेट बनी थी जिसने जो लेजिस्लेचर जो होते हैं, जैसे कि जो स्टेट लेजिस्लेचर्स नहीं होते जहाँ पर MLAs वगैरह बैठते हैं स्टेट के अंदर, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है,
तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पूरी तरह से डिजिटलाइज किया था हिमाचल प्रदेश के अंदर, और हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट बन गई थी जिसने जिसके पास डिजिटल लेजिस्लेचर हम लोग को देखने को मिला था। अब दूसरी स्टेट आ गई है केरला। अब केरला की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है गाइस, इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये अपनी असेंबली को पूरी तरह से डिजिटलाइज कर देंगी। यहाँ पर जितने भी जो चीज़ें होती हैं, प्रोसीडिंग्स वगैरह जो होती हैं, वो पेपर पे नहीं होगी, वो पूरा डिजिटल होगा, और ई विधान प्रोजेक्ट के थ्रू ये किया जा रहा है। ई विधान प्रोजेक्ट, ये भी चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, और पेपरलेस असेंबली की जा रही है, इसको ई असेंबली के नाम से भी जाना जा रहा है, राइट। और इसमें पूरी चीज़ जो होगी वो इलेक्ट्रॉनिक होगी, और यहाँ पर मेघराज भी आप याद रखिएगा। मेघराज बेसिकली एक प्रकार की क्लाउड टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर जितना भी डेटा होता है वो पूरा क्लाउड में बेस्ड रहता है, सेफ रहता है, और उसको कहीं पर भी किसी भी समय पे एमएलए उसका उपयोग कर सकते हैं उस डेटा का, राइट, कहीं पर भी किसी भी समय पे। और पूरी चीज़ यहाँ पर डिजिटलाइज करने की बात की जा रही थी। ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा कि जितने भी इंफॉर्मेशन होंगी, लॉ मेकिंग प्रोसेस वगैरह होंगी, वो पूरी डिजिटल हो जाएगी। कहाँ पर? केरला में। और उससे पहले हुई थी हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट थी जिसने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजिटलाइज कर दिया था। देखो ये गाइस पेप्सिको इंडिया से रिलेटेड टॉपिक है। पेप्सिको इंडिया और हमारे इंडियन फार्मर्स जो हैं, उनके बीच में एक विवाद चला था आलू को लेकर, एक पोटैटो की एक वैरायटी को लेकर, राइट। और ये विवाद जो था वो आईसीसी तक पहुंच गया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक, तो उसके लिए विवाद वगैरह चल रहा था, तो उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो मैंने पहले आपको पिछले महीने की ट्यूटोरियल में जो है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। जिन लोगों ने अप्रैल 2019 का ट्यूटोरियल नहीं देखा, वो पहले का ट्यूटोरियल देख लीजिए, उसमें आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। कर्नाटका ने ऑर्डर दिया है कि ये स्कूल बैग्स के वेट को कैप करेंगी। अब देखो गाइस, बच्चों के बैग जो काफ़ी हैवी होते हैं, उसके कारण से बताया जा रहा है कि बच्चों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइट, काफ़ी सारी मेजर प्रॉब्लम्स, उनकी स्पाइन जो है वो डिफॉर्म हो रही है, स्पाइन में उनकी प्रॉब्लम्स आ रही है, स्पाइनल इशूज उनको हो रहे हैं, राइट, बिकॉज ऑफ हैवी वेट्स ऑफ स्कूल बैग्स जो बच्चे कैरी करके जाते हैं। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया है कि बच्चों के जो स्कूल बैग्स होंगे वो उनके वेट से 10% ज़्यादा नहीं होंगे, 10% से ज़्यादा नहीं होंगे। यानी अगर एक बच्चा है उसका वेट है 20 किलो का, राइट, 20 किलो ज़्यादा हो गया एक छोटे बच्चे का वेट, 10 किलो का एक बच्चे का वेट, 10-15 किलो का, ठीक है, तो वो बच्चा जो है उसका बैग जो होना चाहिए वो 1 किलो से ऊपर का नहीं होना चाहिए। और बाकायदा डिटेल मेंशन है कि फर्स्ट से लेकर सेकेंड क्लास का जो बच्चा होगा उसका बैग 2 किलो से ज़्यादा का नहीं होगा, 2 से 3 किलो तक का बैग जो है वो हो सकता है, 3 से 5 क्लास 3rd to 5th के बच्चों का, और क्लास 9th to 10th के बच्चों का बैग का वेट 4-5 किलो से ज़्यादा नहीं होगा, राइट। तो ये कुछ चीज़ बताई गई है, और ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के बच्चों को टीचर होमवर्क नहीं देंगी, राइट, तो ये वाली बात भी यहाँ पर बताई जा रही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बड़ा जनरल चीज़ें बस याद रखिएगा। और ये किया ही इसलिए गया है क्योंकि बच्चों के बैग के वेट के कारण, यानी कि सर्वेज और एक्सपर्ट्स वगैरह के द्वारा ये पाया गया है कि उनकी स्पाइन में डिफॉर्मिटी हो रही है और उनको वेरियस नर्वस डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं, राइट। और ये भी बोला गया है कि हर तीसरे सैटरडे, हर महीने का जो तीसरा सैटरडे होगा वो एज अ नो स्कूल डे, नो स्कूल बैग डे की तरह होगा, कि वहाँ पर बच्चे जो है वो बैग लेकर स्कूल में नहीं आएंगे। और इवन ये भी बोला गया कि बच्चों को जो है वो पानी की बॉटल भी नहीं रखनी है, और स्कूल्स में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जहाँ पर बच्चे जो है वो अपनी जहाँ पर बच्चों को पानी मिल सके, राइट, जिससे कि क्या होगा कि वाटर बॉटल का वेट भी रिड्यूस हो जाएगा बच्चों से। वाटर बॉटल जो बच्चे नेक में टांगते हैं तो उससे उनको नेक की डिफॉर्मिटी भी हो रही है। तो ये जो इश्यूज जो सामने आए थे तो उसके कारण ये एक्शन लिया है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने। अब बताया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन स्टेट नहीं है आर्टिकल 12 के तहत। तो देखो गाइस, आर्टिकल 12 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, और आर्टिकल 226 जो है उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में जो है वो खुद से पढ़ना है, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। हालांकि यूएनओ के बारे में काफ़ी बार काफ़ी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दोस्तों, अब बात हो रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखिए, इसमें हम लोग पहले बात करेंगे अक्षय पात्र फाउंडेशन के बारे में। तो देखो गाइस, इस्कॉन का ये फाउंडेशन है, अक्षय पात्र फाउंडेशन, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसाइंस, इनके हरे कृष्णा मूवमेंट चलते हैं अलग अलग जगह पर, इस्कॉन के टेम्पल्स हैं, राइट। तो यही अक्षय पात्र को फंड प्रोवाइड कराती है इस्कॉन, और ये अक्षय पात्र एक बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर मिड डे मील स्कीम जो है गवर्नमेंट की उसको भी सपोर्ट करती है। एंड गाइज, लिटरली 1.76 मिलियन से ज़्यादा बच्चे, आप कह सकते हो कि 17 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में खाना जो है वो सर्व किया जाता है अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिड डे मील प्रोग्राम चला रही है, राइट। और 12 राज्य जो हैं हमारे इंडिया के, और 14,702 स्कूल्स वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को
खाना सर्व किया जाता है अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा. और इनके इनके जो मंदिर है, अगर आप जाएंगे इस्कॉन टेम्पल्स में, तो वहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट में खाना जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. और मैंने भी एक बार खाया है. मैं आई थिंक अहमदाबाद के एक मंदिर में मैं गया था, अक्षय ये इसके इस्कॉन के टेम्पल में अहमदाबाद के, और एक बार दिल्ली में गया था, तो वहाँ पर बहुत ही टेस्टी खिचड़ी मैंने खाई थी, मज़ा आ गया था. राइट तो इसी प्रकार से फूड जो है वो ऑफर किए जाते हैं इस फाउंडेशन के द्वारा. बट अभी इशू क्या था गाइस, कि यहाँ पर एक कंप्लेन की गई थी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को, कि यहाँ पर जो कर्नाटका में जो स्कूल है जहाँ पर अक्षय पात्र फाउंडेशन के थ्रू बच्चों को जो खाना खिलाया जाता है, उस खाने में गार्लिक, यानी कि गार्लिक आप कह सकते हो लहसुन और ओनियन, प्याज और लहसुन उस खानों में नहीं है. ठीक है, तो ये बोला गया. अब देखिए, ये अक्षय पात्र फाउंडेशन जो है वो एक रिलीजियस फाउंडेशन, एक तरह का आप कह सकते हो इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, ये इस्कॉन का ही है. तो यहाँ पर खाने में प्याज और लहसुन जो है वो नहीं डाली जाती. इसके चलते कंप्लेन की गई थी कि प्याज और लहसुन नहीं होने के कारण वहाँ पर बच्चे जो है वो खाना नहीं खा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है. तो ये कंप्लेन की गई थी, बट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने क्लियर कर दिया है कि अक्षय पात्र फाउंडेशन जो है वो खानों में विदाउट ऑनियन और गार्लिक जो है, यानी कि बिना लहसुन और प्याज के वो खाना सर्व कर सकते हैं. राइट, तो ये वाली चीज़ हुई थी. इसके बाद भी, यानी कि कंप्लेन के बाद भी उनको अलाउ किया गया है, बिकॉज ये फाउंडेशन काफ़ी शानदार चीज़ कर रहा है. आप छोटी सी चीज़ के लिए, किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट्स के लिए हम लोग जो है वो इनको दोषी नहीं ठहरा सकते. राइट, और यही प्रॉब्लम थी कि बच्चे जो है वो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा रहे हैं, और इसीलिए ये टॉपिक सामने आया था. आप देखो, एक तो बात कर ली हमने अक्षय पात्र फाउंडेशन के बारे में, दूसरी बात करेंगे हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में. तो गाइस, इसको फाउंड किया था सर रॉबर्ट मैकैरिसन के द्वारा 1918 में. और इस पर फोकस होता है कि जितनी भी डाइटरी या फिर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होती है उसको ये आइडेंटिफाई करता है नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन, और मॉनिटर करता है डाइट और न्यूट्रिशन सिचुएशन को हमारी कंट्री में. साथ ही साथ ये इफेक्टिव मेथड्स बताता है कि कैसे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम को प्रिवेंट करना है या फिर कैसे मैनेज करना है न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को. साथ ही साथ वेरियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट या वेरियस ऑपरेशनल रिसर्च भी कंडक्ट किए जाते हैं इसके द्वारा. राइट, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा, और एडवाइस करती है ये गवर्नमेंट को और ऑर्गेनाइजेशन को न्यूट्रिशन से रिलेटेड इश्यूज के बारे में. और यहाँ पर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की जा रही है पुडुचेरी के. तो देखिए, अभी हमारी जो किरण बेदी जी जो हैं, ये यहाँ पर एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर हम लोग को देखने को मिल रही हैं पुडुचेरी की. तो अभी इशू क्या चला गया इस, तो ये वही इशू है जो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और केजरीवाल के बीच में चला था, दिल्ली चीफ मिनिस्टर के बीच में चला था. तो वैसे ही ये पुडुचेरी के अंदर भी है. तो यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने कह दिया है कि जो जो पुडुचेरी की गवर्नमेंट जो है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो भी वो डिसीजन लेगी वो डिसीजन उनका फाइनल होगा. वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती. राइट, या फिर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पोस्ट है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती. जो भी जो लेफ्टिनेंट जो पुडुचेरी की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा. राइट, और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा एलजी के द्वारा. राइट, पुडुचेरी के. तो यही एक इशू था छोटा सा, वाली चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा इसके बारे में. ये सेम चीज़ यहाँ पर हम लोग को दिल्ली में भी देखने को मिली थी इसी प्रकार की. और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात की जा रही है. इस टॉपिक को मैं पहले भी आपको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, एक तरह से रिपीटेड टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है. राइट, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, लक्ष्मीकांत में ही अवेलेबल है. अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग एग्जिट पोल के बारे में. देखो गाइस, एक होता है ओपिनियन पोल, एक होता है एग्जिट पोल. एग्जिट पोल क्या है, जब आप वोट देकर आते हो, राइट, वोट आपने दे दिया होता है, फिर आप निकलते हो, तो आपसे मीडिया जो है वो पूछती है आपने किसको वोट दिया. राइट, तो ये होता है एग्जिट पोल. और आप किसको वोट दोगे वो होता है ओपिनियन पोल, जो कि वोटिंग से पहले जो इस प्रकार के पोल कंडक्ट किए जाते हैं. राइट, और ऐसे ऑनलाइन वगैरह भी काफ़ी सारे पोल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जहाँ पर आप वोट देकर आते हो, फिर आप मेंशन कर देते हो आपने किसको वोट दिया. तो उससे क्या होता है कि मीडिया वगैरह क्या करती है, एक एग्जिट पोल के थ्रू बताने लगती है कि ये पार्टी जो है वो जीतने वाली. जैसे कि आप देखते होगे कि इलेक्शन कमीशन जब तक अपनी वोटिंग काउंट नहीं करती उससे पहले मीडिया के पास रिपोर्ट रेडी होती है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है ना. बट इस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा और काफ़ी सारे क्रिटिक्स के द्वारा, काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस के द्वारा, कि ये मिसयूज़ हो रहा है प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का. कैसे मिसयूज़ हो रहा है, क्योंकि देखो क्या होता है गाइस कि इलेक्शन एक ही टाइम पर पूरी कंट्री में नहीं होते, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट्स पर, अलग अलग डेट्स पे इलेक्शन होते हैं. अब इससे क्या होता है कि कहीं पर मीडिया जब बोलने लगती है कि पार्टी जीत रही है, तब क्या होता है कि लोग बाग का कई बार माइंड चेंज हो जाता है. जैसे कि एक इंडिविजुअल है वो किसी पार्टी को वोट देने जा रहा है, ठीक है,
अब एकदम वो मीडिया में देखता है कि ये पार्टी जीत रही है, तो क्या पता शायद हम लोग देखते ना कि लोग जिस डायरेक्शन में दौड़ते हैं उसी यानी जिस डायरेक्शन में चीज़ें जाती हैं उसी डायरेक्शन में फिर लोग जाने लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तरह से लोगों का माइंडसेट चेंज होने लगता है और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ है। तो इसी चीज़ को लेकर बात की जा रही है कि जो एग्जिट पोल वगैरह हैं और इस प्रकार के जो ओपिनियन पोल्स वगैरह जो होते हैं उसको बंद किया जाए, और इवन 2010 में रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे एग्जिट पोल के ऊपर पहले, और अब बोला जा रहा है कि इस प्रकार के ओपिनियन पोल्स वगैरह जो होते हैं और इस प्रकार की जो मीडिया जो पोल्स वगैरह निकालती है इलेक्शन की रिजल्ट आने से पहले, तो वो सब कुछ जो है वो बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए उसके ऊपर, जिससे क्या हो सकता है कि लोगों के माइंड को जो है वो चेंज किया जा सकता है इस प्रकार की चीज़ों से। तो ऐसा ना हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे यहाँ कंडक्ट हो, तो उसके लिए ये चीज़ लाने की बात की गई है। अब नेक्स्ट पिलर आता है इंटरनेशनल रिलेशन का गाइस। तो देखो यहाँ पर हमारे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो इन्होंने कहा है कि अब इमिग्रेशन जो होगा वो मेरिट बेस्ड के ऊपर होगा, राइट। कि एक तरह से ये कह रहे हैं कि जितने भी जो टैलेंटेड पर्सनस हैं उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि उनको जो है वो माइग्रेशन दिया जाएगा। अब देखो यूनाइटेड स्टेट्स के ग्रीन कार्ड के लिए लोग जो है वो मरे जाते हैं, और आप जानते हो कि किसी को अगर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ग्रीन कार्ड चाहिए तो उसके लिए उसको क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होती है कि उसकी फैमिली मेम्बर्स, यानी कि वहाँ पर अगर कोई उनके फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव है, या फिर वहाँ पर किसी अमेरिकन से उनकी शादी हो जाती है, तब उनको आसानी से पीआर मिल जाता है, परमानेंट रेसिडेंसी या ग्रीन कार्ड मिल जाता है, राइट। बट यहाँ पर हो जा रहा है कि अब ग्रीन कार्ड जो होगा वो मेरिट के ऊपर बेस्ड होगा। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स क्या चाह रहे हैं कि दुनिया भर में जितने भी टैलेंटेड पर्सन हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में आ जाए, तो जितने भी प्रोफेशनल्स होंगे तो उनको पहले जो है वो ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इससे कई सारे इंडियन प्रोफेशनल्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उनको ग्रीन कार्ड के लिए लंबे समय तक वेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। और यहाँ पर जो वेल एजुकेटेड पर्सन होंगे, जिनको प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बोलना आती हो, जिनके पास प्रॉपर जॉब हो, अच्छे स्किल्स हो, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, एक्स वाई जी, इस प्रकार के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, तो उनको भी यहाँ पर मौका मिलेगा, मतलब प्रायोरिटी उनको अब दी जाएगी। तो यूनाइटेड स्टेट्स एक तरह से टैलेंट जो है वो सीक कर रहा है, अब एक टैलेंट मैग्नेट जो है वो बन गया है कि जितने भी टैलेंट्स हैं वो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में आ जाए, तो उसकी ये पॉलिसी कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। और अभी एट प्रेजेंट 66% जो ग्रीन कार्ड्स जो दिए जाते हैं गाइस, वो उन लोगों को दिए जाते हैं जिन लोग के कोई रिलेशंस हैं, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले किसी पीआर के साथ, तब उनको आसानी से मिल जाता है। और मात्र 12% ही ऐसे ग्रीन कार्ड दिए जाते हैं उन लोगों को जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और स्किल के ऊपर बेस्ड दिए जाते हैं। अब बोला जा रहा है कि अब ज़्यादा लोगों को दिए जाएंगे, प्रायोरिटी उन लोग को दी जाएगी जिनके पास बेटर स्किल्स हैं, जो लोग प्रोफेशनल्स वगैरह हैं। तो इसके कुछ प्रोज भी हैं और इसके कुछ कॉन्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो स्पेसिफिकली आप चाहो तो उसके बारे में पढ़ सकते हो। और इसके अलावा बता रहे हैं गाइस कि ईरान ने 2015 की डील से विड्रॉ कर दिया है। ईरान ने कह दिया कि अब वो 2015 की डील से विड्रॉ कर देगा, एंड विद इन 60 डेज वो अपने यूरानियम के एनरिचमेंट को जो है वो इंक्रीज कर देगा, यानी कि यूरानियम को प्रोड्यूस करेगा वो। तो ये 2015 की डील क्या थी, तो उसको पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ, बट इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ मैं। तो देखो गाइस, 2015 के अंदर एक एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिला था P5 कंट्रीज और ईरान के बीच में। तो ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, जिस एग्रीमेंट के थ्रू ईरान को कहा गया था कि ईरान जो है वो अपने यूरानियम प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दे, बिकॉज यूरानियम से बनता है न्यूक्लियर वेपन, और ईरान के अंदर यूरानियम प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता था, काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यूरानियम को एनरिच करता था ईरान। तो अब इस डील के बाद बोला गया था कि आप ईरान को जो है वो ईरान के एनरिचमेंट को जो है वो कम कर दो, लिमिट में ले आओ, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके साथ जो है वो पूरी कंट्री जो है वो आपको सपोर्ट करेगी, आपको कुछ पैसे वगैरह भी, फंडिंग वगैरह भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, राइट, और आपके ऊपर कोई भी इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगेगा। बट अभी क्या हुआ है, अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वो लगा दिया है ईरान के ऊपर। सभी कंट्रीज़ को कह दिया है कि कोई भी कंट्रीज़ अगर ईरान के साथ किसी भी प्रकार की डील करती है इकोनॉमिक वाइज, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो जो भी कंट्री ईरान के साथ रिलेशनशिप डेवलप करेगी उस कंट्री का भी यूनाइटेड स्टेट्स दुश्मन बन जाएगा, और उस कंट्री के खिलाफ भी इकोनॉमिक सैंक्शन इम्पोज कर देगा। तो यही हुआ है। तो ईरान ने बोला कि 2015 के समय पे जब ईरान ने इस डील को साइन किया था और अपने यूरानियम प्रोडक्शन को जो है वो लो कर दिया था, कम कर दिया था, लिमिट में कर दिया था, तो उस समय भी उसके पास यही कंडीशन थी, उस समय भी उसको यही बोला गया था कि अगर तुम ये यूरानियम इस डील को साइन कर लेते हो 2015 की, यूरानियम को अपने रिड्यूस कर देते हो, तो तुम्हें सपोर्ट किया जाएगा, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया जाएगा। तो ईरान ने बोला कि मेरे साथ पहले भी यही हो रहा था, और जब मैंने यूरानियम को लिमिट में लाया उसके बाद भी आज की रेट में भी सेम चीज़ हो रही है, तो मैं उस डील को नहीं मानता, और इसलिए इसने 2015 की उस डील को जो है वो कैंसिल कर दिया, हटा दिया है, राइट। तो ये पूरा ओवरऑल इशू था जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, हालांकि काफ़ी डिटेल में इसके बारे में मैं बहुत बार आपसे एक्सप्लेन जो है वो कर चुका हूँ।
अब देखिए, इंडिया को, इंडिया री इलेक्ट हो गई है एज अ ऑब्जर्वर ऑफ आर्टिक काउंसिल, आर्टिक काउंसिल की ऑब्जर्वर इंडिया बन गई है, दोबारा से री इलेक्ट कर दिया गया है इंडिया को. इससे पहले इंडिया को आर्टिक काउंसिल का ऑब्जर्वर 2013 में बनाया गया था, और अभी रिसेंटली फिनलैंड के अंदर 11th आर्टिक काउंसिल मिनिस्टेरियल मीटिंग हुई थी, तो उस समय ये डिसीजन लिया गया कि इंडिया को री इलेक्ट किया गया, राइट. और काउंसिल ने अपॉइंट किया है इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन को एज अ न्यू ऑब्जर्वर. ये इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक नई ऑब्जर्वर की तरह हम लोग को देखने को मिलेगी. और गाइस, इंडिया की एक आर्टिक रिसर्च स्टेशन भी है जिसको बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, हिमाद्री, ये रिसर्च स्टेशन है इंडिया की. 2008 से हम लोग को नॉर्वे के सावलबार्ड में देखने को मिल रही है हिमाद्री, राइट. यहाँ पर रिसर्च वगैरह कंडक्ट की जाती है अबाउट बैलेंस ऑफ ग्लेशियर्स, स्टडीज़ कंडक्ट की जाती है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, राइट. और क्लाउड कैसे बनते हैं, प्रेसिपिटेशन कैसे होती है, उसको और डिटेल में जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, राइट. तो ये स्टेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ें कंडक्ट करता है, वेरियस जो पोलार एरियाज़ में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके उनके ऊपर भी रिसर्च यहाँ पर कंडक्ट की जाती है हिमाद्री में, राइट. तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा. और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ये इंस्टीट्यूट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट. इंडिया इंडिया का नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसी यही जो है वो पूरी हिमाद्री स्टेशन को जो है वो कोऑर्डिनेट करके रखता है. अब आर्टिक काउंसिल की बात करेंगे इस, तो आर्टिक एक लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कि प्रमोट करती है जितने भी आर्टिक कंट्रीज वगैरह हैं, राइट. आर्टिक रीजन में जो कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती थी उनके बीच में कॉपरेशन को डेवलप करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, तो इस पर ये काम करती हैं, राइट. इसके मेंबर्स कौन से हैं आर्टिक काउंसिल के, तो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया और स्वीडन. और इसके 6 परमानेंट पार्टिसिपेंट्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, एलियोट इंटरनेशनल एसोसिएशन, आर्टिक आथाबास्कन काउंसिल, ग्विच इन काउंसिल इंटरनेशनल, इनुइट सर्कमपोलर काउंसिल, रशियन एसोसिएशन ऑफ इंडिजीनियस पीपल ऑफ नॉर्थ और सामी काउंसिल, राइट. तो ये 6 हम लोग के काउंसिल या परमानेंट पार्टिसिपेंट इस काउंसिल के देखने को मिलते हैं. ऑब्जर्वर स्टेट की बात करें गाइस, तो ये पोजीशन सभी नॉन आर्टिक स्टेट्स के लिए अवेलेबल है ऑब्जर्वर स्टेट की. 2013 में एक बार इंडिया बनी थी, फिर से री इलेक्ट हो गई है एज अ ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ आर्टिक काउंसिल. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बन सकते हैं, जैसे कि अभी एक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, राइट. तो इस प्रकार के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑब्जर्वर स्टेट की तरह रखा जा सकता है. और एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं गाइस, इनको अपॉइंट किया गया है कॉमनवेल्थ ट्राइब्यूनल के मेंबर की तरह. कॉमनवेल्थ ट्राइब्यूनल क्या है गाइस, पहली चीज़ तो कॉमनवेल्थ क्या है इस चीज़ को समझिए. तो कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज, जिन कंट्रीज़ के ऊपर जो ब्रिटेन है उसने कॉलोनी बनाई है, यानी कि ब्रिटेन ने जिन कंट्रीज़ के ऊपर राज किया है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ बन जाती हैं, ठीक है. तो वो कॉमनवेल्थ जो गेम्स वगैरह होते हैं ना, वो इन्हीं कंट्रीज़ के मेंबर्स होते हैं जो जिन कंट्रीज़ के ऊपर ब्रिटेन ने राज किया था. तो ये सिंपल सी चीज़ें बस याद रखिएगा. तो देखो गाइस, जस्टिस जो रिटायर्ड जस्टिस हैं KS राधाकृष्णन जी, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनको अपॉइंट कर लिया गया है एज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो कि लंदन में एस्टैब्लिश्ड है. और 4 सालों का इसका टेन्योर होता है, यानी इसके मेंबर जो होते हैं 4 सालों तक सर्व करते हैं, और इंडिया के जज हैं ये भी इस ट्राइब्यूनल के मेंबर बन गए हैं, राइट. और 2023 तक इनका टेन्योर रहेगा. कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो ये डिस्प्यूट्स वगैरह जो होते हैं कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, इंटरनेशनल और इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, उस डिस्प्यूट्स को ये रिजॉल्व करते हैं. और ये लंदन में बेस्ड है ये ट्राइब्यूनल, और कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट्स के बीच में जो है वो ये मामले जो है वो उसको सेटल करने पर काम करती है. और गाइस, इसके टोटल 8 मेंबर्स होते हैं इस ट्राइब्यूनल के, एक प्रेसिडेंट होते हैं और 7 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं. और जो ट्राइब्यूनल के जो मेंबर्स होते हैं ये सेलेक्ट किए जाते हैं कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट के द्वारा. और सेम इसमें जो जो जजेस वगैरह जो होते हैं या फिर जो भी मेंबर्स जो होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी की बात करें, तो ये सेम जो जो किसी भी कंट्री के जो जज के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वही इसकी भी एलिजिबिलिटी वैसी सेम होती है, जैसे कि हमारी कंट्री में जज बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है ना वो सेम इसी की एलिजिबिलिटी है. और इसमें बस एक चीज़ याद रखना कि कोई भी एक इंडिविजुअल है जिसको एटलीस्ट 10 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पोस्ट के लिए, राइट. यानी कि जुडिशरी की उस पोस्ट के लिए 10 सालों का एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना ज़रूरी है. और 4 सालों के टेन्योर, 4 सालों का टर्म होता है, 4 सालों का टेन्योर होता है इनका. और ये एक बार एक टाइम के लिए, यानी कि दोबारा से री इलेक्ट हो सकते हैं एक ही बार सिर्फ. और ये बताया जा रहा है कि कॉमनवेल्थ जो है गाइस, ये 53 इंडिपेंडेंट नेशंस का ग्रुप है इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, और दूसरी कंट्री है जैसे कि मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, कनाडा, जमैका और सिप्रस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और भी काफ़ी सारी कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड हैं.
शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो सेकंड शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मास मीडिया फोरम अभी रिसेंटली किर्गिस्तान बिश्केक में हम लोग को देखने को मिली है। इसका एम यह है कि जितने भी मास मीडिया की फील्ड के जो भी लोग बिलोंग करते हैं, स्टेक होल्डर्स वगैरह, तो आपस में मिले और अपने और व्यूज़ वगैरह को एक्सचेंज करें और बेटर मीडिया पर फोकस करें, राइट, मीडिया को स्ट्रेंथन करने पर फोकस करें। और पहली ये SCO की मीडिया समिट हम लोग को बीजिंग में 1 जून 2018 को देखने को मिली है। और ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसको शंघाई पैक्ट भी बोला जाता है। ये यूरोशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फाउंडेशन हुआ था 2001 में शंघाई में। इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया उज्बेकिस्तान के ज्वाइन होने के बाद 2001 में, जब उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया था SCO को, तब से हम लोग इसको ऑफिशियली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसके मेन गोल ये है कि ये सभी कंट्रीज़ के बीच, यानी कि जो इसके मेंबर्स हैं उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट जो है उसको स्ट्रेंथन करे, राइट, आपस में प्रमोट करे एक बेटर कोऑपरेशन पॉलिटिक्स की फील्ड में, इकोनॉमी की फील्ड में, रिसर्च टेक्नोलॉजी, कल्चरल की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में एंड वेरियस एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एटसेट्रा, काफ़ी सारी फील्ड में आपस में मिलकर एक बेटर कोऑपरेशन जो है वो बिल्डअप करें, राइट। और आज की अभी रिसेंटली ही अगर हम लोग बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान ने इस SCO को ज्वाइन किया है, तो इसलिए भी ये टॉपिक जो है वो SCO का काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। IBSA की यहाँ पर बात हो रही है गाइस। IBSA एक यूनिक फोरम हम लोग को देखने को मिलता है। IBSA का फुल फॉर्म है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, राइट। तो ये तीन कंट्रीज हैं उनका एक यूनिक फोरम है और ये तीन लार्ज डेमोक्रेसीज हैं और ये मेजर इकोनॉमी है, मेजर कंट्रीज़ हैं जो कि तीन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हम लोग को देखने को मिलती है, बट ये सिमिलर चैलेंजेस फेस करती हैं, राइट, सिमिलर चैलेंजेस, अलग अलग तीन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में तो है बट ये इनके सिमिलर चैलेंजेस हैं। और इसको इस्टेब्लिश किया था 2003 में ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन के थ्रू और 2011 के बाद से ये जो ग्रुप है IBSA का, राइट, तो इसकी इंपॉर्टेंस कम होती आ रही है क्योंकि ब्रिक्स इस समय आया था, ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और आप देखो कि इसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील तीनों कंट्री ही हम लोग को देखने को मिले। तो जब से ये 2011 के बाद से ये ग्रुप आया, ब्रिक आया, तब से इस IBSA की इंपॉर्टेंस जो है वो घट गई, राइट, और इवन इनकी मीटिंग वगैरह भी नहीं हो पा रही थी। इसकी 6वीं मीटिंग जो है वो अभी तक होल्ड में है, तो इसलिए अभी फोकस किया जा रहा है कि IBSA जो है, जो इसके अभी रिसेंटली कोची में इसकी मुलाकात हुई थी, तो जिसमें टारगेट किया गया था कि ये दोबारा से IBSA को रेजुवेनेट करें, यानी कि दोबारा से इसको रिवाइव करें इस फोरम को और इस पर काम करना फिर से शुरू करें, क्योंकि ब्रिक्स के आने के बाद से इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर गोल्डन कार्ड की बात की जा रही है और UAE जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इन्होंने लॉन्च किया है गोल्डन कार्ड परमानेंट रेसिडेंसी स्कीम को। इसमें ये क्या कर रहे हैं कि जितने भी अमीर लोग हैं पूरी दुनिया भर के, दुनिया भर में जितने भी अमीर लोग हैं और जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनको ये रेसिडेंटशिप जो है वो प्रोवाइड करा रही है एक तरह से। तो इसमें गोल्डन कार्ड वीज़ा है बेसिकली एक तरह का, ये जिसमें कि जो भी टैलेंटेड लोग हैं या जो भी काफ़ी वेल्दियर पर्सन हैं जिनका बहुत ज़्यादा पैसा है, तो UAE क्या बोल रही है कि उनको वो 10 सालों का परमानेंट वीज़ा, रेजिडेंट वीज़ा जो है वो दे देगी कि कोई भी इंडिविजुअल 10 सालों के लिए यहाँ पर आकर रह सकता है अगर उसका खूब बेशुमार पैसा है और वो UAE में इन्वेस्ट करना चाहता है, राइट, और वो टैलेंटेड है, तो उनको जो है वो दिए जाएंगे। और उसमें स्पेसिफिकली बोला गया कि जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको 5 साल का डायरेक्ट वीज़ा दे देगी UAE, राइट, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हैं जैसे कि डॉक्टर, रिसर्चर्स, इनोवेटर्स वगैरह, तो उनको 10 सालों का डायरेक्ट वीज़ा मिल जाएगा। और जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी 5 साल का परमानेंट रेसिडेंसी वीज़ा जो है वो UAE में मिल जाएगा। और इसमें एक तरह से ये टैलेंट पूल करना चाह रही है UAE कि जितने भी टैलेंटेड पर्सन, सेम जैसे अभी USA ने जो सोच रही है कि जो टैलेंटेड पर्सन हैं उनको परमानेंट रेसिडेंटशिप दी जाएगी, मेरिट बेस्ड के ऊपर वो अपना ग्रीन कार्ड जो है वो ऑफर करेगी, तो वैसे ही UAE भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ जो है वो कर रही है, राइट। और इसका बेनिफिट जिसको भी ये वीज़ा मिल जाएगा उसका बेनिफिट उनकी वाइफ को और उनके बच्चों को भी मिलेगा। बिमस्टेक की बात हो रही है। बिमस्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है गाइस, ये कंट्री जो है वो हम लोग को बे ऑफ बंगाल की कंट्रीज देखने को मिलती है, जो बे ऑफ बंगाल में जनरली जो कंट्रीज अपनी बाउंड्री शेयर्स करती हैं। तो इस बिमस्टेक का फाउंडेशन हुआ था 1997 में। ये एक इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, 7 कंट्रीज जो हैं साउथ एशिया की और साउथ ईस्ट एशिया की, जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। अगर आप इन कंट्री को गौर से देखो तो आपको ये कंट्री जो है वो बे ऑफ बंगाल के पास ही दिखाई देगी और इसीलिए इसका नाम भी बे ऑफ बंगाल के नाम से पड़ा हुआ है। बिमस्टेक का फुल फॉर्म इसलिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन रखा गया कि ये सब कंट्रीज मिलकर जो है वो एक बेटर कोऑपरेशन जो है वो बिल्डअप कर सकें।
राइट। और श्रीलंका जो है वो करंट हेड है बिम्स्टेक की एट प्रेजेंट, और इसकी इसकी पहली बिम्स्टेक की समिट हुई थी थाईलैंड में 1997, फिर हुई इंडिया के अंदर, फिर हम लोग को देखने को मिली कि ये म्यांमार में हुई चौथी समिट, नेपाल में भी रिसेंटली 2018 में हुई थी, अब श्रीलंका में इसकी नेक्स्ट समिट होगी और श्रीलंका करंट हेड जो है वो बन गई है बिम्स्टेक की। अब नेक्स्ट पिलर आता है सोशल जस्टिस का, तो सोशल एंड लेबर कन्वर्जेंस प्रोग्राम की यहाँ पर बात हो रही है। तो गाइस देखो, क्लोथिंग इंडस्ट्री जो है, कपड़ों की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, तो उसके लिए बेटर फ्रेमवर्क बनाने के लिए ये प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम से क्या फ़ायदा होगा कि जितने भी टेक्सटाइल सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं उनको एक बेसिक जो, यानी कि उनको उनको बेटर फैसिलिटीज़ मिलेगी और उनको बेटर जो लेबर कंडीशंस है, सोशल कंडीशंस है, वो भी उनकी इंप्रूव होगी। तो इस पर बेसिकली फोकस है ये प्रोग्राम जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को इम्प्रूव करने के लिए और उनके एम्प्लॉयज़ की वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बात करें तो 72nd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अभी रिसेंटली जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई थी और यहाँ पर 3 रेजोल्यूशंस जो है वो एग्री किए गए ये इंश्योर करने के लिए कि दुनिया के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है उसको अचीव किया जाए। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक हेल्थ केयर को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट गोल हम लोग को देखने को मिलता है जो कि 2030 तक जिसको अचीव करना है। तो उसी को लेकर, उसी को बेटर बनाने के लिए, उन गोल्स को अचीव करने के लिए यहाँ पर ये रेजोल्यूशन जो है वो लिया गया। और 3 रेजोल्यूशन कौन से हैं, तो ये अस्ताना डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट करना एक है, और जो कम्युनिटी जो है गाइस उनके रोल को हाईलाइट करना हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, राइट, एक दूसरा है। तीसरा बताया जा रहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को पुश करना, राइट। तो इसमें आप अस्ताना डिक्लेरेशन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो क्या होती है उसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन वगैरह है पढ़िएगा थोड़ा उसके बारे में, हालांकि बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ। अब इसमें बात की जा रही है प्रीकंसेप्शन प्रीनेटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। तो देखो गाइस, जो बेबी जो मदर की वोम में है, मदर के अंदर जो बेबी है वो मेल है या फीमेल, तो अगर इसको अगर कोई मशीन के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है या कोई प्रोफेशनल कोई डॉक्टर इसको बता देता है जेंडर को कि जो 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 बेबी बॉर्न नहीं हुआ है या नहीं हुई है उसका जेंडर क्या है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और वो इस कानून के थ्रू की जाती है, प्री कंसेप्शन प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्ट के थ्रू की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपहेल्ड किया है के पर्टिकुलर प्रोविजन को, नॉन मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स बाय ऑब्स्ट्रीशियंस और गायनेकोलॉजिस्ट, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो वो मेडिकल रिकॉर्ड्स को जो मेंटेन नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके मेडिकल लाइसेंसेस जो है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है वो ये कर दिए जाएंगे, सस्पेंड कर दिए जाएंगे, ये बोला गया। क्योंकि ये जो है, ये जो किसी भी न्यू बॉर्न बेबी का जेंडर पहले से डिस्क्लोज कर देना ये जो है वो गुनाह है, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होता है गाइस, इससे हम लोग देखते हैं कि पहले के पीरियड पे प्रथा चलती आ रही थी कि जो फीमेल चाइल्ड जो है उसको, उनको मार दिया जाता था पहले ही, उनका अबॉर्शन करा दिया जाता था उनके बर्थ हो लेने से पहले ही। तो ऐसी चीज़ें ना हो, तो इसीलिए ये कानून जो है वो लाया गया था, राइट। प्री कंसेप्शन प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 में ये कानून लाया गया था फीमेल फीटिसाइड्स को स्टॉप करने के लिए, और जो जो गिरता हुआ जो सेक्स रेशियो हमारे इंडिया में देखने को मिल रहा था तो उसको इम्प्रूव करने के लिए और जेंडर इक्वालिटी के लिए बेसिकली ये बनाया गया था। और साथ ही साथ ऐसी जो इस प्रकार के जो ड्रैकोनियन क्राइम्स जो हो रहे थे हमारे इंडिया में, तो उसको रोकने के लिए ये बेसिकली कानून लाया गया था। जब यहाँ पर बात हो रही है कर्नाटक का एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स प्रमोटेड ऑन बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू द पोस्ट इन सिविल सर्विसेज ऑफ द स्टेट एक्ट 2018 के बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली थी, ये रिजर्वेशन के ऊपर बेस्ड न्यूज़ थी। तो इसमें देखो आप, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस का यहाँ पर जिक्र हुआ है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, नागराज केस जो अगेन रिजर्वेशन के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिला था, और 77th अमेंडमेंट और 85th अमेंडमेंट एक्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में मेंशन है। तो ये 4 चीज़ें हैं गाइज, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको थोड़ा पढ़ना है और ये आराम से लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा। और थोड़ा सा इसमें जो लिखा हुआ ये तो है ही है, बट आप लक्ष्मीकांत में इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए, क्योंकि रिजर्वेशन वगैरह से रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह जो होते हैं वो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे जनरल स्टडीज पेपर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला पिलर आता है इकोनॉमी का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज करी है विजन 2021 ई पेमेंट सिस्टम के लिए, राइट। और ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया विजन 1922-2021 का प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 2019 से 2021 तक का ये बेसिकली एक तरह का ऐसा विजन डॉक्यूमेंट है, ऐसा
ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मेंशनड है कि आने वाले समय में ई पेमेंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या चीजें करनी है। तो ये चीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज करी है फॉर सेफ सिक्योर क्विक एंड अफोर्डेबल ई पेमेंट सिस्टम्स के लिए, राइट। और इसमें बताया जा रहा है कि 2021 तक जो नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि होंगे इन फ्यूचर, तो वो चार गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे, 8,707 करोड़ रुपीस तक के डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हम लोग को इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे। तो आज जितने डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उससे 4 times ज्यादा इन फ्यूचर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होने वाले हैं। तो उसके लिए काफी कुछ चीजें ध्यान में रखी हुई, जैसे कि आज की रेट में सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं कि आजकल हैकर्स जो हैं वो इस प्रकार के चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं कि लोगों के डिजिटली उनके अकाउंट से या उनके इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस करते हो, उनके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है, राइट। तो उस चीज़ को सेव किया जा रहा है, उस चीज़ को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, बिकॉज आने वाले समय में सभी लोगों को जो है वो डिजिटलाइज पेमेंट करना है। और इसके लिए नंदन निलेकानी कमेटी भी एक बैठी हुई है, उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। और देखो गाइस, कोर थीम जो है इस विजन डॉक्यूमेंट की वो है एम्पावरिंग एक्सेप्शनल पेमेंट एक्सपीरियंस। तो ये थीम यहां पर बताई जा रही है, और यहां पर 4 C's पर जो है वो ध्यान देने की बात की जा रही है, और गोल भी यही है, हाईली डिजिटल और कैशलेस या कैश लाइट सोसाइटी बनाने का जो मेन मकसद है वो 4 C's के गोल से जो है वो कंप्लीट होगा। एक है कंपटीशन, दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तीसरा कन्वीनियंस, और चौथा कॉन्फिडेंस, यानी कि ट्रस्ट वगैरह बिल्डअप करना लोगों के बीच में कि वो लोग बाग जो है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकें। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें पाया है कि 35% हमारी कंट्री का ग्रेफाइट डिपॉजिट है ये अरुणाचल प्रदेश में, 35% ग्रेफाइट डिपॉजिट, और एक ही जगह पर इतना ह्यूज अमाउंट में रिजर्व ग्रेफाइट का आज से पहले कहीं पर भी डिस्कवर नहीं हुआ है, और पहली बार ये हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है। और इंडिया का सबसे बड़ा आप कह सकते हो जो ग्रेफाइट का रिजर्व है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश जो है गाइज ये जो है लीडिंग प्रोड्यूसर बनने वाली है ग्रेफाइट की, क्योंकि बहुत बड़ा रिजर्व इसका यहाँ पर पाया गया है। और चाइना भी ग्रेफाइट से रिलेटेड जो माइनिंग एक्टिविटीज होती है वो भी तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन पे कर रहा है, और इवन चाइना की नज़र हमारे अरुणाचल प्रदेश पर भी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है 1126 किलोमीटर की, यानी कि 1126 किलोमीटर की, और जो टोटल ऑल ओवर चाइना और इंडिया की जो बाउंड्री है वो है 3488 किलोमीटर की, राइट। और उसका आप कह सकते हो कि आधे से थोड़ा सा कम हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि सिर्फ इकलौती अरुणाचल प्रदेश स्टेट है उसके साथ ये शेयर कर रही है। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की थोड़ी सी बात करें तो गाइज ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1851 में। इसका मकसद होता है कि हमारे यहाँ, यानी कि जब इसको स्टार्टिंग में इनिशियली जब इस्टेब्लिश किया था तो इसका मकसद था कि जो कोल्स हैं, कोयला जो है उसको लोकेट करना फॉर रेलवेज पर्पज के लिए, राइट। पहले के इनिशियल पर्पज़ के लिए उसको इसीलिए लाया गया था, बट आज की डेट में हमारे यहाँ पे जितने भी मिनरल होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराता है, और इसकी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मानी जाती है, राइट। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर हम लोग को कोलकाता में देखने को मिलता है। इसके 6 regional offices हैं, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग, कोलकाता में, और इसके स्टेट यूनिट offices भी ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में हैं हमारी कंट्री की। ग्रेफाइट की बात करें तो नेचुरली अकरिंग ये फॉर्म है, एक प्रकार का क्रिस्टलीन कार्बन का फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है, और ये मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक में पाया जाता है, और एक्सट्रीमली सॉफ्ट होता है ये, और इकलौता ऐसा नॉन मेटल एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, राइट। अब बात हो रही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो रिसेंटली इसने अपनी सेकेंड ग्लोबल रिपोर्ट रिलीज करी है। इस रिपोर्ट का टाइटल है वुमेन इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट, द बिजनेस केस फॉर चेंज। इसमें पाया गया है कि जो जेंडर डाइवर्सिटी जो है गाइज उसके बेनिफिट की यहाँ पर बात हो रही है। इसमें बोला गया है कि 30% और महिलाओं को जो है वो वर्कफोर्स में एंटर करना पड़ेगा, एंटरप्राइज में एंटर करना पड़ेगा, तब जाकर जेंडर डाइवर्सिटी का बेनिफिट हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। तो ये बेसिकली ये रिपोर्ट बनाती है जिसमें बताती है कि वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है वर्कफोर्स में, क्या वर्कफोर्स में जेंडर इक्वालिटी है कि नहीं है, राइट। तो उस चीज़ पर हम लोग को ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, और मैन जो है गाइज ये ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं लेबर मार्केट में एज़ कम्पेयर टू वुमेन, इस रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आई है। और ये बोला गया है कि जो एवरेज ग्लोबल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वुमेन का 2018 में वो 48.5% रहा है और मैन का 75% था। तो कहीं ना कहीं वुमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स वर्कफोर्स में काफ़ी कम हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये वाली बात तो हालांकि हम लोग को पता ही है, बट देन टू इस रिपोर्ट के थ्रू ये सब चीजें पता लगती हैं। फिलहाल तो ये रिपोर्ट भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं।
अब इंडिया की जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है नाबार्ड, तो गाइज इन्होंने अनाउंस किया है कि 700 करोड़ रुपीज जो है ये फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे, यानी इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट की फंडिंग जो है ये प्रोवाइड करा रहे हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए एग्रीकल्चर और रूरल स्टार्टअप्स में। तो ये क्या कर रहे हैं गाइस कि रूरल स्टार्टअप्स यानी कि ऐसे स्टार्टअप्स जो कि रूरल एरिया को डेवलप करने पर काम कर रहे हैं या फिर रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए उनके प्रमोशन के लिए जो ऐसे स्टार्टअप्स हैं, तो ऐसे स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करके नाबार्ड अब उनको फंडिंग प्रोवाइड कराएगी। तो एग्रीकल्चरल और रूरल एरिया डेवलपमेंट के लिए जो भी स्टार्टअप्स काम करते हैं उनको नाबार्ड फंड प्रोवाइड कराएगी, असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी, और उसके लिए ये 700 करोड़ रुपए इसने अनाउंस किए हैं इस एक्टिविटी के लिए, जिसमें से कि 500 करोड़ रुपीज़ जो है गाइस ये बताया जा रहा है कि हम लोग को देखने को मिलेगा कि इनिशियल प्रपोजल रखा है 500 करोड़ रुपीज़ का, फिर ओवर द टाइम ये 200 करोड़ रुपीज़ उसमें और ऐड कर देंगे। तो ऑल ओवर टोटल 700 करोड़ रुपीज़ का ये इन्वेस्टमेंट एक तरह से आप कह सकते हो ये नाबार्ड की तरफ से हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नाबार्ड अपने खुद के फंड से जो है वो इतना ह्यूज अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, फंडिंग प्रोवाइड करा रही है। और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है नब वेंचर्स के द्वारा, जो कि ऑक्सिलरी यूनिट है नबार्ड की, राइट, नब वेंचर्स। तो ये वाली चीज़ भी आप थोड़ी सी इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। टारगेट किया जा रहा है, इसके बेनिफिट्स होंगे रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के ऊपर बेनिफिट है, जो रूरल एरियाज़ में जो युवा रहते हैं यूथ रहते हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल जाएगी, तो रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ जो माइग्रेशन हम लोग को देखने को मिलता है वो भी कम होगा, जैसे कि जो लोग हैं जो गाँव क्षेत्रों यानी कि अपने जो जहाँ पर जिस भी जगह पर जो लोग रहते हैं जिस गांव में रहते हैं वो गांव को छोड़कर शहर में जाते हैं तो ये माइग्रेशन होता है, राइट, और या फिर दूसरी अलग अलग दूसरी जगह जाते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स, तो अब वो सब चीज़ें कम हो जाएगी क्योंकि स्टार्टअप्स होंगे वो रूरल एरियाज़ में आएंगे, और उससे क्या होगा कि रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट का फ़ायदा होगा, लोगों को रूरल एरिया को छोड़कर अर्बन एरियाज़ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इवन उल्टा हो सकता है, राइट, लोग अर्बन एरिया से यहाँ पर आ जाएंगे इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड ऑल। अब नाबार्ड की बात करें गाइस तो एपेक्स डेवलपमेंट और स्पेशलाइज्ड बैंक ये हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 को पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू। तो आप कह सकते हैं कि नाबार्ड को एस्टैब्लिश किया गया है कानून के थ्रू, तो नाबार्ड एक स्टैचुटरी बॉडी है, राइट, पार्लियामेंट के कानून के थ्रू, क्योंकि इसको एस्टैब्लिश किया गया है। इसका मेजर फोकस होता है कि रूरल इंडिया को अपलिफ्ट करना क्रेडिट फ्लो से, यानी कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह प्रोवाइड करा के, फंडिंग प्रोवाइड करा के, क्योंकि ये नाबार्ड जो है वो रूरल एरियाज़ के लिए बैंकिंग हम लोग को एक प्रकार की देखने को मिलती है नाबार्ड की। अब देखो इस्टैब्लिश जो है गाइज़ ये की गई थी एक कमेटी के द्वारा, और इस कमेटी को सेटअप किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, श्री बी शिव रमन जो है गाइज़ वो इस कमेटी के हेड थे, तो आप कह सकते हैं कि शिव रमन कमेटी के द्वारा नाबार्ड को जो है वो इस्टैब्लिश किया गया था, क्योंकि शिव रमन कमेटी का ही ये रिकमेंडेशन था नाबार्ड को इस्टैब्लिश करने का। इसने रिप्लेस किया है एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट को, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल को जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और एग्रीकल्चरल रीफाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की देखने को मिलती है, ठीक है, तो उसको रिप्लेस करके ये नाबार्ड जो है वो बनाई गई है। अब इकोनॉमिक सेंसस 2019 की बात हो रही है, तो सातवां इकोनॉमिक सेंसस 2019 का मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा कंडक्ट किया गया है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेरियस ऑपरेशनल और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स हैं, आप बोल सकते हो कि वेरियस जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में जो इस्टैब्लिश हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये पूरी कंप्लीट हर एक सेक्टर की रिपोर्ट जो है वो इकोनॉमिक सेंसस में प्रोवाइड कराती है, राइट, तो ये वाली चीज़ आपको थोड़ी सी इसके बारे में ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखिए इकोनॉमिक सेंसस की स्पेसिफिकली बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 1976 से, एक प्रकार की प्लान स्कीम है ये। क्या होता है गाइस कि हमारी कंट्री में जितनी भी चीज़ें हैं माइक्रो लेवल पर मैक्रो लेवल पर ऑल ओवर पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हर एक चीज़, तो उसकी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कि कौन से पर्सन को मतलब किस एरिया पर कितने लोगों को कहाँ पर कितनी एम्प्लॉयमेंट मिली है, तो उससे रिलेटेड बिल्कुल माइन्यूट टू माइन्यूट डिटेल, यानी कि मैक्रो से लेकर माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू की डिटेल भी इसकी रिपोर्ट में हम लोग को मिलती है, राइट, और कि ओनरशिप टाइप क्या है, कौन से सेक्टर हैं, किस सेक्टर में कितना पैसा लगा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हो रहा है या किस प्रकार से ग्रोथ हो रही है, तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर इस सेंसस में मिलता है हमारी कंट्री के बारे में हमें। और टोटल 6 इकोनॉमिक सेंसस जो है वो अभी तक टिल डेट तक कंडक्ट किए जा चुके हैं। पहला हुआ था 1977 में, राइट, और 1976 में ये एस्टैब्लिश हुई थी, उसके नेक्स्ट ईयर ही करवाया गया था। अब गाइस बात करें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो देखो इसकी 10th एनुअल डे इसका भी रिसेंटली 20th मई 2019 को कंडक्ट हुआ है, बट मेन चीज़ आपके लिए जानने वाली है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होती है। ये एक स्टैचुटरी बॉडी है, इसका काम क्या होता है गाइस कि मार्केट जो है वो फ्री और फेयर तरीके से चले, वहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल कोई अपनी मोनोपोली ना सेटअप करे, किसी प्रकार की माल प्रैक्टिस जो है वो मार्केट में ना हो,
एग्जाम्पल को लेकर समझाऊँ तो, जैसे सपोज करो कि कोई एक इंडिविजुअल है, उसने अपनी फैक्ट्री खोली मोबाइल की, ठीक है, मोबाइल मैन्युफैक्चर करने की, और उसके बाद फिर उसने अपना होलसेल बिजनेस जो है वो सेटअप कर दिया. अब देखो, कोई भी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के पास राइट है बिजनेस करने का. तो आप भी चाहो कोई भी एक इंडिविजुअल उठकर जो है वो अपनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन कर सकता है, कोई भी किसी प्रकार के बिजनेस में, यानी कि जो लीगल बिजनेस है उसमें आ सकता है. बट यहाँ पर क्या होता है, कई सारे ऐसे जो माफियाज होते हैं जो लोग क्या करते हैं कि जो दूसरों को उस बिजनेस में आने नहीं देते. अगर कोई इंडिविजुअल, जैसे दूसरा दूसरे भी एक इंडिविजुअल ने जो है वो मान लेते हैं कि एक और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो एस्टैब्लिश करी, तो वो जिसकी मोनोपोली चल रही है वो क्या करेगा, दूसरे के पास जाएगा, गुंडे भेजेगा और उसको शट डाउन करवा देगा. राइट, ऐसा भी होता है मार्केट में, लोग अपनी मोनोपोली सेटअप करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, आप जानते ही हैं. तो ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया फिर वहाँ पर आ जाती है, ये फोकस करती है कि इस प्रकार की मैल प्रैक्टिसेस ना हो मार्केट के अंदर, जो कंपटीशन है वो फेयर तरीके से चले, सभी के पास राइट है कि वो फ्री तरीके से अपने ट्रेड कर सकते हैं, उनके पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड है. राइट, ये इंश्योर करती है फ्रीडम ऑफ ट्रेड को, इवन कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि कंज्यूमर के पास चॉइसेस होनी चाहिए. ऐसा तो नहीं कि कंज्यूमर के पास सिर्फ एक ही चॉइस है. आप कोई भी प्रोडक्ट, आप मान लो जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, क्या आपके फ्रेंड के पास दूसरा मोबाइल हो सकता है, आपके पास दूसरा मोबाइल हो सकता है. देर आर वेरियस कंपनीज इन आर मार्केट जहाँ से हम लोग यानी किसी भी कंपनी का जो भी हम लोग को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मोबाइल खरीद सकते हैं. राइट, तो ये मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि जो मार्केट है वो फ्री है और सभी के लिए ओपन है, और ये फ्रीडम इंश्योर करता है कि जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है ये इंश्योर करता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है वो सही तरीके से चले. राइट, इससे कंज्यूमर का भी नुकसान ना हो और जो ट्रेडर है उसका भी नुकसान ना हो. समझ रहे हो बात को, तो इसका ये काम होता है. अब देखिए, NPPA के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. NPPA का फुल फॉर्म है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी. तो NPPA ने नॉ शेड्यूल कैंसर ड्रग के प्राइस जो है उसमें कैप लगा दिया है. इनके ट्रेड मार्जिन को 30% तक जो है वो फिक्स कर दिया, और लिटरली 87% तक का कैप लगा है. देखो गाइस, मार्केट में क्या होता है कि कई सारी ऐसी मेडिसिंस होती हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो 5 रुपये की होती है, बट मार्केट में 100-150 रुपये की बिकती है. लिटरली इतना मार्जिन होता है, मतलब 100-150 रुपये, समझ रहे हो, 5 रुपये की चीज 50 रुपये तो छोड़ो, 100-100 रुपये की बिकती है, ऐसा होता है. तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन हैं, और इन्हीं सब चीज़ों पर काम करती है NPPA, कि ऐसी मेडिसिन को आइडेंटिफाई करती हैं और उन पर कैप लगाती हैं, जिससे क्या होता है कि कंज्यूमर उस मेडिसिन को परचेज कर पाए, और साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरर है उसका भी फायदा हो जाए. आप 30% ट्रेड मार्जिन बहुत होता है. राइट, ये तो ट्रेड मार्जिन है ट्रेडर का, रिटेलर का बेसिकली आप बोल सकते हो, बट होलसेलर का, फिर मैन्युफैक्चरर का, उसका भी तो प्रॉफिट एक अलग होता है. तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक दवाई में 50% का प्रॉफिट तो गिरी हालत में मिलता ही मिलता है. इसलिए तो मार्केट में अगर आप जाते हो मेडिसिन की शॉप में, तो आपने देखा हो कई सारे ऐसे मेडिकल स्टोर वाले होते हैं जो लिटरली कहकर 20% का डिस्काउंट देते हैं MRP पे. लिटरली मेरे साथ होता है कि मैं तो रेगुलर दवाई खाता हूँ, मजबूरी है मेरी. तो मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि ऐसे जो मतलब जो रेगुलर अगर आपका कोई मेडिकल वाला होगा जहाँ पर आप जाकर रेगुलर परचेस करते हो, तो वो आपको आसानी से बिना कुछ कहे आपको 20% का डिस्काउंट तुरंत देगा. अब कोई इंडिविजुअल 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो खुद भी तो कमा रहा है. तो गिरी से गिरी हालत में हर मेडिसिन में 30% से लेकर 50% तक का मार्जिन होता ही होता है. बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि NPPA सामने आई और उसने नॉन शेड्यूल कैंसर ड्रग के प्राइस को जो है वो गिरा दिया, उसके मार्जिन को कम कर दिया, जिससे कि कंज्यूमर जो है उनको आसानी हो जाए ये सब मेडिसिन परचेज करने की. और लिटरली ये हमारी कंट्री में सब जगह हो जाए, मतलब यानी कि स्ट्रिक्टली हर एक मेडिसिन के लिए होना चाहिए ये, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन होती है जिसमें ट्रेड मार्जिन इतना ज़्यादा होता है, जिसलिए तो मेडिकल वाले आप देखते होंगे, मेडिकल वाले जो और भी जो जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह होती करोड़पति हो जाते हैं बिल्कुल कुछ ही सालों में. उसका रीज़न ही है कि मार्जिन बहुत रहता है इन सब में. अब देखो, NPPA जो है वो इसने करेंटली जो है वो फिक्स किए हुए हैं ड्रग्स के प्राइसेस नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो है, जो कि शेड्यूल 1 के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है. ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO के अंडर जो आती है इसके शेड्यूल 1 के अंडर, तो इसमें अराउंड 1000 ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी प्राइस कैपिंग जो है वो इसी मोड के थ्रू की गई है, 1000 मेडिसिन की. बट ऑलमोस्ट सभी मेडिसिन की होनी चाहिए प्राइस कैपिंग, बट ऐसा नहीं होता, बट मे बी शायद इन फ्यूचर हो जाएगी इस प्रकार की चीज़ें. अब देखिए, ड्रग प्राइजेस कंट्रोल ऑर्डर 1995 की बात करें गाइस, तो ये ऑर्डर इशू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 उसके सेक्शन 3 जो है उसके अंडर ये हम लोग को देखने को मिलता है DPCO. ये बेसिकली ड्रग प्राइजेस को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था ये ऑर्डर, ये बेसिकली
इशू किया गया था ये ऑर्डर ड्रग प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, और कंट्रोल करने का काम होता है एनपीपीए का. एनपीपीए जो है ये अथॉरिटी जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये एक्सपर्ट्स की, इसको एस्टैब्लिश किया था 1997 में. तो इसका काम होता है कि ये ड्रग्स वगैरह को चेक करती है, मॉनिटर करती है, उसकी प्राइसेस क्या होनी चाहिए उस हिसाब से फिर ये फिक्स करती है. अब वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, तो इन्होंने ऑर्गेनाइज करी है मीटिंग रीजनल हेड ऑफ कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन की. और ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके एशिया पैसिफिक रीजन है, उसके जो कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के रीजनल हेड्स हैं, तो उनकी ये मीटिंग हुई थी कोची केरला में, राइट. और इंडिया करेंटली जो है वो वाइस चेयरमैनशिप की है, शिप पर है एशिया पैसिफिक रीजन की, तो इसलिए यहाँ पर मीटिंग हम लोग को देखने को मिली थी. तो यहाँ पर ये मीटिंग में क्या क्या हुआ था गाइज, और क्या होता है बेसिकली जनरली ऐसी मीटिंग्स के अंदर, तो देखो इस पर बात की जाती है इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स के ऊपर. यहाँ पर फोकस किया जाता है कि कैसे ड्यूटीज़ वगैरह कम की जाए और कैसे आपस में कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को जो है वो बेटर किया जा सके, राइट. एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को अच्छा किया जा सके और फ्री फ्लो ऑफ गुड्स जो है वो मिल सके, और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में और कम बैरियर्स में. तो इस पर ये टारगेट होता है. अब WCO की बात करें, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की, 1952 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था. एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका मिशन यही है कि कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव और एफिशिएंट रहे, इस पर ये काम करती है. और WCO एक लौती ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सभी प्रकार के कस्टम मैटर्स और राइट्स के ऊपर जो है वो काम करती है, राइट. और खुद ब खुद अपना डिसीजन जो है वो या फिर अपनी वॉइस जो है ये इंटरनेशनल कस्टम कम्युनिटी में रिप्रेजेंट करती है. और WCO जो है गाइस उसके मेंबर अलग अलग रीजन वाइज जो है वो डिवाइडेड है, 6 रीजन्स में ये डिवाइडेड है. और एशिया पैसिफिक रीजन की अभी इसकी रिसेंटली मीटिंग कंडक्ट हुई थी कोची केरला में. और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट्स ऑन कस्टम वैल्यूएशन है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है. अब करेंसी मॉनिटरिंग वॉच लिस्ट ऑफ USA की बात की जा रही है, तो गाइस यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को रिमूव कर दिया है इसकी करेंसी मॉनिटरिंग वॉच लिस्ट से. और ये सेमी एनुअल फॉरेन एक्सचेंज की रिपोर्ट में जो है वो ये चीज़ आई है कि अब इंडिया जो है वो इसकी करेंसी मॉनिटरिंग वॉच लिस्ट में शामिल नहीं है. और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो कि शामिल थी इनकी वॉच लिस्ट में, जैसे कि इंडिया पहले थी, फिर चाइना, जापान, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, साउथ कोरिया हम लोग को पिछले साल जो है वो देखने को मिली थी कि यहाँ पर थी. और बट इसके अलावा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इन पिछले साल वाली कंट्री में से इंडिया और स्विट्जरलैंड जो है वो अब इसका नाम इसकी लेटेस्ट लिस्ट में मेंशन नहीं है. बाकी आयरलैंड, इटली, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम जैसी कंट्रीज़ का नाम और साथ ही साथ चाइना का नाम इसकी लिस्ट में मेंशन. और चाइना का तो होगा ही होगा क्योंकि USA चाइना वॉर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ट्रेड वॉर, राइट, जनरली जिसको हम लोग बोलते हैं. तो देखो गाइस एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 जो है इसको ड्राफ्ट किया गया था, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जो है वो ड्राफ्ट किया था. अब देखो अभी के लिए इफ़ यू वांट यू कैन रीड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बट इसका जो बेटर जो एक्सपोर्ट पॉलिसी से रिलेटेड आर्टिकल है वो आपको मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ाऊंगा क्योंकि उस समय और भी सारी चीज़ें इसमें ऐड हुई थी. बट अभी के लिए इफ़ यू वांट कि एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में आप कर सकते हो, क्योंकि देखो आज की डेट में इंडिया टारगेट कर ही रही है कि इंडिया को एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है उसको 2021 तक अपना डबल करना है. साथ ही साथ वेरियस रूल्स रेगुलेशंस जो है उसमें इसमें ऐड किया गया है कि कैसे एक्सपोर्ट्स को और बेटर किया जाए, राइट. इसमें नॉन टेरिफ रेगुलेशंस वगैरह भी अलग अलग कंट्रीज़ के लिए और अलग अलग कंट्रीज़ की एजेंसीज वगैरह के लिए इम्पोज वगैरह किए गए थे, राइट. तो बेटर एक्सपोर्ट्स के लिए नई पॉलिसी जो है वो लेकर आई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. बाकी मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इससे रिलेटेड और डिटेल में समझाऊंगा. अब देखिए चीफ रिस्क ऑफिसर की यहाँ पर बात हो रही है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी नहीं, बेसिकली आप कह सकते हो कि जिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का एसेट वैल्यू 5,000 करोड़ से ज़्यादा की है तो उनको कहा गया है कि ये चीफ रिस्क ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करें. तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है, आदेश दिए हैं कि जो भी NBFC हैं जितनी भी जिनके एसेट 5,000 करोड़ से ज़्यादा के हैं उनके पास एक चीफ रिस्क ऑफिसर भी होना चाहिए. चीफ रिस्क ऑफिसर का काम यही होगा कि वो आइडेंटिफाई करे, मेजर करे और रिस्क को कम करे, रिड्यूस करे, मिटिगेट करे. और ये इसका रोल एज अ एडवाइजर की तरह हम लोग को देखने को मिलेगा, जिससे कि क्या होगा कि NBFC जो है वो उनका दिवालिया ना निकले, क्योंकि ऑलरेडी बैंक्स वगैरह की बहुत सारा ज़्यादा हालत जो है वो NPA को लेकर काफ़ी ख़राब हो गई है. अब NEFT एंड REFT की यहाँ पर बात हो रही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रपोजल रखा है कि ये NEFT जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आप जब भी इंटरनेट बैंकिंग करते होंगे तो आपने इस NEFT को जरूर देखा होगा 100% NEFT, IMPS, REFT, तो ये टर्म्स आपने डेफिनेटली देखे होंगे, राइट, कभी ना कभी. तो ये बोला गया है कि पहले क्या हुआ करता था गाइस कि NEFT जो है वो बैंकिंग आवर्स के समय पे ही खुली रहती थी, बट अब बोला जा रहा है कि इसको 24/7 किया जाएगा, सेम वैसे ही जैसे IMPS होती है. IMPS में आप कभी भी 24/7 आप पेमेंट कर सकते हो, राइट. तो वैसे ही उसी प्रकार की फैसिलिटी NEFT के लिए प्रोवाइड करने की यहाँ पर बात की जा रही है, 24/7 फैसिलिटी
प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। पहले के समय में सिर्फ बैंकिंग आवर्स पर ही ये फैसिलिटी होती थी, बट अब 24/7 की प्रपोजल रखा है आरबीआई ने। एनईएफटी बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है और इसको आरबीआई के द्वारा मेंटेन किया जाता है। इसको स्टार्ट किया गया था नवंबर 2005 में, और जो भी फंड ट्रांसफर होते हैं एनईएफटी सिस्टम के थ्रू, ये रियल टाइम बेसिस पर नहीं होते। जैसे कि आईएमपीएस रियल टाइम बेसिस पर ट्रांसफर करती है फंड, बट ये रियल टाइम बेसिस पर नहीं करते। आरटीजीएस की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो देखो आरटीजीएस स्पेशलिस्ट फंड ट्रांसफर सिस्टम, इसका नाम आपने सुना होगा जब आप वो करते होंगे बैंकिंग ट्रांजेक्शन वगैरह। तो रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस के ऊपर ये पैसा जो है वो एक बैंक से दूसरे बैंक पर ट्रांसफर करती है, मनी एंड एज वेल एज सिक्योरिटी ऑल्सो। तो आरटीजीएस ये है। अब देखिए यहां पर बात हो रही है फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में और ब्रूसिलोसिस के बारे में। तो ये देखो, ये एक प्रकार की डिजीज है जो कि बोवीन कैटल ब्रीड जो होती है उनको हो जाती है, यानी कि जो गाय हो गए, बकरियां वगैरह हो गई, तो उनको ये, इवन डॉग्स ऑल्सो, तो इनको ये फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रूसिलोसिस नाम की डिजीज हो सकती है। तो देखो, ये डिजीज को कंट्रोल करने के लिए एक इनिशिएटिव जो है वो अभी रिसेंटली लिया गया है कि फुट एंड माउथ डिजीज को कंट्रोल किया जाए, जिससे कि फार्मर्स वगैरह जो हैं उनको बेनिफिट मिल सके। क्योंकि कई सारी ऐसी गाय हैं, कैटल हम लोग को देखने को मिलती हैं जिनको ये डिजीज हो जाती है, और इसका, इस कैटल को ये डिजीज होने के बाद पूरा भार जो है वो किसान के ऊपर पड़ जाता है, राइट। तो इस डिजीज को कंट्रोल करने पर फोकस किया गया है, टारगेट रखा है कि अगले 5 सालों में इस डिजीज को जो है वो कंट्रोल किया जाएगा और उसको इरेडिकेट करने पर काम किया जाएगा। और ये ज़्यादातर होती है काऊ को, बुल्स को, बफेलो को, शीप को, गोट, पिक्स एटसेट्रा, इस प्रकार के लाइव स्टॉक को होती है। इसमें क्या होता है गाइस कि इसमें मिल्क लॉस 100% तक हो जाता है, यानी कि उस पर्टिकुलर जो लाइव स्टॉक है उससे मिल्क जो है वो फिर नहीं निकलता, और 100% मिल्क यानी कि लॉस हो सकता है 4 से 6 महीने तक, राइट, इस डिजीज में, फुट एंड माउथ डिजीज में। बट अगर ब्रूसिलोसिस की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए, यानी कि पूरी लाइफ के लिए उस एनिमल का मिल्क जो है वो 30% तक रिड्यूस डेफिनेटली हो ही जाएगा। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है, और इससे किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ब्रूसिलोसिस की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो ये इनफर्टिलिटी भी एनिमल्स में ला सकती है ये डिजीज़, यानी कि वो एनिमल जो है वो फिर फर्दर बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। और इन्फेक्शन जो होता है ब्रूसिलोसिस का गाइस, ये ट्रांसमिट होता है फार्म वर्कर्स को भी, यानी कि जो भी फार्म वर्कर्स हैं जो एनिमल के पास काम कर रहे होते हैं, तो उनको भी ट्रांसफर हो जाती है ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और इसमें डिजीज़ जो होती है गाइस, इसका नेगेटिव इंपैक्ट हम लोग को मिल्क के ट्रेड में देखने को मिलता है, मिल्क के ट्रेड में, राइट। और आप जानते हैं कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर है मिल्क के मामले में। और ये प्रोग्राम जो है गाइस कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पर स्टार्टिंग में जो है वो शुरू किया गया था, बट अब बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा पैसा जो है वो खर्च करेगी इस प्रोग्राम के लिए, राइट, पूरा का पूरा पैसा। अब मसाला बॉन्ड्स की यहाँ पर बात हो रही है। देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा था कि जहां पर भी आप बॉन्ड देखो, जब हम लोग एलिफेंट बॉन्ड को पढ़ रहे थे, बॉन्ड देखो, बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि पैसा रेज करना मार्केट से, उसको बॉन्ड बोलते हैं। अगर कोई भी कंपनी इशू कर सकती है, गवर्नमेंट इशू कर सकती है, तो मसाला बॉन्ड जो है ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप देखो, मसाला नाम कैसे आया, बॉन्ड के बारे में तो मैंने आपको समझाई दिया कि बॉन्ड क्या होता है, अभी हम लोग समझेंगे कि ये मसाला बॉन्ड क्या है। तो देखो, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड ने इशू किए हैं मसाला बॉन्ड ओवरसी मार्केट से फंड रेज करने के लिए, यानी कि इंडिया के बाहर से फंड रेज करने के लिए। और इस मसाला बॉन्ड की खासियत ये है कि यहाँ पर जो पैसा रेज किया जाएगा ओवरसी मार्केट से, यानी कि इंडिया के बाहर से पैसा उठाना है, तो दिमाग में आता है कि इंडिया के बाहर तो दूसरी करेंसी चलती है, रुपीज़ तो चलेगी नहीं, बट यहाँ पर रुपीज़ डोमिनेटेड बॉन्ड ये हम लोग को देखने को मिलता है। इस बॉन्ड की ये खासियत है कि दूसरी मार्केट से जो पैसा उठाया जा रहा है वो रुपी के पॉइंट ऑफ व्यू से उठाया जाएगा, यानी कि रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड से, ठीक है, फॉरेन करेंसी में नहीं उठाया जाएगा, फॉरेन करेंसी को यहाँ पर हटाया हुआ है। और इसका नाम मसाला क्यों पड़ा, तो बहुत ईजी सी चीज़ है, मसाला आप जानते हो स्पाइसेस पूरे दुनिया भर में फेमस है, उसी के लिए सिर्फ इसका नाम रख दिया कि जिससे इंडियन फ्लेवर जो है वो उसमें मिल सके या फिर इंडियन एंगल इसमें मिल सके। अब गाइस, ये जो मसाला बॉन्ड है ये हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा मदद देगा और थोड़ा सा कम रिस्की भी होगा हमारे लिए, राइट, क्योंकि रुपी डोमिनेटेड है तो इसलिए कम रिस्की होगा, फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड नहीं है। और देखो गाइस, इससे क्या होगा, जो करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क है वो भी रिड्यूस हो जाएगा इंडियन एंटिटीज़ वगैरह को, तो ये उसका इंडियन एंटिटीज को फायदा है। और ऑब्वियसली बात है कि आज की रेट में हम लोग टारगेट यही कर रहे हैं कि हमारा लॉस जो है वो कम से कम हो, राइट, हमारा फायदा एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर रुपी डेप्रिशिएट भी होती तो भी यहाँ पर हमारा लॉस की चिंता हम लोग को जो है वो नहीं होने वाली। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर मतलब इस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करेगा ये मसाला बॉन्ड। और ये पहला मसाला बॉन्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन में इशू किया गया है। और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ये वर्ल्ड बैंक की एक आर्म है जिसको 2013 में शुरू किया गया था, राइट, इस आर्म को।
और मसाला बॉन्ड जो है रुपीज डोमिनेटेड बॉन्ड हम लोग को देखने को मिलता है, और इसमें फॉरेन इन्वेस्टर जो होंगे ये करेंसी रिस्क लेंगे, यानी कि अल्टीमेटली जैसे कि अगर फॉरेन डोमिनेटेड बॉन्ड होता तो हम लोग जो है वो करेंसी रिस्क लेते, इंडियन एंटिटीज इंडियन कंपनीज, बट ये जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर रिस्क लेंगे। अब जो भी इन्वेस्ट करेगा इसमें तो अब एक चीज़ ये कह सकते हो आप कि फॉरेन इन्वेस्टर जो होगा उसको थोड़ा सा रिस्क होगा रुपी डेप्रिसिएशन का। और मसाला बॉन्ड जो है गाइस ये पहला रुपी बॉन्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। अब बात करें हनी मिशन के बारे में तो 100,000 से ज़्यादा बी बॉक्सेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं फार्मर्स को और अनएम्प्लॉयड पीपल को हमारी पूरी कंट्री में खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। अभी रिसेंटली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ये हनी मिशन को बूस्ट करने का इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। इसमें बताया जा रहा है कि जो फार्मर्स हैं और अनएम्प्लॉयड पीपल्स हैं उनके लिए ये बेटर इनकम सोर्स की तरह काम करेगा, और इवन बी कीपर्स को यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी। हनी मिशन को लॉन्च किया गया था 2017 में, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्वीट रेवोल्यूशन भी कहा था। क्वेश्चन में ऑल्सो कम की स्वीट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ये हनी मिशन से रिलेटेड है। अब देखो गाइस इसका मेजर मकसद ये है कि जो रूरल एरियाज में जो युवा हैं उनको जॉब प्रोवाइड कराना, एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड कराना और उनको इनकम प्रोवाइड कराना एज वेल एज इन अर्बन एरियाज ऑल्सो, राइट। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि यहाँ पर बी कीपिंग को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में और क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि देखो गाइस बीस जो मधुमक्खी होती है उनका काम क्या होता है, पॉलिनेशन सर्विस देना। ये क्या करते हैं गाइस कि मधुमक्खी जब किसी फ्लावर में जाएगी तभी जाकर तो वो फ्लावर की ग्रोथ होगी और उस फ्लावर से मधुमक्खी को भी मिल जाएगा, राइट। तो ये क्या होता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है थोड़ी सी इसमें बी में और क्रॉप वगैरह में, तो उसको भी हेल्प करेगा ये क्रॉप को, फार्मर्स को हेल्प करेगा वेरियस क्रॉप्स को उगाने के लिए, फूल वगैरह को उगाने के लिए, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं बी कीपिंग के। अब नेक्स्ट हमारा जो जनरल स्टडीज पेपर 3 में पिलर आता है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बात हो रही है आदित्य L1 मिशन के बारे में, तो इसरो प्लान कर रही है कि ये 2020 के स्टार्टिंग मंथ में 2020 और 21 भी, इवन पहले ये 2020 की बात कर रहे थे, अब 2021 पे ये बढ़ गए हैं, तो बोल रहे हैं कि 2020 या 21 तक ये आदित्य L1 मिशन जो है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। आदित्य मिशन का नाम आप सुनो तो आपके दिमाग में आना चाहिए सन, ये मिशन जो है वो सन के आउटर मोस्ट लेयर यानी कि कोरोना को स्टडी करने के लिए बनाया जा रहा है और क्रोमोस्फेयर को ये स्टडी करेगा, राइट। और सोलार स्टॉर्म के बारे में भी स्टडी डेवलप करेंगे, ये देखेंगे कि जो सूर्य से जो सन जो है उससे जो स्टॉर्म आता है यानी कि जो आंधी आती है, जो गर्म लहरें आती हैं, राइट, सूर्य से, उसके कारण से जो स्पेस वेदर जो है वो चेंज होता है, तो उसकी स्टडी यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी और उसका क्या रिलेशन है अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर से, तो उसके बारे में भी यहाँ पर स्टडी कंडक्ट करने में हेल्प करेगा ये आदित्य L1 मिशन जिसको इसरो लॉन्च करेगी। अब इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दी है रडार इमेजिंग सैटेलाइट रीसैट 2B। इसरो ने रडार इमेजिंग सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया था PSLV C46 से। अब देखिए ये फोर्थ फ्लाइट हम लोग को रीसैट प्रोग्राम यूनिट की देखने को मिली है और ये स्ट्रेटेजिक सर्विलांस, डिजास्टर मैनेजमेंट और रिकनसाइंस में काम में लाई जाएगी, राइट। डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्पस के लिए सैटेलाइट से जो है, क्योंकि इमेजिंग सैटेलाइट है तो ये क्या करेगी, हम लोग को जो है वो वेरियस जगह की इमेज रियल टाइम बेसिस पर प्रोवाइड करा देगी। उससे फायदा क्या हुआ कि डिजास्टर के समय पे ट्रूप्स वगैरह पहुंचाए जाएंगे, डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ सर्विलांस पर्पस के लिए भी किया जाएगा, हमारी इंडियन आर्मी को, हमारी इंडियन नेवी को, एयरफोर्स को जो है ये मतलब सैटेलाइट के माध्यम से जो है वो मॉनिटर करने में आसानी होगी बॉर्डर एरियाज को, या फिर कोई भी मिशन पे अगर हमारी आर्मी जाती है तो उसको ऑलरेडी पहले से पता लग जाएगा कि आने जो है यानी कि आगे उनके आगे जो है वो क्या है, क्योंकि उनको रियल टाइम बेसिस पर पिक्चर्स जो है वो मिलती रहेगी, समझ रहे बात को। और 5 साल की इस सैटेलाइट की ऑपरेशनल लाइफ हम लोग को देखने को मिल रही है। अब बात करें एक्सपो साइट के बारे में, तो गाइस देखो एक्सपो साइट की बात हो रही है तो एक्सरे की मदद से स्पेस में पोलराइजेशन को स्टडी किया जाएगा और उसके लिए ये डेडिकेटेड मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अब नेक्स्ट ईयर इसको लॉन्च करेंगे और आने वाले कुछ सालों में कौन से मिशन हैं, तो देखो एक्सपो साइट मिशन हो गया, आदित्य L1 अभी हमने बात करी थी वो मिशन हो गया, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 जैसे ये भी हमारा मंगलयान हुआ था ना कुछ समय पहले, वैसे ही इसके अलावा एक और मंगलयान 2 जो है वो हमारा 2022 में जो है वो शुरू होने वाला है, मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम मिशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन या फिर चंद्रयान 3, अभी चंद्रयान 2 गया था, बोल रहे हैं ये आने वाले 2024 में चंद्रयान 3 जाएगा। इसके अलावा एक्सोप्लैनेट को हम लोग स्टडी करेंगे 2028 में, राइट, सोलर सिस्टम के बाहर के जो प्लैनेट्स होते हैं ना, एक्सोप्लैनेट जिसको बोलते हैं, एक्सो वर्ल्ड भी जिसको बोला जाता है, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। और एक्सपो साइट की बात करें गाइस तो इसको डेवलप किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा और इस सैटेलाइट
कि मिशन की जो लाइफ होगी वो 5 सालों की हम लोग को देखने को मिलेगी। मानव की यहां पर बात हो रही है तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर हम लोग को देखने को मिल रही है, इन्होंने लॉन्च किया है ह्यूमन टिश्यू मैपिंग प्रोजेक्ट को, जिसको मानव बोला जा रहा है। ये ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया गया है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी को बेटर तरीके से स्टडी करने के लिए और उसकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें क्या होगा गाइस कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हर एक जितने भी टिश्यूज है, सिंगल सिंगल टिश्यूज, तो उनकी स्टडी की जाएगी और उनके बारे में माइन्यूट टू माइन्यूट इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाली जाएगी, राइट। और ये प्रोजेक्ट के ऊपर फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, और ह्यूमन बॉडी टिश्यूज के ऊपर एक बेटर डेटा फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करेंगे ये। तो यानी कि बोल सकते हो आपकी ह्यूमन बॉडी की पूरी कंप्लीट मैपिंग जो है वो की जा रही है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के बारे में बेटर तरीके से समझ में आए चीज़ों के बारे में, और जो ह्यूमंस को आज की रेट में जो डिजीज हो रही हैं, नई नई प्रकार की डिजीज, रेयर डिजीजेस जो हो रही हैं, तो उनको कैसे खत्म करना है उसको भी स्टडी करने में ये प्रोजेक्ट जो है वो हेल्प करेगा। अब मंकी पॉक्स वायरस की बात हो रही है, सिंगापुर के अंदर रिसेंटली मंकी पॉक्स वायरस जो है गाइस ये फैला है और पहला केस हम लोग को सिंगापुर का मंकी पॉक्स वायरस का देखने को मिला है। ये बहुत ही रेयर वायरस है गाइस और ये बिल्कुल ह्यूमन स्मॉल पॉक्स की तरह ही हम लोग को देखने को मिलता है, और ये वायरस नाइजीरियन के द्वारा लाया गया था, यानी कि नाइजीरिया से एक नाइजीरियन ने ट्रैवल किया था और वो इस वायरस को यहाँ पर सिंगापुर लेकर आ गया। मंकी पॉक्स वायरस जो है गाइस ये बताया जा रहा है कि 1980 में लगभग खत्म हो चुका था, बट दोबारा से जो है ये फिर से, क्योंकि देखो एक जगह से तो ये खत्म हो गया था बट दूसरी दूसरी कई सारी जगह पर तो इस ये वायरस था ही, तो ये फिर से जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो गया, और ये इजिली पर्सन टू पर्सन जो है वो स्प्रेड नहीं होता है और ये काफ़ी रेयर है और इट कैन बी फटाल, यानी कि काफ़ी डेंजरस हो सकता है ये। और रेयर वायरस डिजीज़ जो है ये वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में अकर हुई थी, यानी कि यहाँ से हम लोग को देखने को मिली थी वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका से। और ये बताया जा रहा है कि वायरस जनरली स्टार्ट होता है फीवर से, फिर हेडेक, फिर पूरी बॉडी में जो है वो स्प्रेड होता है हम लोग को देखने को मिलता है, और मंकी पॉक्स टिपिकली जो है गाइस ये 2 से 4 हफ्ते तक किसी इंडिविजुअल की बॉडी में रहता है, उसको डैमेज करता है यानी कि उसको बीमार कर देता है। इसका सबसे प्रॉब्लमेटिक बात तो यह है कि इसके कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही कोई वैक्सीनेशन इससे रिलेटेड अवेलेबल है इस मंकी पॉक्स वायरस के लिए। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि जो पेशेंट जो होता है उसको आइसोलेट कर दिया, यानी कि उसको दूसरे लोगों से, दूसरे पेशेंट से, फैमिली मेम्बर वगैरह से अलग करके रखा जाए, राइट, जैसे कि जनरली स्मॉल पॉक्स में हम लोग को देखने को मिलता है। और पहली बार ये रिपोर्ट किया गया था वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका से 1970 में, और 1980 तक ये इराडिकेट हो गया था बट दोबारा से बहुत सारी जगह पर ये फिर से आ गया। अब AMR रेसिस्टेंस की बात हो रही है तो इंट्रा एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसकी एक रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल रखा है नो टाइम टू वेट, सिक्योरिंग द फ्यूचर फ्रॉम ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन। तो गाइज इसमें बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि ड्रग रेजिस्टेंस के कारण या फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण पूरी दुनिया भर में ऐसा आने वाले समय में ऐसा इकोनॉमिक शॉक मिलने वाला है पूरी दुनिया भर को जैसा 2008 और 9 का मिला था। आप जानते हो गाइज इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 और 9 में USA में शुरू हुए थे और उसके बाद फिर पूरी दुनिया भर में तहलका मच गया था, हर एक कंट्री की इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो गई थी, हम लोग को देखने को मिला था वर्ल्ड इकोनॉमी जो है एक तरह से थम सी गई थी। तो बोल रहे हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, तो इकोनॉमी के ऊपर उसका खतरनाक इम्पैक्ट होने वाला है, और नियरली 10 मिलियन लोग, आप कह सकते हो कि नियरली 1 करोड़ लोग जो है वो हर साल जो है उनकी मृत्यु हो रही है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, और ये मृत्यु दर जो है वो 10 मिलियन का ये 2050 तक बढ़ जाएगा, यानी कि आज की रेट में जितनी मृत्यु हो रही है कंपेयर करें हम लोग 2050 की तो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, यानी कि 1 करोड़ लोग हर साल ड्रग रेजिस्टेंस के कारण जो है वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और वर्ल्ड जो है गाइस 2050 में हर साल 3.8% वर्ल्ड की एनुअल GDP जो है ये कम होगी बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और 24 मिलियन लोग जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे 2030 तक। तो ये रिपोर्ट के अंदर कुछ भयानक सच जो है वो बताए जा रहे हैं कि अभी से अगर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर या एंटी बैक्टीरियल या फिर आप बोल सकते हो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इस पर अगर काम नहीं करना शुरू किया तो बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आने वाले समय में हो सकती है। अब बात की जा रही है युवा विज्ञानी कार्यक्रम के बारे में। अब देखो इसरो ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम का, युविका 2019 का। और युविका की अगर हम लोग बात करें, युवा विज्ञानी कार्यक्रम की बात करें, तो इसको इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, एक स्पेशल प्रोग्राम है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, और गवर्नमेंट का जो विजन है जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो इसी के साथ मिलाकर इस कार्यक्रम को, इस इनिशिएटिव को जो है वो लाया गया है।
इस प्रोग्राम का मेजर मकसद यही है कि जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, स्पेशली वो बच्चे जो लोग अभी रिसेंटली आठवीं क्लास में प्रमोट हुए हैं, सॉरी नाइन्थ क्लास में प्रमोट हुए हैं, और जो बच्चे जिन्होंने एट्थ रिसेंटली पास किया है, तो उन बच्चों को मौका मिलेगा। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से 3 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे और ये बच्चे जो होंगे वो इसरो जाएंगे और इसरो की वेरियस यूनिट्स में जाएंगे और उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और वेरियस साइंस की फील्ड के बारे में उनको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि उनको मोटिवेशन मिले कि वो अपना करियर जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ाएं और एज अ साइंटिस्ट की तरह उभर कर आए, राइट। तो ये वाली चीज़ हम लोग को इस इनिशिएटिव की देखने को मिल रही है। अब देखो मोदीज के बारे में बात हो रही है, मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर के बारे में, तो एक नई सैटेलाइट बेस्ड स्टडी हम लोग को देखने को मिली है जिसमें बताया जा रहा है कि चाइना और इंडिया ये गाइज लीड कर रहे हैं ग्रीन एफर्ट्स के मामले में, यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा ग्रीनरी पर काम किया जा रहा है, राइट। और नासा का जो है ये मोडीज का डेटा है, यानी कि नासा का ये डेटा है, ये जो डेटा हमने की बात करी थी मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, तो ये डेटा निकाला है नासा ने और इसमें बताया गया है कि जो ग्लोबल ग्रीन लीफ एरिया है ये 5% से इंक्रीज हो गया है 2000 से लेकर अभी 2018-19 की बात करें तब तक जो पूरी दुनिया भर में जो ग्रीनरी है, फॉरेस्ट एरिया है, क्रॉप लैंड्स वगैरह है, तो ये इंक्रीज हो गया है 5% से। चाइना में एक चाइना अकेला ही 25% पूरे दुनिया भर की नेट इंक्रीज इन लीफ एरिया में लीड कर रहा है, 25%, यानी कि चाइना पूरे दुनिया भर में जितना भी ग्रीनरी जो है उसको प्रमोट किया गया है, जितने भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा बता रहे हैं कि चाइना के अंदर हम लोग को देखने को मिला। फिर इंडिया 6.8% के रेट से हम लोग को देखने को मिल रहा है और चाइना के अंदर फॉरेस्ट से ग्रीनरी की अगर बात करें तो चाइना के अंदर 42% ग्रीनरी जो है वो फॉरेस्ट एरिया के कारण हुई है और क्रॉप लैंड में 32% देखने को मिली, वहीं इंडिया में मोस्टली क्रॉप लैंड पर काम किया गया है और फॉरेस्ट पर बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया गया। बट एक तरह से ये एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग जो है वो ग्रीनरी के ऊपर जो है वो आज की डेट में काम कर रहे हैं और सक्सेसफुली जो है वो ये हम लोग को इंटरनेशनल डेटा के थ्रू भी पता लग रहा है। और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का 1/5 एरिया जो है लैंड का ये फॉरेस्ट के अंदर जो है वो आ गया, हम लोग को देखने को मिला। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 जो है इसमें रिकॉर्ड किया गया है कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर जो है ये 0.21% के रेट से जो है वो इंक्रीज हो गया, यानी कि 0.21% 6600 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर जो है वो हम लोग ने इंक्रीज कर लिया है। अब आर्टेमिस मिशन की बात हो रही है, नासा ने आर्टेमिस प्रोग्राम का कैलेंडर जो है वो रिवील कर दिया है, इन्होंने बताया है कि 2024 का इन्होंने टारगेट रखा है कि एस्ट्रोनॉट जो होंगे ये मून में पहली बार जो है वो जाएंगे 2024 में और वापस आ जाएंगे, यानी पहले ये अपोलो मिशन के थ्रू जा चुका है नासा, बट अब बता रहा है कि नासा फिर से दोबारा से यूएसए जो है वो मून पे जाएगा अपने आर्टेमिस मिशन के थ्रू, ह्यूमंस को लेकर जाएगा 2024 में। आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये 3 मिशन है इसके कंटिन्यूस। 2020 में एक अनक्रूड मिशन होगा, यानी कि जिसपे कोई ह्यूमन नहीं जाएगा, बट ये मून पे जाएंगे 2020 में। उसके बाद फिर ये 2022 में मून के आजू बाजू जो है वो यानी कि अर्थ की जो सैटेलाइट है मून उसके आजू बाजू चक्कर लगाएगा क्रू के साथ, मैन के साथ। और फाइनली फिर आर्टेमिस 3 में 2024 में हम लोग को देखने को मिलेगा कि एस्ट्रोनॉट्स को दोबारा मून की सॉइल पे उतारा जाएगा यूएसए की तरफ से, और इस बार 2024 में मून की तरफ से पहली बार कोई महिला जो है वो मून पर जाएगी, फर्स्ट टाइम वुमेन जो है वो लैंड करेगी मून पे, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पर बता रहे हैं। और 3 ये मिशन जो है गाइस ये लॉन्च किए जाएंगे बिगेस्ट रॉकेट के द्वारा, सबसे बड़ा एक रॉकेट बनाया जा रहा है बोइंग, एक कंपनी मैंने आपको बताई थी यूएसए की कंपनी है बोइंग, तो उसके द्वारा एक स्पेस लॉन्च सिस्टम बनाया जा रहा है और अभी ये अंडर डेवलपमेंट की स्टेट में है और ये सबसे बड़ा रॉकेट बनने वाला है, तो ये सबसे बड़े रॉकेट से जो है वो एंटर करेंगे स्पेस पे और फिर ये मून पे जाएंगे। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है। आर्टेमिस का फुल फॉर्म है एक्सेलरेशन रिकनेक्शन टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रो डायनामिक्स ऑफ मून्स इंटरैक्शन विद सन, और मिशन का नाम रखा है आर्टेमिस, और आर्टेमिस बेसिकली एक ग्रीक माइथोलॉजिकल गॉडेस भी हैं, मून की गॉडेस, राइट। और ये अपोलो की ट्विन सिस्टर भी हम लोग को आर्टेमिस देखने को मिल रही है, ठीक है, तो याद रखिएगा इस बारे में। इसका के बारे में बात हो रही है स्क्वायर किलोमीटर एरे के बारे में, तो साइंटिस्ट जो है कैम्ब्रिज के गाइज इन्होंने फिनिश कर ली है एक ब्रेन की डिजाइनिंग को और ये स्क्वायर किलोमीटर एरे के नाम से हम लोग को देखने को मिल रही है और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है और ये बता रहे हैं कि इसमें सुपर कंप्यूटर्स के साथ जो है ये लगा हुआ है, यानी कनेक्टेड है सुपर कंप्यूटर के साथ और ये बहुत सारा डेटा जो है वो एक साथ बताएगा और पूरे के पूरे स्काई जो है उसको उसकी माइन्यूट टू माइन्यूट डिटेल को जो है वो ये मैप करेगा।
तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही। तो साइंटिस्ट जो है कैम्ब्रिज के, उन्होंने इस प्रकार का एक बड़ा सा टेलीस्कोप जो है वो निकाल लिया है, सुपर कंप्यूटर से इसको कनेक्ट किया हुआ है, और ये पूरे स्काई की बेहतरीन रिपोर्ट जो है वो साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट रिसर्चर को प्रोवाइड कराएगा। अब देखिए गाइस, जो लक्षद्वीप के जो लोग हैं उनकी जेनेटिक स्टडी अभी कंडक्ट की गई है, और उसको कंडक्ट किया गया है CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के द्वारा, और पहली बार ऐसा हुआ है कि लक्षद्वीप के लोगों की जेनेटिक स्टडी कंडक्ट की गई हो, उनके DNA वगैरह की टेस्टिंग की गई, और इसमें पाया गया है कि लक्षद्वीप के जो एंसेस्टर हैं, यानी कि जो पूर्वज हैं लक्षद्वीप में रहने वाले लोगों के, ये साउथ एशिया रीजन से बिलोंग करते हैं, और इनका जो क्लोज लिंक है ये श्रीलंकन, इंडियन और मालदीव्स के साथ भी है, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली है। पहली बार एशियाटिक लायन के जीनोम की स्टडी कंडक्ट की गई, पूरे के पूरे जीनोम की पहली बार, और सीक्वेंसिंग हुई है इसकी जो CSIR सेंटर फॉर मॉलिकुलर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में जो है वहां पर ये कंडक्ट की गई है। जो एशियाटिक लायन है उसके जीनोम, जीनोम क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ DNA, DNA का कंप्लीट सेट होता है, उसको जीनोम बोलते हैं। तो पूरे के पूरे जीनोम की एंटायर स्टडी हुई है, और एशियाटिक लायन की स्टडी हुई है पहली बार, ये चेक करने के लिए कि लायन जो है उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो क्या एनवायरमेंट्स के साथ अडॉप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो उसको बेटर तरीके से स्टडी करने के लिए जो है ये स्टडी कंडक्ट की गई, राइट, पूरे एशियाटिक जो लायन है उसके जीनोम की। और इसमें बताया जा रहा है कि इस स्टडी के थ्रू बेहतर तरीके से लायन को जो है वो बचाया जा सकेगा, उनकी पॉपुलेशन को, कि कहीं उनको डिजीज़ तो नहीं हो रही है इन फ्यूचर, तो कहीं उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो जाएगी उनकी बॉडी वगैरह में, राइट। तो उनके इवोल्यूशन को स्टडी किया जा रहा है कि उनका इवोल्यूशन और कैसे हो सकता है, और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। अब बात हो रही है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की, बात हो रही है, इन्होंने बताया कि रिसेंटली नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने किलोग्राम की डेफिनेशन को जो है वो अपडेट कर दिया है, और ये बता रहे हैं कि अभी जो अपडेट हुआ है वो इन फ्यूचर जो है वो बच्चे जो है उनकी टेक्स्ट बुक में और उनके सिलेबस वगैरह में नई डेफिनेशन किलोग्राम की जो है वो मेंशन की जाएगी। 26 जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट्स और मेजर की, और ये लास्ट ईयर हम लोग को देखने को मिला था, जिसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है किलोग्राम की, एम्पियर की, कैल्विन की और मोल की, तो उसको रीडिफाइन कर दिया गया था। और किलोग्राम जो है गाइस, इसकी पहले के समय पे इसकी डेफिनेशन ली जाती थी प्लैटिनियम इरिडियम अलॉय से, यानी कि जो अलॉय है उसको रखा गया था, उसको मेजर किया गया था, और उसी की डेफिनेशन जो है वो एज अ किलोग्राम की डेफिनेशन के तौर पर हम लोग को देखने को मिली थी। और ये प्लैटिनियम इरिडियम अलॉय जो है ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर में रखा हुआ है, और भी अलग अलग इसकी जो रेप्लिकास हैं, इसके कॉपीज जो है वो और भी अलग अलग दूसरे दूसरे देशों में हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसी को देखकर इसकी डेफिनेशन रखी गई थी। बट अब इसकी डेफिनेशन जो है, क्योंकि देखो टेम्परेचर लेवल चेंज हो रहा है और समय के अनुसार जो अलॉय जो है गाइस इसका भी वेट रिड्यूस होता जा रहा है, तो इसका जब वेट रिड्यूस हो रहा है इसमें डिफॉर्मिटी आ रही है, तो उसमें अब इन्होंने एक स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन जो है और यूनिवर्सल डेफिनेशन जो है वो निकाल ली, राइट। तो यही चीज़ आप याद रखिएगा। एथीना और लीसा मिशन की बात हो रही है, तो रिसर्चर जो है गाइस इन्होंने प्रपोजल रखा है कि कंबाइन किया जाए जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इनके जो दो फ्यूचर मिशन है लीसा और एथेना, तो इनको एक बना दिया जाए, इनको कंबाइन कर दिया जाए, राइट। तो इस पर क्या होगा गाइस, तो इस पर यह बताया जा रहा है कि ये जो मिशन है ये स्टडी करेंगे कि जो दो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं ये जब आपस में कोलाइड हुए थे तब क्या इम्पैक्ट पड़ा था, और फिर इन फ्यूचर अगर ये कोलाइड होते हैं तब क्या इम्पैक्ट होगा, तो उसके बारे में ये जो है वो मिशन स्टडी करेगा। तो देखो इजी तरीके से याद रखना, लीसा और एथिना मिशन जो है वो किसके हैं, पहली चीज़ यूरोपियन स्पेस एजेंसी के, दूसरी बात ये सुपर मैसिव ब्लैक होल को स्टडी करेंगे, राइट। और कि जो मिलियन और बिलियन साल पहले जब सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की जब शुरुआत हुई थी तब क्या इम्पैक्ट था, और इन फ्यूचर अगर ये दोबारा से टकराते हैं तब क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसकी ये स्टडी कंडक्ट की जाएगी। और एथेना जो है गाइस ये लार्जेस्ट एक्सरे ऑब्जर्वेटरी हम लोग को अभी तक की देखने को मिल रही है, और इसको दो फंडामेंटल क्वेश्चंस के लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया है, उसके आंसर निकालने के लिए मतलब। तो एक है कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो है वो कैसे बने हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ। दूसरी बात ये है कि ये कॉस्मिक वेब है हम लोग को जो देखने को मिलती है, तो ये क्या है इसके बारे में और डिटेल में स्टडी ये कंडक्ट करेंगे, राइट। और लीसा की बात करें जिसका फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, तो लीसा जो है गाइस ये पहली स्पेस बॉर्न ऑब्जर्वेटरी हम लोग को ग्रेविटेशनल वेव्स की देखने को मिल रही है। और ईसा जो है इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी जिसकी अगर हम लोग बात करें ISA, तो इसने डिटेक्ट करी है लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स को, और एक रिलीज की गई है जब दो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो है वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं और गैलेक्सीज का मर्जर हो रहा है, तो उस समय ये रिलीज हुई थी। तो इन सब चीज़ों को ये स्टडी करें, बड़ा इतना रॉकेट साइंस की तरह आप डिटेल में याद मत रखो, बस बेसिक चीज़ याद रखो जो कि आपसे प्रॉब्लम से पूछी आएगी और उसको आप टिक कर पाओ, बस दैट्स इट।
अब एनवायरमेंट और इकोलॉजी की बात करें गाइस, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डायरेक्शन दी है 18 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज को कि वो अपने अपने एक्शन प्लान्स जो है वो सबमिट कर दें, राइट, कि जो वेस्ट वाटर है उसको कैसे ट्रीट करना है, तो उससे रिलेटेड अपने एक्शन प्लान जो है वो सबमिट किए जाएं, जैसे कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो, राइट. और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो अक्टूबर 2010 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के थ्रू. न्यू दिल्ली में इसकी प्रिंसिपल बेंच है, बट इसकी जोनल बेंच अलग अलग जगह पर है, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई. इसकी सर्किट बेंच है शिमला, शिलोंग, जोधपुर, कोची. एक एनजीटी की जोनल बेंच से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो दोबारा से पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा. ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी की यहाँ पर बात हो रही है, ये रिपीटेड न्यूज़ है, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, इस GFDRR के बारे में. अब देखिए, अब यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड रिकंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो चौथा एडिशन हम लोग को वर्ल्ड रिकंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस का देखने को मिला है, जो कि हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड में. इसको ऑर्गेनाइज किया गया था सिक्स्थ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के साथ ही. तो देखो, ये GPDRR के बारे में ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर भी ये सेम ही टॉपिक था, तो ये रिपीटेड टॉपिक एक हम लोग को देखने को मिल रहा है. बट एक चीज़ याद रखना, वर्ल्ड रिकंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस की थीम थी इंक्लूजन फॉर रेजिलियंट रिकवरी. अब गाइस, ये बताया जा रहा है कि एक रिसर्चर जो है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के, इन्होंने क्रिएट करी है 100% रिसाइकलेबल प्लास्टिक को, और ये कहाँ पर किया है, तो ये लॉरेंस बर्कली नेशनल लैबोरेटरी में ये हम लोग को देखने को मिली. तो ये पूरी तरह से ये प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल हो सकता है, तो ये नए प्रकार के प्लास्टिक को जो है वो डिस्कवर किया है. बासल कन्वेंशन की बात करें गाइस, तो देखो, बैंकिंग में आपने बासल कन्वेंशन का नाम सुना होगा, बासल नॉर्म्स का नाम सुना होगा, बासल 3 नॉर्म्स, राइट. तो देखो, ये वो नहीं है, ये बासल नॉर्म जो है वो दूसरा है. ये प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है, सॉलिड और केमिकल वेस्ट से रिलेटेड देखने को मिलता है, तो एक चीज याद रखिएगा. अब इसमें बताया जा रहा है कि 180 मेंबर कंट्रीज के लगभग ने यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़कर 1989 बासल अमेंडमेंट जो है उसको अप्रूव किया है, और इसमें प्लास्टिक वेस्ट को भी इंक्लूड करने की बात करी है. बासल कन्वेंशन का मेजर फोकस रहता है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाए, किससे, केमिकल और टॉक्सिक हार्मफुल वेस्ट से, ठीक है. तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा. और थीम जो थी वो थी क्लीन प्लैनेट, हेल्दी पीपल, साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड वेस्ट. तो जैसे ही आप बासेल का कन्वेंशन का नाम सुनो, तो आप उसको बैंकिंग अंधा यानी कि आंख बंद करके बैंकिंग नॉर्म्स में मत टिक कर देना. आप थोड़ा देखना उसमें कि कहीं प्लास्टिक वेस्ट के बारे में या किसी और चीज़ों के बारे में तो नहीं है. बस ये चीज़ बस एक याद रखना, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ पूछी जा सकती है. आयरलैंड ने डिक्लेयर कर दी है क्लाइमेट इमरजेंसी को. तो देखो गाइस, ब्रिटेन के बाद अब आयरलैंड बन गई है जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है, और आप जान ही रहे हो कि क्लाइमेट चेंज के चलते कितना प्रॉब्लम हो रहा है, राइट. और क्लाइमेट चेंज में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, वेरियस स्पीसीज जो है वो एक्सटेंड होती जा रही हैं, तो इसीलिए अब आयरलैंड ने भी क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी. अब क्लाइमेट को सही करने पर ये फोकस कर रहे हैं, इनका एम यही है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए और ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, जीरो तक लेकर आया जाए 2025 तक, और बायोडाइवर्सिटी लॉस को जो है वो बचाया जाए, जो स्पीशीज एक्सटेंड हो रही है उसको एक्सटेंड होने से रोका जाए. इसमें बता रहे हैं कि 1 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो लुप्त होने के खतरे में है, ये यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के थ्रू पता लगा है. यूनाइटेड नेशन का एक पैनल है, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, तो ये यूनाइटेड नेशन जो है वो इस पैनल को सपोर्ट करती है, और इसने पब्लिश करी है एक रिपोर्ट जिसने बताया है कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख स्पीसीज लुप्त हो सकती हैं, लुप्त होने का उनको खतरा है आने वाले समय में. और ये बता रहे हैं कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस मेजर एक्सटेंशन के लिए, और जिसमें मेजर थ्रेट रखे गए हैं पॉल्यूशन को, क्लाइमेट चेंज को, हार्वेस्टिंग, हंटिंग और फिशिंग को. और इसमें बोला जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज और स्पीसीज के लॉस का के बीच में एक लिंक है, और ये चीज़ हम लोग जानते ही हैं गाइस कि क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो स्पीसीज वगैरह हैं उनकी संख्या जो है वो कम होती जा रही है. अब देखिए, सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है. यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिसेंटली रिलीज करी है एक रिपोर्ट. ये रिपोर्ट है सैंड माइनिंग और उसके कंजम्पशन के ऊपर. रिपोर्ट पब्लिश हुई है टाइटल के चलते, टाइटल जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसका टाइटल है सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी फाइंडिंग न्यू सॉल्यूशन फॉर एनवायरमेंटल गवर्नेंस ऑफ ग्लोबल सैंड रिसोर्सेज. इसमें फोकस किया गया है सैंड कंजम्पशन के चेंजिंग पैटर्न के ऊपर. जो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती आ रही है वैसे वैसे सैंड की डिमांड और उसका रोल भी चेंज होता जा रहा है, क्योंकि देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको चाहिए सैंड घर बनाने के लिए. सैंड क्यों चाहिए, रेत क्यों चाहिए, घर बनाने के लिए, राइट. तो इस पर यहाँ पर फोकस हो रहा है, राइट, कि इन फ्यूचर जो है वहाँ पर हम लोग को सैंड को भी सस्टेनेबल तरीके से उपयोग में लाना पड़ेगा.
अगर नहीं लाया जाएगा और इलीगल सैंड माइनिंग पे कंट्रोल नहीं रखा जाएगा तो इन फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड जो है सैंड और ग्रेवल की, जो ये गिट्टी है और जो रेत है, इसकी ग्लोबल डिमांड बढ़ती जा रही है। 40 से 50 बिलियन टन्स हर साल के हिसाब से ये इंक्रीज़ हो रही है सैंड की डिमांड, राइट, क्योंकि लोग पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनको शेल्टर चाहिए, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्डअप होते जा रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि इसमें बड़ा मेजर खतरा है, वो है लीगल सैंड माइनिंग का, जो रिवर्स से हो रही हैं और फ्लडिंग के चलते, पॉल्यूशन लेवल के राइज होने के चलते, वाटर एक्वीफायर के कम होने के चलते, राइट, सूखा बढ़ने के चलते, तो ये सब कुछ कॉजेज हैं जिसके कारण से सैंड के जो एज अ रिसोर्स जो है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा खतरा हो रहा है, राइट। और सैंड और ग्रेवल, जो रेत और गिट्टी जो है, ये सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट होते हैं पानी के बाद, यानी कि पानी के बाद अगर हम किसी नेचुरल रिसोर्स को सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो रेत और गिट्टी है, राइट, बट इसका रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। और चाइना और इंडिया के अंदर हम लोग को सैंड का एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा, और इसका इलीगल माइनिंग्स वगैरह भी इंडिया में हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सैंड माफियाज़ काफ़ी ज़्यादा इंडिया में भी हैं, इवन चाइना में भी हैं, और आसपास की जो हमारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, बट मेजर तौर पर चाइना और इंडिया में सैंड माफियाज़ बहुत ज़्यादा है। और ये बताया जा रहा है कि 2/3 जो ग्लोबल सीमेंट प्रोडक्शन है ये आता है चाइना से, और इंडिया से 6.6% का ही सीमेंट प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, ये यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के थ्रू पता लगा है। और सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है ये रिपोर्ट किया गया है इंडिया, चाइना और भी दूसरी सारी लोकेशन से हमारे एशिया में, जैसे मैंने भी आपको बताया था, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, बहुत सारी लोकेशन है, बट मेजर तौर पर चाइना और इंडिया पर निगरानी रखी गई है सैंड माफिया और सैंड माइनिंग के चलते। यूनाइटेड नेशन हैबिटेट की अगर बात करें गाइस, तो ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, इंडिया जो है वो एज एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरह इलेक्ट हो गई है पहली यूनाइटेड नेशन हैबिटेट असेंबली में। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम या यूएन हैबिटेट की अगर हम लोग बात करें, तो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है ह्यूमन सेटलमेंट्स और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की। इसको एस्टैब्लिश किया था 1978 में। ये फोकस करती है सोशली और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स और सिटीज़ जो है वो बने, और इनका गोल है कि सभी को शेल्टर मिले। और ये गोल जो है गाइज, ये हम लोग को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी यही देखने को मिलता है कि 2030 तक कोई भी इंडिविजुअल जो है वो स्टेटलेस ना रहे, सभी को घर जो है वो मिल पाए, सभी को शेल्टर, रहने की छत जो है वो मिल सके। हरियाणा के अंदर ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो रहा है, ये रिपोर्ट आई थी, और डिप्लीट होने की वजह बताई जा रही है राइस या फिर पैडी क्रॉप्स, क्योंकि जो चावल है गाइस उसको आप जानते हैं कि चावल की खेती के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इरीगेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और इरीगेशन फैसिलिटीज़ हमारे इंडिया में डिपेंडेंट है, और उसमें जो इरीगेशन जो होता है उसमें जो पानी जो लिया जाता है तो ग्राउंड वाटर से ही निकाला जाता है। तो हरियाणा में इतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर लिया जा रहा है पैडी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए कि हरियाणा का ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो गया, कम हो गया है, और इस पर हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो वेरियस एक्शंस ले रही है, वेरियस स्कीम भी लेकर आई है। कर्नाटका नीरावारी निगम लिमिटेड, तो गाइज ये एग्जीक्यूट कर रही है कालसा भंडूरी प्रोजेक्ट को, और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 850 करोड़ रुपये बताई जा रही है। और ये बोला जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली एक तरह का, तो इस पे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्लेम किया जा रहा है, राइट, कि इसको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से दूर रखा जाए कालसा भंडूरी प्रोजेक्ट को। और ऐसा क्यों, उसी के ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी बन गई है कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अगर नहीं करवाया जाएगा तो एनवायरमेंट को मे बी शायद इन फ्यूचर इस प्रोजेक्ट से खतरा हो, तब तो बड़ी दुविधा पड़ सकती है, राइट। तो कालसा भंडूरी नाला जो है ये बेसिकली एक प्रकार का प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का, और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया है। और खालसा और भंडूरी जो है ये दो ट्राइब्यूटरीज हम लोग को महादाई रिवर की देखने को मिलती है, तो ये भी याद रखिएगा। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करें तो एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें प्रिडिक्ट किया जाता है कि इन फ्यूचर कहीं किसी प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट को खतरा तो नहीं होगा, इसलिए तो बोलते हैं ना एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला किसी प्रोजेक्ट को, इसलिए प्रोजेक्ट जो है वो स्टे लग गया है किसी प्रोजेक्ट में। कोई प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तो उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है, और अगर उसने नहीं लिया तो क्या होगा गाइस, वो प्रोजेक्ट के ऊपर जो DM आते हैं वो आकर ताला लगा के चले जाते हैं कि ये बंद हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट नहीं कंटिन्यू किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि आप कोई जब प्रोजेक्ट शुरू करते हो उसके बाद उस प्रोजेक्ट के होने से एनवायरमेंट को खतरा ना हो, तो ये अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो पूरा मेजर करती हैं, चेक करती हैं, और फिर फाइनल करने के बाद ही किसी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई जाती है कि आप अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के थ्रू देखने को मिलती है कि एडवांस में पहले से ही चेक किया जाता है कि कहीं किसी प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट को खतरा तो नहीं है, फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाता है। अब बात हो रही है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के बारे में।
11 मई 2019 को ये ऑब्जर्व किया गया है। देन अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि जो माइग्रेटरी बर्ड है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रही हैं। और आज की डेट में हम लोग देख ही रहे हैं कि पहले के समय पर जितनी माइग्रेटरी बर्ड इंडिया के चिलिका लेक, राजस्थान में, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में आया करती थी, आज की डेट में उतना नहीं आती हैं, राइट। और पहली WMBD वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है ये ऑब्जर्व किया गया था 2006 में, और इस साल की इसकी थीम है प्रोटेक्ट बर्ड्स बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। और वर्ल्ड माइग्रेटरी डे जो है ये दो बार साल में ऑब्जर्व किया जाता है, एक बार जो सेकेंड सैटरडे होता है मई का तब किया जाता है, और दूसरी सेकेंड सैटरडे अक्टूबर जो होता है उस समय किया जाता है। हर्बीवोर सेंसस हम लोग को गिर फॉरेस्ट का देखने को मिला, तो हर समर पे यानी कि हर गर्मी के सीजन पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है गुजरात की गई, ये हर्बीवोर सेंसस जो है वो कंडक्ट करती हैं गिर फॉरेस्ट में। और इस साल ये एक्सरसाइज जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट हर्बीवोर सेंसस है, अगला जो साल होगा वो लायन सेंसस का होगा, राइट। और ये हर पाँच सालों में एक बार एक्सरसाइज होती है, हम लोग को देखने को मिलती है। और हर्बीवोर सेंसस जो है यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला है कि डियर इस सेंसस में यानी कि इस रिपोर्ट में डियर को स्पॉट किया गया, कि कितने डियर्स हैं, कितनी नील गाय हैं, कितने सांबर हैं, कितने चिंकाराज हैं, और फोर हॉर्न एंटीलोप्स कितने हैं, राइट, वाइल्ड बोर्स यानी जंगली सुअर कितने हैं, इंडियन लंगूर कितने हैं, राइट। तो ये पूरा कैलकुलेशन होता है सेंसस में, क्या होता है कि रिपोर्ट निकाली जाती है कि कौन सी स्पीसीज कितनी क्वांटिटी में कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं, राइट। और वाइल्ड अनगुलेट्स और लंगूर्स ये बेसिकली एशियाटिक लायन के मेन प्रे हैं। अब देखो एशियाटिक लायन है उसको सर्वाइव करना है, वो तो कार्निवोर है, वो तो हर्बीवोर नहीं है, कार्निवोर क्या करेगा, दूसरे जानवरों को खाएगा। तो एशियाटिक लायन होता है ये डिपेंडेंट होता है लंगूर के ऊपर, इसको खाता है ये मार के, और वेरियस स्पीसीज को खाता है ये। तो ये सेंसस के थ्रू पता लगता है कि कौन सी स्पीसीज का प्रे जो है वो कितने बचे हैं, क्योंकि अगर प्रे नहीं हो मतलब यानी कि शिकार नहीं होंगे तो वो स्पीसीज कुछ खाएगी नहीं, और वो खाएगी नहीं तो वो स्पीसीज मर जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तो ये इस तरीके से जो है वो हेल्प करता है चीज़ों को एनालाइज करने में, राइट। और ये पता लगाने में कि कोई स्पीसीज जो है उसको कितने समय तक बचाया जा सकता है, या उसके आसपास कितने प्रे रखे जा सकते हैं, अगर नहीं है तो वहाँ पे अवेलेबल करवाया जाता है उस स्पीसीज के लिए प्रे, राइट, प्रे वगैरह यानी कि शिकार वगैरह, जिससे वो शिकार कर सके। अब देखो क्वेश्चन आता है कि हर बार सेंसस जो है इनका समर में ही क्यों होता है, क्योंकि देखो भाई समर के समय में क्या होता है, एक तो गिर फॉरेस्ट के अंदर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि समर के समय में पत्ती वत्तियाँ जो है वो इतनी लगी नहीं होती हैं, इतना मतलब डेंस फॉरेस्ट नहीं होता है, सब की चीज़ झड़ी हुई होती हैं, जिससे कि ईजिली जो है वो विजिबिलिटी हम लोग को देखने को मिल जाती है जानवरों की। सेकेंडली जो वाटर पॉइंट्स होते हैं जैसे कि लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, कुछ जगह जहाँ पर पानी पीने आ सकते हैं पशु, तो वहाँ पर वो पानी पीने आते हैं और वहीं पर उनको कैलकुलेट कर लिया जाता है कि कितने हैं एक्चुअली नंबर्स उनके, राइट। तो इससे सेंसस बनने में आसानी हो जाती है। अब देखिए रिवर रूम फॉर द रिवर प्रोजेक्ट, केरला के चीफ मिनिस्टर गाइस नीदरलैंड टूर पे गए थे, नीदरलैंड में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जहाँ पर पानी को जो है वो कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, पानी को कैसे बेटर तरीके से मैनेज करना है, कैसे नदियों को मैनेज करना है जिससे कि बाढ़ वगैरह ना आए, राइट। तो ये नीदरलैंड से सीख कर आ गए, और उसके बाद इन्होंने इसमें केरला का रीबिल्ड केरला प्लान शुरू किया। आपको पता होगा कि केरला फ्लड जो आई थी तो उसमें कितना नुकसान हुआ था, राइट, केरला फ्लड में। तो इसमें अब ये दोबारा से केरला को रीबिल्ड कर रहे हैं नीदरलैंड मॉडल के ऊपर बेस्ड, क्योंकि नीदरलैंड की बात करें गाइस, नीदरलैंड आप जानते होंगे गाइस समुद्र से घिरा हुआ है ये नीदरलैंड, और नीदरलैंड काफ़ी खतरे में भी है क्लाइमेट चेंज के चलते, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती हैं, बट नीदरलैंड प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है फ्लड को और हर एक चीज़ को। तो वो पूरी चीज़ सीख कर आए हैं केरला के चीफ मिनिस्टर, और वो यहाँ पर केरला में ये इंप्लीमेंट करेंगे नीदरलैंड की अप्रोच को, राइट। और नीदरलैंड की अगर हम लोग बात करें तो एम्स्टरडम उसकी कैपिटल, आप जानते होंगे उसके बारे में, तो एम्स्टरडम जो है गाइस वो खुद ब खुद समुद्र के ऊपर बना हुआ है, यानी पूरा आप कहते भी हैं कि डैम्स के ऊपर बना है, इसलिए उसका नाम एम्स्टरडम रखा हुआ है, राइट। तो ऐसा कहते हैं, बट मेजर तौर पर वो समुद्र से उसकी कनेक्टिविटी है, तो इसलिए बार बार वहाँ पर बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, राइट। तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो उस चीज़ के मॉडल के ऊपर, नीदरलैंड के मॉडल के ऊपर अब केरला जो है वो रीबिल्ड किया जा रहा है। तो ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। चाइना जो है गाइस ये ओजोन डिप्लीटिंग CFC का यूज़ कर रहा है। अब देखो ओजोन डिप्लीटिंग CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, राइट, उसका एमिशन कर रहा है चाइना इलीगल तरीके से, TCF या CFC को इलीगल तरीके से जो है ये इसको एमिट कर रहा है। बोला गया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में कि CFC-11 जो था गाइज उसको पूरी तरह से जो है वो बैन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, राइट। बट अब यहाँ पर चाइना ऐसा नहीं कर रहा है, और चाइना ऐसा नहीं कर रहा है तो आप कह सकते हो कि चाइना जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। और चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलीरीथेन
फोम मार्केट हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर 40% वर्ल्ड का कंजम्पशन यहां पर होता है, राइट। और चाइना फोम मैन्युफैक्चरर की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो ये इलीगल तरीके से CFC-11 का उपयोग कर रहे हैं। और CFC-11 जो है गाइस, आप जानते हो गाइस, इसके बारे में ओजोन डिप्लीटिंग की बात हो रही है यहाँ पर। जो ओजोन लेयर है हमारी, वो हमें किसी सन की अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करके रखती है, बट ओजोन के ऊपर छेद हो गया था, राइट। और इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये बोला गया कि ओजोन जो डिप्लीट होता जा रहा है, जो ओजोन में जो छेद होता जा रहा है, उसकी वजह है सीएफसी, इसको पूरी तरह से बैन कर दो। बट देन टू चाइना इसका उपयोग कर रहा है। और कुछ अभी रिसेंट कुछ रिपोर्ट के थ्रू ये भी पाया गया है, अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के थ्रू, बोला है कि ओजोन जो है वो उसका होल रिकवर हो रहा है, यानी कि ओजोन के गड्ढे जो है वो भरते जा रहे हैं, राइट। तो ये बोला गया है, बट अगर चाइना इस प्रकार की एक्टिविटी कंटिन्यू करेगा, तो ये ओजोन के जो ओजोन में जो बेनिफिट मिल रहा है, जो उसके गड्ढे जो है वो फिलअप हो रहे हैं, होल्स फिलअप हो रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए चाइना के ऊपर जो है वो बोला गया है इंटरनेशनल लेवल पर कि चाइना इस प्रकार की हरकतें ना करे। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट इंडिया और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया, तो इन्होंने लॉन्च की है एक अवेयरनेस कैंपेन, नाम है नॉट ऑल एनिमल माइग्रेट बाय चॉइस। तो देखो इस पर्टिकुलर कैंपेन का मेजर एम ये है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना कि क्लाइमेट चेंज के चलते वाइल्ड लाइफ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, तो इसीलिए वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करो, कंजर्व करो, उसकी स्मगलिंग को प्रिवेंट करो, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड को रिड्यूस करो। और पहला फेज इस कैंपेन का हम लोग को देखने को मिला है, जहां पर टारगेट किया है टाइगर के ऊपर, पेंगोलिन के ऊपर, और स्टार टॉर्टोइस और टोके गेको के ऊपर, राइट। एक प्रकार की लिजार्ड की स्पीसीज होती है, चिपकली टाइप की दिखती है। तो इसके जो इलीगल ट्रेडिंग हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में, उसको रिड्यूस करो, क्योंकि उससे उनको काफ़ी ज़्यादा खतरा हो रहा है, तो इसके ऊपर जो है ये काम कर रहे हैं, राइट। और इवन एक स्टडी के थ्रू ये भी पाया गया कि आज की रेट में जो स्पीसीज़ वगैरह जो है वो चढ़ाई पे जा रही है, यानी कि और भी ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि आप बोल सकते हो कि हायर एल्टीट्यूड पे जा रही है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया कि उनको यहाँ पर गर्मी लग रही है नीचे, और जो स्पीसीज़ पहले जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहती थी, अब वो और ऊपर की तरफ जा रही हैं, हायर एल्टीट्यूड में जा रही हैं। जैसे कि जो स्पीसीज़ उत्तराखंड में रहती थी, आप कह सकते हो वो हिमाचल प्रदेश में रहती थी, वो आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर में जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में उनको बेस्ट टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनके लिए वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। और ऐसे भी चीज़ें हम लोग के सामने आई हैं, तो ये सब चीज़ें भी आप मेंस में लिख सकते हो, राइट। और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की अगर हम लोग बात करें, तो ये एक स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आती है। इनका फोकस है कि जो ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम है उनको रिड्यूस करना, उनको कम करना, उन पर कार्रवाई करना, राइट। तो यही चीज़ आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पिलर आता है सिक्योरिटी का, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रेजिंग डे को सेलिब्रेट किया है 7 मई 2019 को। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, 2015 से हम लोग को देखने को मिल रही है। और इसका काम ये है कि जो बॉर्डर के आसपास जो रोड्स हैं, यानी जो हाईवेज वगैरह हैं बॉर्डर के आसपास, तो उसको ये जो है वो बनाती है, उन पर्टिकुलर हाईवेज को कनेक्टिविटी डेवलप करती है, कि जिससे आर्मी वगैरह को जो कनेक्टिविटी की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो इसका ये बेसिकली काम होता है, और इवन सिविलियंस को भी कोई प्रॉब्लम ना आए, उनको भी कनेक्टिविटी मिल जाए, राइट। क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ पे रोड वगैरह बनाना जो होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए एक अलग बॉडी बनाई गई है जो कि बॉर्डर एरियाज़ पर रोड वगैरह को कंस्ट्रक्ट करती है। और इसने अभी तक 32,885 किलोमीटर से ज़्यादा रोड्स को मेंटेन किया हुआ है, और उसको ऑपरेट भी करती है, और 12,200 मीटर्स के इसके परमानेंट ब्रिज भी हमारी कंट्री में हम लोग को देखने को मिलते हैं BRO के। अब देखिए गाइस, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन ने मसूद अजहर गाइस, जो जैश ए मोहम्मद जो है उसका ये चीफ माना जाता है मसूद अजहर, इसको ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है 1267 अलकायदा सैंक्शन कमेटी के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी हम लोग को देखने को मिलती है। अलकायदा सैंक्शन कमेटी की बात करें, तो गाइस ये जो कमेटी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तीन में से एक कमेटी है, जो दूसरी कमेटीज़ हैं वो है काउंटर टेररिज्म कमेटी और सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी। तो ये जो अलकायदा सैंक्शन कमेटी है ये डील करती है काउंटर टेररिज्म में, और इसका मेजर मकसद ये होता है कि जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं या ऐसे लोग हैं, राइट, इंडिविजुअल हैं, तो उनको ये टेररिस्ट डिक्लेयर करती है इंटरनेशनल लेवल पर, और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट सैंक्शन जो है वो इम्पोज करती है, राइट। तो ये वाली चीज़ आप इसके बारे में थोड़ी सी याद रखिएगा। दोस्तों, रशिया एक ऐसा बिल लेकर आने वाली है जिसमें वो अपनी कंट्री का इंटरनेट खुद ब खुद चलाएगी और वर्ल्ड के इंटरनेट के साथ कट डाउन कर देगी, यानी कि आइसोलेट कर लेगी रशिया को इंटरनेट से, और ये रशियन अथॉरिटीज़ को अलाउ करेगा ये एक नया बिल
सॉवरेन इंटरनेट बिल इसको बोला जा रहा है कि इस प्रकार का बिल ये लेकर आ रही है, जिससे कि वो अपने कंट्री के अंदर जो भी इंटरनेट होगा उनका तो वो खुद ब खुद ऑपरेट करेंगे। ये दूसरी कंट्री को रिमोट कंट्रोल नहीं देना चाहते कि वो दूसरी कंट्री जो है या फिर दूसरी पावर्स जो है वो इनके इंटरनेट को रेगुलेट करें, राइट, या फिर उनके इनके इंटरनेट को अपनी मर्जी से शटडाउन करें या चलाएं। तो ये खुद ब खुद अपने हाथ में पूरा डिसीजन ले रही है, और हालांकि इसको काफ़ी सारे लोग जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बट रशिया का कहना यह है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है और ये डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पहले भी आरोप हुए थे कि उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो रशिया के गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो असेंबलीज वगैरह जो होती हैं इनकी, तो वहाँ पर इसने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कुछ छेड़खानी करी है, इंटरनेट के माध्यम से कुछ मेजर डिटेल्स जो है वो सीक कर ली है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर ऐसे आरोप पहले लगाए गए थे काफ़ी समय पहले, बट उन्हीं सब चीज़ों का ये मिलाकर ये बिल जो है वो लाया जा रहा है कि अब हम लोग अपने इंटरनेट को खुद ब खुद कंट्रोल करेंगे। गाइज, इंडिया ने ज्वाइन करा है ग्लोबल इनिशिएटिव क्रिस चर्च कॉल टू एक्शन को, राइट। तो ये ऑनलाइन जो टेररिज्म होता है और एक्सट्रीमिज्म जो होता है उसको ख़त्म करने के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो लाया गया है, और इंडिया ने इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। इस इनिशिएटिव के थ्रू इंटरनेट को सेफ सिक्योर बनाने की बात की जा रही है। अब देखो गाइस, क्रिस चर्च के नाम से आपको कुछ याद आया, न्यूजीलैंड का क्रिस चर्च था जहां पर एक ऑस्ट्रेलियन ने अटैक किया था, आपको याद आ रहा होगा। तो उसने लाइव फेसबुक पे लाइव जाकर पूरा जो वीडियो बनाया था बाकायदा लोगों को मारते हुए, रियल लोगों को मारते हुए, ऐसा लग रहा था कि वीडियो गेम चल रहा है, बट नहीं, उस इंडिविजुअल ने लाइव फेसबुक लाइव पे टेरर अटैक किया था, सामने अपनी बंदूक के सामने जो है, या फिर अपने मतलब जो कुछ गोप्रो कैमरा जो है उसने लगाया अपने ऊपर और बंदूक दिखाते हुए सब लोगों को मारा उसने। तो इस प्रकार की घटिया हरकत करी थी उसने, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट था ये पूरा खेल इसका, और काफ़ी तकलीफदायक था गाइज़। ये आपने अगर देखा होगा, अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा था, तो बहुत ही खतरनाक लगा था वो इंसिडेंट्स। तो ऐसी चीज़ ऐसे लोग करते हैं गाइज़, और ऑनलाइन ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, ऑनलाइन टेररिज्म को रोकने के लिए इनिशिएटिव लाया गया है। इसमें जो सोशल मीडिया की जो बड़ी कंपनीज हैं, ट्विटर, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके साथ मिलकर ये पूरी चीज़ हो रही है, और टोटल इस इनिशिएटिव में 18 कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन पूरा सपोर्ट कर रहा है इस इनिशिएटिव को, राइट। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और जो इंसिडेंट हुआ था क्रिस चर्च का, आपको पता होगा न्यूजीलैंड में 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, 20 से ज़्यादा लोग जो है वो इंजर हुए थे। उस इंडिविजुअल ने मॉस्क यानी कि मस्जिद में हमला किया था, दो मस्जिद में इसने हमला किया था, और ये ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था, ब्रेंटन टैरेंट इसका नाम था, मात्र इसकी उम्र भी काफ़ी कम थी, यानी 20 से 30 साल के बीच की उम्र थी इसकी, बस इतनी कम उम्र के अंदर इसने इतना बड़ा अटैक किया था। तो ये काफ़ी गलत हम लोग को देखने को मिला था। अब देखिए, बात हो रही है न्यूक्लियर टेस्ट बैन बॉडी CTBT के बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ऑफर किया है इंडिया को इसने एज अ ऑब्जर्वर स्टेटस। तो देखो, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो है गई CTBT के, लसीना जरबो, तो इन्होंने इंडिया को इनवाइट किया है एज अ ऑब्जर्वर की तरह CTBT में, और इंडिया जो है गई जिसको पूरे राइट्स मिलेंगे। अब जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप, एक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया भर में कहीं पर भी अगर कोई न्यूक्लियर अटैक होता है या फिर कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशन निकलता है तो इस सिस्टम को पता लग जाता है, ये डिटेक्ट कर लेता है ये सिस्टम, और इसके डेटा की इंफॉर्मेशन जो है वो अब इंडिया को मिलेगी, बिकॉज इंडिया एज ऑब्जर्वर की तरह हम लोग को CTBT में देखने को मिल रहा है। CTBT के बारे में गाइस थोड़ा सी आप ये रीड कीजिएगा, CTBT बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CTBT हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर से रिलेटेड जो इस प्रकार के जो टॉपिक्स होते हैं वो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि इंडिया जो है, चलो मैं एक मिनट दो मिनट में आपको बता ही देता हूँ, ये लास्ट ही है वैसे भी। तो देखो, ये CTBT जो है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं पूरी दुनिया भर में या किसी और किसी के भी द्वारा, अगर कोई इंडिविजुअल न्यूक्लियर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको भी ये बैन करती है, न्यूक्लियर वेपन बनाना, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना, सब चीज़ को बैन करती है ये CTBT, राइट। तो एक प्रकार की ट्रीटी है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था, और ये सिग्नेचर के लिए ओपन हो गई थी, यानी कि रेक्टिफिकेशन के लिए और साइन के लिए ओपन हो गई थी 24 सितंबर 1996 को, और तब से लेकर अभी तक 182 कंट्री ने इस ट्रीटी को साइन किया है। टोटल 154 कंट्रीज जो हैं गाइस जिन्होंने इस ट्रीटी को रेक्टिफाई कर लिया है, और ट्रीटी गाइस तभी फोर्स में आती है जब 8 कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी है, जो कि चाइना, इजिप्ट, इंडिया, ईरान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये 8 कंट्री है जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी है, राइट। तो ये रेक्टिफाई तभी हुई थी जब इन 8 कंट्रीज जो हैं ये इनको साइन कर लें, तभी ये रेक्टिफाई जो है वो मानी जाएगी। तो ये वाली बात भी यहाँ पर बताई जा रही है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है CTBT की गई, तो ये लास्ट बैरियर हम लोग को देखने को मिलता है न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने का,
राइट, और ये क्या करती है, नए न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने के ऊपर कर्ब लगाती है, यानी कि उसको बंद करती है कि कोई भी नए न्यूक्लियर वेपन जो है वो नहीं बनेंगे और ना ही फर्दर न्यूक्लियर वेपन के डिजाइन में कोई भी इंप्रूवमेंट या अपग्रेडेशन होगा, तो इस पर ये बैन लगाती है। कुल मिलाकर याद रखना कि CTBT जो है वो बैन करती है किसी प्रकार की नई न्यूक्लियर एक्टिविटी को, कि कोई भी नई न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं होगी, बिकॉज न्यूक्लियर एक्टिविटी कितनी खतरनाक है गाइस, एनवायरमेंट के लिए, ह्यूमन के लिए कितनी खतरनाक है। आप जानते ही हो कि न्यूक्लियर वेपन्स जो था, जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था जो यूएसए ने जापान के ऊपर किया था, उसका जो रेडिएशन है वो आज तक हिरोशिमा नागासाकी में हम लोग को देखने को मिलता है आज तक, राइट। तो ये बहुत डेंजरस है, तो इस पर जो है वो फोकस किया जाता है कोई भी न्यूक्लियर वो ना हो, और अगर किसी कंट्री ने इसको सिग्नेचर करके रेक्टिफाई कर लिया तो वो कंट्री लीगली बाइंडिंग हो जाती है उस कंट्री की गवर्नमेंट की, जैसा CTBT बोलेगी फिर अकॉर्डिंगली उसको वैसा करना पड़ेगा, राइट। तो कुल मिलाकर इसमें यही है कि आप न्यूक्लियर की ना टेस्टिंग करो, ना न्यूक्लियर को डिजाइन करो, ना उसको बनाओ किसी भी प्रकार से या किसी भी पर्पज के लिए, राइट। ऐसा नहीं बोलोगे आपकी जैसे कि ईरान कर रहा है, ईरान बोल रहा है अभी कि वो अपने, अभी हमने पढ़ा ना कि ईरान ने मना कर दिया, ईरान ने बोल दिया कि ये न्यूक्लियर वेपन्स या फिर यूरानियम को एनरिच करेगा, पर उसने क्या बोला, मैं पावर के लिए करूंगा, मैं अपनी एनर्जी सेक्टर को एनहांस करने के लिए कर रहा हूं, मैं न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए नहीं कर रहा हूं। बट सभी कंट्री बेवकूफ़ नहीं है, सभी को पता है, और इवन आप भी UPSC की तैयारी करें तो आपने एक डिटरेंस नाम की एक पॉलिसी पढ़ी होगी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, अगर नहीं पता है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोर्स में है वो, राइट। एक डिटरेंस नाम की एक पॉलिसी होती है जिसमें क्या होता है कि लोग बाग अपनी कंट्री, जैसे हर एक कंट्री है, आपने देखा होगा सभी कंट्रीज जो है वो अपने पास वेपन्स, नए नए प्रकार के वेपन्स लाती रहती है, जैसे इंडिया है, इंडिया भी नए नए प्रकार के वेपन्स जो है वो लेकर आती है, नई नई रेंज के वेपन्स, नए नए एडवांस वेपन्स, क्यों, एक डिटरेंस पॉलिसी भी होती है कि हम लोग को अपने वेपन दिखा के सामने वाले को डराना है, राइट। हमारी नेबरिंग कंट्रीज को बताना है कि भाई अगर वॉर होगा तो वी हैव ईच एंड एवरीथिंग, इसलिए DRDO, ISRO, राइट, ISRO की बात नहीं करें, हाँ चलो ठीक है, ISRO भी मान सकते हैं हम लोग क्योंकि वो भी हेल्प करती है वेरियस वेपन्स वगैरह को बनाने के लिए, जैसे DRDO हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हो गई, तो ये जब भी वेपन्स बनाती हैं तो हम लोग उस वेपन का प्रदर्शन करते हैं, बताते हैं पूरी दुनिया को, पेपर में पब्लिश करते हैं कि ये वेपन हमारे पास आ गया है, क्यों, एवरीवन शुड नो कि वी हैव काइंड ऑफ अ वेपन्स, कि हमसे पंगा मत लेना, तो ये डिटरेंस पॉलिसी के अंदर आता है। और न्यूक्लियर के लिए अगर लोग डिटरेंस पॉलिसी करने लगे और लोग अपने पास न्यूक्लियर वेपन बनाने लगे और किसी दिन अटैक होता है, कोई भी कंट्री अगर न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करती है, तो इट विल बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर एनवायरमेंट, फॉर ह्यूमंस, राइट। तो इसीलिए ये बोला गया है कि न्यूक्लियर वेपन्स का किसी प्रकार से टेस्टिंग नहीं होना है। और ईरान जो आज की डेट में यूरेनियम को एनरिच करने की कोशिश कर रहा है, इसने बोल दिया कि मैं 2015 की जो डील है, न्यूक्लियर डील, उससे हट जाता हूं और मैं न्यूक्लियर वेपन्स अब बनाऊंगा, तो वो तो बोल रहा, वो न्यूक्लियर वेपन्स उसने डायरेक्ट नहीं बोला, उसने बोला कि मैं यूरेनियम का उपयोग जो है वो पावर सेक्टर को जनरेट करने के लिए करूंगा, तो उससे क्या होगा कि एवरीवन नोस कि वो ऐसा नहीं करेगा, ईरान है वो, राइट, वो तो डेफिनेटली वेपन बनाएगा ही बनाएगा। तो ये इसीलिए, अब इसलिए ये CTBT जो है, अगर इसको ये पूरी की पूरी 8 कंट्री अगर रेक्टिफाई कर देती है तो ये फोर्स पे आ जाएगी, अभी तक ये फोर्स पे नहीं आई, ये वाली चीज़ भी आप थोड़ी सी ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो चलिए फिर हमारा हो जाता है कंप्लीट ये वाला लेक्चर आज का पूरा, और हमने मई 2019 के पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि आपको पूरी चीज़ कंप्लीट हो गई होगी, और जिसने भी अभी एंड तक पूरा ये लेक्चर देख लिया, आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हर एक न्यूज़ हमने डिटेल में डिस्कस करी है, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब हम लोग मैं वीडियो लेकर आऊँगा जून 2019 का, राइट। और जिन लोगों ने भी अक्टूबर 2018 से लेकर अभी तक के पूरे मेरे मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं देखे हैं, वो डेफिनेटली देख लीजिए, इसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।